हेलो बच्चों, जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वनकम। तो बच्चों, मैं विनय कुमार शूर आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक छोटे से ब्रेक के बाद जो मुझे लेना पड़ा था एक अमेजिंग सेशन को लेकर जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे हमारी फिजिक्स शुरू होती है। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। और आज आपको एक्चुअली कहते हैं ना कि पुराने एक फिल्मों का जैसे एरा होता था, 90s का एरा, तो आज आपको फिजिक्स का, साइंस का वो 90s का एरा, मतलब 90s भी मैं क्या बोलूं, वो 80s का एरा, वो 1800s का एरा, कि बेसिकली साइंस कैसे इवॉल्व हुई। तो आज का लेक्चर तो बेटा ऐसे समझ के चलिए कि आज एक दादाजी आपके सामने दोबारा उपस्थित हुए हैं और वो दादाजी आपको आज ये बताने वाले हैं कि फिजिक्स की कहानियां क्या थी, कैसे यूनिट्स आए, कैसे कैसे हमारी चीजें इवॉल्व होती गई और हम अपनी फिजिक्स में आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज हम यूनिट्स को बहुत बड़े लेवल पे डिस्कस कर पाते हैं। आज का सेशन बच्चों हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई आपका फ्रेंड मेडिकल में हो, चाहे नॉन मेडिकल में हो, चाहे आपके पासिंग आउट बच्चे हो, आपको जानकर बहुत शॉक लगेगा, जो आपके इस साल जेई एडवांस में और जेई मेंस में बच्चे पेपर दे रहे हैं, ये सेशन उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज तो मतलब बच्चों आग लगा दो, आज तो हर बच्चे को ये वीडियो शेयर कर दो, सबको बता दो कि आज हम यूनिट्स और डायमेंशंस पढ़ने वाले हैं और फील से पढ़ने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, मेरे टमाटर मुझे आज बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो एक बार चैट बॉक्स में बेटा यलगार कर दीजिए, मुझे थोड़ा सा नमस्ते कर दीजिए, है ना, एंड लेट मी नो कौन कौन टमाटर आ चुके हैं और अपनी अटेंडेंस भी लगा दो और विनय सर को थोड़ा सा आई हेलो भी कह दो, कौन कौन आ चुके हैं मेरे गुल्लू मुल्लू। तो मैं देख पा रहा हूँ आई हैव सचिन, थोड़ा सा बेटा थ्रोट आज भी खराब है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लकी, आदेश, वेदांत, ओए होए क्या बात है, एकदम से बेटे तो बाप ने आग लगा दी है, चैट बॉक्स रुक ही नहीं रहा। दीपिका, गणेश भैया, गणेश हमारा बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा रेगुलर बच्चा है, आ चुके हैं। हर्ष आ चुके हैं, दीदुम जी आ चुके हैं, चलो सुपर कूल बच्चों, सुपर कूल। तो मैं देख पा रहा हूँ मेरे प्यारे प्यारे टमाटर काफी सब आ चुके हैं और मुझसे पूछ रहे हैं सर हाउ आर यू। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, बिल्कुल तंदुरुस्त हूं और आज दोबारा तैयार हूं आपके सामने सेशन को लेकर। थोड़ी माफी चाहूंगा, पिछला वीक में आपसे एक सेशन मैं ले नहीं पाया था, जस्ट एट द लास्ट मोमेंट आई फेल्ट कि थोड़ी सी मेरी हेल्थ साथ नहीं दे रही। थोड़ी सी मैं आपके साथ स्टोरी भी शेयर करता हूं। एक्चुअली कुछ एक बड़ा फ्रूट्स का मुझे बहुत मैं शौकीन आदमी हूं, तो जब मैं फ्रूट्स खाने लगा तो फ्रूट को खाते वक्त मुझे थोड़ा सा आइडिया लग गया कि यार ये थोड़ा सा गड़बड़ है, मुझे इसे नहीं खाना चाहिए। बट एज यू नो पंजाबीज के लिए ये सबसे मुश्किल काम होता है, किसी चीज को छोड़ना, त्याग करना, वो भी खाने वाली चीज का, हम कभी नहीं कर पाते बच्चों को, जितनी मर्जी टफ सिचुएशन हो हम हमेशा अपने खाने को प्रेफरेंस देते हैं। तो बस बच्चों वहां पे वो खा लिया, जिससे थोड़ा सा मेरे को स्टमक इन्फेक्शन हो गया। अब वही है, टेम्परेचर आता है तो आजकल का जो सिचुएशन है उसमें फिर डेफिनेटली आप भी थोड़ा वरी करते हो, फैमिली भी वरी करती है। सो दैट वाइज आई वॉज जस्ट मॉनिटरिंग माई ऑक्सीजन, सो बस इट वेंट डाउन फॉर जस्ट वन डे एंड देन एवरीथिंग इज टचवुड, आप भी टचवुड कर लो आजकल बहुत ज्यादा सुनने में मिलता है, तो हाँ, तो एवरीथिंग इज ऑल फाइन गाइज, आई एम ऑल फिट एंड फाइन एंड रेडी फॉर द अमेजिंग एंड द ब्यूटीफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। बाकी आप लोग बताओ, आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो, आपके सब घर पे परिवार पे ऑल वेल, काफी दिनों बाद मिल रहे हैं आप लोगों को, ऑल वेल एट होम बच्चों, जल्दी बताओ, है ना, ओके। अभी मैं देख रहा हूँ लेक्चर हमारा शुरू नहीं हुआ और दिहाड़ी पे जो लोग होते हैं वो सब आ चुके हैं बीच में, है ना, आप सब बढ़िया, ओके ओके, चंगा जी चंगा, ऑल वेल, आपके घर पे सब बढ़िया, माता पिता सब ऑल वेल, ऑल वेल, चलो ठीक है यार, अपना ध्यान रखना बच्चों, है ना, हाँ सब बच्चे अपना ध्यान रखना, चलो चलो सुपर कूल सुपर कूल सुपर कूल, ओके ठीक है बच्चों, दैट्स ऑसम, दैट्स ग्रेट, है ना, ओके। तो बच्चों आज का सेशन हम शुरू करने वाले हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। सेशन में आज बहुत कुछ सीखने को है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपके कोई भी और फ्रेंड्स हैं, जिन भी लोगों को, जो भी बच्चे इस साल अपीयर भी हो रहे हैं, उनके लिए भी आज का सेशन बहुत प्यारा सा क्रिस्प सा सेशन है, जिसके अंदर आप देख रहे हो हम तीन चीजें कवर करने वाले हैं, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो एक इस चैप्टर का और पार्ट है जिसके अंदर हम एरर एनालिसिस करेंगे एंड दैट वी विल डू ऑन द थर्सडे। तो चलो बच्चों शुरू किया जाए सेशन को जय माता दी करते हुए, आज मेरे टमाटर बड़े दिनों बाद मिले हैं मेरे गुल्लू मुल्लू से, ठीक है, ओके। चलो बच्चों शुरू किया जाए आज के सेशन को, आज के सेशन को। तो बच्चों देखिए, मैं हूं आपका प्यारा विनय कुमार शूर, क्विकली अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूं, कुछ अपनी तारीफें भी कर देता हूं, बड़े दिनों बाद मिला हूं, थोड़ा सा मेरा भी खून बन जाएगा बेटा। तो मैं हूं आपका प्यारा विनय कुमार शूर, योर मास्टर टीचर इन फिजिक्स, पिछले 8 वर्षों से फिजिक्स को पढ़ाने का फील से, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, फील से
पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं और ये मेरा आप लोगों से वादा है बेटा, जब तक मैं जीवित हूं एक भी सांस बाकी है ये प्रयास अंतिम सांस तक जारी रहेगा। बाकी बड़ा अच्छा इंसान हूं, बड़े अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं, बहुत बच्चे फिजिक्स ओलंपियाड निकाल चुके हैं। इस साल भी मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि फिजिक्स ओलंपियाड में 4 बच्चे कंट्री में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारे VOS के वेदांतु ओलंपियाड स्कूल के, जो लास्ट ईयर ही एक हमने विंग शुरू किया था फॉर द रिजल्ट्स एंड द टॉपर्स, उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आप सब प्रार्थना करें कि वो बच्चे हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल भी फिजिक्स ओलंपियाड में आगे रिप्रेजेंट करें। बाकी बहुत अच्छा इंसान हूं, जैसा मैंने कहा एम्स रैंक 1 भी आ चुका है, बहुत बच्चे 2 डिजिट रैंक्स JEE में भी लेके जा चुके हैं, और अब जो मैंने सिंगल डिजिट मेडिकल में दिया था तो अब मेरी इच्छा है मैं वो नॉन मेडिकल में भी क्रिएट कर पाऊं, और डेफिनेटली इस चीज को हम ऑनलाइन में और बड़े स्केल पे क्रिएट कर पाए। तो ये बेटा तभी हो पाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। जितनी जिम्मेदारी बच्चों ये मेरी बनती है कि इस देश के हर गली के हर नगर के हर गांव तक मैं पहुंच सकूं और कोई भी एक अच्छा बच्चा छूट ना जाए, जितनी ये जिम्मेदारी मेरी है उतनी ये जिम्मेदारी टमाटरों तुम लोगों की भी है, ठीक है? तो तुमने भी इस चीज का ध्यान रखना है कि तुम लोग भी जाइए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और कोई बच्चा जो अच्छी एजुकेशन सीख कर रहा है वो कहीं छूट ना जाए, ठीक है जी? ओके जी, हाँ बुक्स के ऊपर भी वीडियोस करेंगे, जल्दी करेंगे और फटाफट करेंगे। हाँ जी हाँ जी, विनय सर जिंदाबाद, कौन कह रही है? कनिक सारस्वत, अरे क्या बात है क्या बात है, ठीक है जी। तो चलिए टमाटरों, इस हफ्ते का शेड्यूल आपके सामने है, यू गाइस कैन सी दिस शेड्यूल। आज जैसे बच्चों आप देख सकते हैं आज हमारा 25th में है, वी आर डिस्कसिंग द यूनिट्स एंड डायमेंशंस का पहला लेक्चर जिसमें हम यूनिट्स डायमेंशन और सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे। एंड यस बच्चों, आज रात को हमारे अरविंद सर का भी एक सेशन है जिसमें वो आपसे कुछ प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करने वाले हैं। देन यस टुमारो इज द हर सर सेशन, देन डेफिनेटली यू हैव अ सेशन ऑफ मोहित सर, एंड डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे अगला सेशन सूरी सर का भी आपका आ रहा है ऑन वेक्टर्स मेंटी क्विज। यस हाँ, सो गाइज दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल थिंग, आवर बिलेवड सूरी सर इज नाउ बैक। तो ये मुझे बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है, आप लोग भी बहुत उन्हें मिस कर रहे थे, तो अब आप लोगों के सेशंस भी वो जल्दी से जल्दी और ज्यादा लेने शुरू करेंगे, ठीक है ना? तो अभी सर जस्ट ज्वाइन किए हैं, सो विद टाइम डेफिनेटली सर विल स्टार्ट टेकिंग मोर सेशंस ऑल ऑफ यू। और थैंक गॉड गाइस, सब हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि ये जो भी मंजर चल रहा है ये जल्दी समाप्त हो और संसार में दोबारा प्रेम भाव हो, दोबारा पीस हो और लोग मिलजुल के दोबारा जिस तरह से मिलते थे बाहर निकल के उस तरह से मिल सकें। तो सूरी सर यू आर वेलकम बैक, ठीक है ना? और एक बार सूरी सर के लिए क्लैपिंग कर दो फटाफट सब बच्चे चैट बॉक्स में, सूरी सर वापस आ गए हैं, है ना? एंड यू कैन सी ऑल दी सेशंस। एंड डेफिनेटली बच्चों हाँ, ये हमारा अगला सेशन रहेगा एरर एनालिसिस का, एंड यस डेफिनेटली उसके बाद में कैलकुलस का। हाँ ये भी बेटा नोट कर लो, थर्सडे को हमारे दो सेशंस होंगे। थर्सडे को एक सेशन तो हम एरर एनालिसिस का करेंगे टमाटरों, और एक सेशन मेरे टमाटरों हम करेंगे कैलकुलस का जिसमें हम टॉप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जो भी आपको कैलकुलस के हमने 5 लेक्चर्स लिए हैं उन लेक्चर्स में जो भी टॉप प्रॉब्लम्स होंगी डीपीपी की वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, प्लस फ्यू एग्जांपल्स ऑफ क्लास जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिए थे, ठीक है? डन। हाँ अरे बच्चे कह रहे हैं सर आप पढ़ाओगे, अरे बेटा मैं आपको बता दूं पूरा वेदांतु आपको पढ़ाएगा, ठीक है ना? पूरा वेदांतु पढ़ाएगा, तुम पढ़ने वाले बनो, है ना? हाँ पूरा वेदांतु का बफे जो है वो आप लोगों के लिए ओपन है, आप हमारे प्यारे बच्चे हैं, आप हमारे प्रिय बच्चे हैं, आपको सब मिलेंगे, ठीक है ना? हाँ चिंता मत करिए, ठीक है जी। तो चलो बच्चों इसी के साथ हमारा एक और सेशन बेटा इस वीक में रहेगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस का, मैं PYQ सेशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और PYQs काफी ज्यादा इस चैप्टर के आते हैं, तो मैं आपको 2 लेक्चर तो इसके डिस्कशन में ले रहा हूं और एक सेशन मैं आपका लूंगा बच्चों सैटरडे को एट अगेन 8 PM जिसमें हम रात को जो भी हमारी PYQs की जो बेस्ट प्रॉब्लम्स हैं मैं इस चैप्टर की आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। बाकी अरविंद सर का सेशन है, मोहित सर का सेशन है, शेड्यूल आपके सामने है, स्नैपशॉट आप ले सकते हो। एंड बच्चों इसी के साथ हमारा ये जो संसार है, ये संसार बच्चों हमेशा याद रखना ये कोई एक इंसान नहीं चला सकता, तो जैसे ये संसार सब हम मिल बांट के चलाते हैं, ये ऑनलाइन लेक्चर भी बच्चों इट इज जस्ट लाइक अ ब्यूटीफुल फिल्म जिसके अंदर सामने आपके सामने एक हीरो आता है, लेकिन वो हीरो तभी आ पाता है अगर बहुत सारे लोग बैकएंड पे काम करते हैं। अभी आपके यूट्यूब के चैट बॉक्स में हमारे गौतम सर हैं, वो आपका पूरा चैट बॉक्स संभाल रहे हैं और कई भी जो इधर उधर से लोग आते हैं टाइम पास मारने उनको वो वापस भेजते हैं। इसी के साथ हमारी पूरी कंटेंट टीम है बच्चों जिसमें साहिल गुप्ता जी हमारे दिन रात काम करते हैं जिससे हम एक ऑसम सेशन आपके सामने डिलीवर कर पाएं, क्योंकि यूट्यूब पे ऑनलाइन पे लेक्चर डिलीवर तभी क्रिएट हो पाता है अच्छा अगर आपका कंटेंट उतना सॉलिड हो, तो ये सब हम कर पाते हैं अगर पूरी टीम मिलकर काम करती है। तो पूरी टीम के लिए बच्चों चैट बॉक्स में पॉजिटिविटी प्यार मोहब्बत तालियां मैं देखना चाहूंगा पूरी टीम के लिए, ठीक है? और आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे के आसपास, ठीक है? तो आराम से तकिए वकिए लगा के बैठना और बिल्कुल पापा मम्मी को बोल देना आज हम बहुत बिजी हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करें, ठीक है? बल्ले 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 बल्ले, ठीक है बच्चों? ओके तो चलिए बच्चों
बच्चे कह रहे हैं सर स्टोरी। अच्छा, ये एक तो इनके, हाँ एक तो लिंक बेटा, जो असाइनमेंट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, याद रखिएगा, ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब बड़े दिनों बाद मिले हैं तो सेशन ऐसे तो मैं शुरू करूंगा नहीं, तो एक दो लाइनें है ना, कोई बच्चे कुछ कुछ कह रहे हैं, बेटा इतने सारे डाउट्स ना मैं ले नहीं पाऊंगा, ठीक है, आपके यहाँ पे यूट्यूब पे, तो मेरी आईडी आपके सामने है vinay.shur@vedantu.com, वहां पे भेज दीजिएगा। आई एम सॉरी मैं पिछले वीक बच्चों को रिप्लाई नहीं कर पाया, आज नहीं तो कल बेटा आपको सारे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। आई वॉज नॉट वेल फॉर टू डेज, सो दैट इज वाई मैं थोड़ा सा रिप्लाई नहीं कर पाया, आज सबको सब डाउट्स के रिप्लाई कल तक आ जाएगा आपको, कल तक आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज कुछ दो लाइनें मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा सेशन को शुरू करने से पहले, दिल थाम के सुनिएगा, और ये कुछ ऐसी लाइनें हैं जो आपके दिल के बेटा बिल्कुल करीब रखना, और जीवन में जब कभी भी आप लो फील करो तो इस चीज को जरूर अपने पास रखना कि विनय सर ने ये कुछ लाइनें हमें बताई थी। कहता है पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को फिर निकलने में वक्त लगता है। देखिए कोई भी जीवन में कार्य करना है, करने में तो वक्त लगता है। मैंने एक मेलन खाया जो कि अच्छा नहीं था, उसको खाने में भी मुझे वक्त लगा, है ना। मैं अब आपको पढ़ाने आया हूं, कुछ वक्त लगेगा, आप पढ़ने आए हैं आपको भी वक्त लगेगा, और आपके भी अपने जीवन में बहुत बड़े अरमान होंगे, मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे मेरे माता पिता को वर्ल्ड टूर पे लेके जाना है। बच्चों बड़े अच्छे ख्वाब हैं, ख्वाब देखिए, पर वक्त लगता है। तो पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को फिर निकलने में वक्त लगता है, कुछ देर रुकने के बाद तो फिर से चल पड़ना दोस्त। आमतौर पर क्या होता है, जब हम कई बार थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो हम रुक जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीक कुछ दिनों के लिए मैं रुक गया, दो दिन के लिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आराम से बैठा और पुराने जमाने की बेटा मैंने फिल्में देखी, पुराने जमाने की, सन्नी देओल का मैं बहुत बड़ा फैन हूं तो मैंने उन फिल्म को एंजॉय किया। तो कुछ देर रुकने के बाद, रुका जरूर लेकिन आगे लाइन को सुनिए, कुछ देर रुकने के बाद तो फिर से चल पड़ना दोस्त, दोबारा फिर अपनी गाड़ी हमने पकड़ लेनी है बच्चों, कुछ देर रुकने के बाद तो फिर से चल पड़ना दोस्त, टूटे हुए मन को फिर संवरने में वक्त लगता है। देखिए सीधी बात है, आजकल जो सिचुएशन चल रही है, बहुत लोगों के मन टूटे हुए हैं, बहुत लोगों के परिवार में बहुत कष्ट आ रहे हैं, कई लोगों की हेल्थ नीचे जा रही है, तो टूटे हुए मन को फिर संवरने में वक्त लगता है। तो वक्त लगेगा लेकिन हमने चलना है, वक्त लगेगा हमने चलना है। तो भाई पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को फिर निकलने में वक्त लगता है, कुछ देर रुकने के बाद तो फिर से चल पड़ना दोस्त, टूटे हुए मन को फिर संवरने में वक्त लगता है, और अंतिम लाइन मेरे दिल के बहुत करीब है, बिखरेगी फिर वही चमक तेरे वजूद से तू महसूस करना। आप में से बहुत बच्चे होंगे जो सोचते होंगे यार पहले तो हम बहुत शाइन करते थे स्कूल कॉलेज में, तो हम बब्बर शेर थे, आजकल हम थोड़ा सा वो फील कर रहे हैं। तो इस लाइन को बच्चों याद रखना, कुछ बिखरेगी फिर वही चमक तेरे वजूद से तू महसूस करना, तू दोबारा उतना शाइन करेगा अपने जीवन में, इस बात को तू महसूस करना, गरजे जब बादल तो बरसने में वक्त लगता है। तो जब बादल भी गरजते हैं तो पानी आने में, पहले ही माहौल बन जाता है तड़ 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 तड़, लेकिन पानी बरसने में वक्त लगता है, ठीक है। तो चलिए मेरे टमाटरों बल्ले बल्ले, इसी के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ आज का सेशन बच्चों शुरू किया जाता है, और मैं आपके साथ आज डिस्कशन करने वाला हूं फिजिक्स का एरा। तो इट इज एन ओल्ड एरा ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स पुराने जमाने में कहां से चली, कैसे कैसे चीजें उठी। आज का सेशन एक स्टोरी की तरह है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, इस बात को दिमाग में रखिए, एक कहानी है जो मैं आपको बताने आया हूं, ऐसे मान के चलिए जैसे दादाजी को आप बोलते हो ना कहानी सुनाओ, तो आज आपको मैं फिजिक्स की स्टोरी सुनाने आया हूं, और वो सारे हम एरास पे वापस जाएंगे जहां जहां से फिजिक्स आनी स्टार्ट हुई। तो भैया यूनिट्स डायमेंशंस है ना, और एरर्स हम करेंगे थर्सडे को। तो यार ये चीजें कहां से उठी, ये चीजें बेटा डेफिनेटली आप देख रहे हो कि जब कुछ कुछ चीजें संसार में आई, जैसे आप ये वुड देख पा रहे हो, तो जब हम इनको मेजर करने लगे, अब मेजर करना है कितना है, कोई चीज कितनी है, समझ रहे हो, तो डेफिनेटली मेजरमेंट के लिए हमें कुछ कुछ यूनिट्स बनाने पड़े, और वहां से हमारी जो है ये चैप्टर की शुरुआत हुई। बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करते हैं जब हम, ठीक है ना, रेडी हैं सब बच्चे, चलो टमाटर रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं बच्चों। इस चैप्टर में सबसे पहले अगर मैं आपको जर्नी बताऊं, वी विल डिस्कस टुडे फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट डायमेंशंस, एंड देन वी विल टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक एक करके सबको निपटाएंगे। तो अभी शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से, और बच्चों फिजिकल क्वांटिटी, आप सबको मैंने ये डेफिनेशन बता रखी है जब हमने वेक्टर्स चैप्टर स्टार्ट किया था, कि व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी इज समथिंग विच कैन बी मेजर्ड। अब जिसको हम मेजर करते हैं, अगर तो उसमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और वेक्टर लॉज फॉलो करती है, तो उसे हम वेक्टर कह देते हैं, और अगर हम जिसे मेजर करते हैं जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड है, उसे हम स्केलर कह देते हैं। तो डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी दी हुई है, दोबारा दे देते हैं। तो व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड डिस्क्राइब्ड बाय अ नंबर। नाउ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं,
स्टोरी को सुनते रहिएगा, ये सोच के चलिए आज एक बिल्कुल कहानी की तरह हम चल रहे हैं कि एनीथिंग विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर, जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं और एक नंबर दे सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे ही आपके सामने बेटा आप देख सकते हो, आप किसी चीज को अगर एक इंची टेप से अगर आप मेजर करें तो यू विल हैव सम लेंथ लाइक 3 इंचेस 5 इंचेस 10 इंचेस। ये प्यारी सी गुड़िया है, ये प्यारा सा टमाटर है, तो डेफिनेटली उस गुड़िया का हम वेट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कुछ कुछ रीडिंग आएगी 10 ग्राम 5 ग्राम, अगर विनय सर खड़े हो जाएंगे तो 5 kg 10 kg, ये सुपर नहीं आने वाला है ना। तो एनीथिंग विच कैन बी मेजर लाइक वेट इट ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। और बाकी बेटा ये आपके सामने घड़ी है, घड़ी तो आप सब देखते रहते हो, तो जो क्लॉक है दैट टाइम इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। सो बहुत सीधी सी बात है, एनीथिंग विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। चैट बॉक्स में लिख दें, जय माता दी सर, समझ में आ गया, जय माता दी लिख दो। और एक क्वेश्चन का हम अभी से अभी श्री गणेश भी कर लेंगे, तो आते ही हमने क्वेश्चन भी कर लिया। अब क्वेश्चन क्या है, आजकल जैसे बेटा आप जानते हैं विनय सर भी थोड़े बीमार हो गए थे, और हर टमाटर हमारा आजकल थोड़ा सा ध्यान रखना, तो ये एक प्यारा सा मेरा गुल्लू मुल्लू सा टमाटर है ना, बहुत प्यारा सा चोटा सा बच्चा है, बहुत क्यूटू चीक्स हैं इसके, देखो जरा है ना, बड़े प्यार बच्चों के बड़े अच्छे अच्छे लगते हैं बेटा चीक्स में ना, मैं तो बेटा खा जाता हूँ, मैं सच बताऊँ तो मुझे मेरा बेटा मुझे देख के भाग जाता है कि पापा अब तो मुझे इरिटेट कर देंगे, है ना। तो बच्चों बड़ा प्यारा सा टमाटर है गुल्लू मुल्लू सा, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या है, सपोज यू हैव अ फीवर एंड यू गो टू डॉक्टर, आपको बुखार आया और आप डॉक्टर के पास गए, एंड डॉक्टर मेजर्स योर फीवर, और डॉक्टर ने आपका बुखार मेजर किया, तो मुझे एक बात बताओ, इज फीवर अ फिजिकल क्वांटिटी, येस और नो, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, इज फीवर अ फिजिकल क्वांटिटी। है मेरे टमाटरों, क्या फीवर एक फिजिकल क्वांटिटी है मेरे गुन्नू मुन्नुओं, है क्या? यस सर, फीवर है, बिल्कुल फीवर है फिजिकल क्वांटिटी, है ना। अरे बेवकूफो, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फीवर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। जो आपका डॉक्टर मेजर करता है वो टेम्परेचर मेजर करता है, टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड, बट फीवर तो एक वैसे ही एक इमोशन है, इट इज जस्ट अ वर्ड, इट इज नथिंग एल्स, सो फीवर कैन नॉट बी मेजर्ड, ओके, देयर इज नो नंबर गिवन टू फीवर, द नंबर इज टेम्परेचर। तो 98.4 जो फारेनहाइट है वो टेम्परेचर है बॉडी का, so fever is not a physical quantity, understand this thing, है ना। a doctor cannot measure the fever, he measures your body temperature, वो body के temperature को जो कि thermometer लगा के आपको यहाँ पे reading नजर आती है वो उसको measure करता है, and temperature is a physical quantity, temperature is a physical quantity, जय माता दी, जय माता। तो यहीं पे देखो, अब और बहुत सारी examples मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे जैसे ये टमाटर मुस्कुरा रहा है, हैप्पीनेस देखो इस टमाटर के चेहरे पे, भगवान इसको नजर ना लगाए, ये गुल्लू मुल्लू इसके भी चीक्स देखो कितने प्यारे प्यारे से हैं, है ना। तो आप नोटिस कर रहे हो ये टमाटर हमारा मुस्कुरा रहा है, अब ये कितना अमाउंट मुस्कुरा रहा है क्या हम इसे मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे ही बेटा हैप्पीनेस, सैडनेस, फेथ, अब जैसे तुम लोग मुझ पे फेथ करते हो, है ना, तुम लोग मुझको फेथ करते हो, इट इज जस्ट अ फीलिंग, ये एक भरोसा है कि विनय सर आएंगे, विनय सर हमें पढ़ाएंगे, विनय सर हमारी नैया पार लगाएंगे, तो ये फेथ है, ये फीलिंग है, ये एक अचूट धागा है, लेकिन इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है ना। तो ऐसे ही प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, कई आते हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में प्यार मोहब्बत वाले, है ना समझ रहे हो। तो कलर हो गया, स्मेल हो गया, सो दीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ नंबर, सो दे आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज, दे आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। चैट बॉक्स में लिख दे, जय माता दी, चक दे फटे, यहां तक समझ में आ गया अपने को, है ना। यस सर, यस पीयूष कह रहा है इमोशनल फैक्टर, बिल्कुल पीयूष बेटा, जो इमोशनल फैक्टर है हमारा वो हम मेजर नहीं कर सकते, बिल्कुल करेक्ट बात है, यस सर आ गया समझ में, क्या बात है बच्चों। अब थोड़ा सा पढ़ाई को और आगे लेके चलते हैं आ गया, जय माता दी, जय माता दी। अब देखिए जरा बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब हम फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव की जाती हैं, डिराइव्ड का मतलब कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम रीअरेंज करके क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपके सामने स्पीड लिखता हूं, स्पीड इज वॉट, आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस को टाइम से तुम जब डिवाइड कर दोगे तो तुम स्पीड को क्रिएट कर लोगे। ऐसे ही एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो कुछ कुछ चीजें हैं जिनको हम डिवाइड मल्टीप्लाई करके क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो फंडामेंटल हैं। जैसे क्या कोई ऐसी चीज है जिससे मास क्रिएट हो जाए? क्या कोई ऐसी चीज है जिससे मास क्रिएट हो जाए? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी क्रिएट नहीं हो सकता। क्या कोई ऐसी चीज है जिससे हमारा समय क्रिएट हो जाए? क्या हम टाइम कहीं से क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट हैं इस दुनिया में, जो कि अपने आप से ही एग्जिस्ट करती हैं, जो किसी और से क्रिएट नहीं की जा सकती, नाम ही बता रहे हैं उनको, उनको हम बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और जिनको हम डिराइव कर सकते हैं उनको हम बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों यस सर, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जो बच्चों आपने अपने दिमाग में रखनी है। देखिए इनमें से तीन तो आपने पहली सुनी हुई है,
मास, लेंथ और टाइम, ये हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। मास, लेंथ, टाइम आप छोटी क्लासेज में पढ़ के आ चुके हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब टेम्परेचर के बारे में बेटा आप काफी डिटेल में इस साल पढ़ने वाले हो, है ना। तो देर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, इस बात को याद रखना। कितनी है टोटल? 7। तो टेम्परेचर आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये भी एक इंडिपेंडेंट चीज है, कहीं और से क्रिएट नहीं हो सकता। ऐसे बच्चों ये केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे बहुत डिटेल में, मोल कंसेप्ट कभी पढ़ा दिया गया? पढ़ा दिया गया आपको मोहित सर ने? अगर पढ़ा दिया, आई गेस अभी पढ़ाएंगे शायद, है ना। तो केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में तुम पढ़ोगे, एक क्वांटिटी ऑफ मैटर है जिसको हम मोल में मेजर करते हैं, कोई चीज कितनी है, है ना। पढ़ा दिया? कई बच्चे नो कह रहे हैं, हाँ काफी बच्चे नो कह रहे हैं। अभी आप काफी डिटेल में इसको पढ़ोगे, ये चिंता मत करना, ये आराम आराम से आपको धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे ना पूरी साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको ये चीजें और समझ में आते लगे, तो आप डिटेल में पढ़ोगे। एक चीज होती है मोल, जो कि एक इंडिपेंडेंट चीज है। इसी तरह बच्चों ये तुम लोग 10th में पढ़ के आ चुके हो, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना बच्चों, जिसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको भी फंडामेंटल का दर्जा दिया गया है। और इसी के साथ बच्चों एक और चीज होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इट इज लिंक्ड विद द एनर्जी पजेस्ड बाय अ लाइट सोर्स। एक लाइट सोर्स एक बल्ब हो सकता है, सन हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है। अभी ये मेरे घर में मैंने एक स्टूडियो बना रखा है, यहाँ पे बहुत सारी लाइटनिंग हो रखी है, तो इसमें से कितना एनर्जी निकल रहा है किसी एक लाइट सोर्स में, उसका जो मेजरमेंट है दैट इज डन बाय ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बिल्कुल चिंता मत करो, पूरी प्लस वन पूरी प्लस टू में देखो मैं आपको बता देता हूं, ये जो 6 क्वांटिटीज है ये प्लस वन और प्लस टू के अंदर पूरी भर भर के काम आती है, इसका कोई काम नहीं है पूरी फिजिक्स में, कहीं पे भी इसका कोई काम नहीं है। पर हाँ हमें ये पता होना चाहिए, इट इज समथिंग, जब आप थोड़े से और क्या कहते हैं मास्टर्स वगैरह करोगे तब आपको थोड़ा सा इसके बारे में और ज्ञान मिलेगा। तो हमें पता होना चाहिए, बस ये पता होना चाहिए कि भाई ये भी एक चीज है जो एक फंडामेंटल क्वांटिटी का दर्जा रखती है। यस सर, यस सर, हाँ। तो इसका जो यूनिट होता है बिल्कुल कैंडेला होता है, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डेफिनेशन आपको गिवन है, दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, किसी और पे डिपेंड नहीं करती, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो नाम इसका हमने रख दिया फंडामेंटल, और 7 है। और अब डिराइव्ड क्वांटिटीज का तो बेटा कोई अंत ही नहीं है, फंडामेंटल तो फिक्स है, है ना, कुछ हमारे मॉरल्स हैं वो फिक्स हैं, अब उसके अलावा तो बेटा जो मर्जी बना लो दुनिया में। तो मार्केट में बहुत बड़ी भीड़ है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज की, तो दे डिपेंड अपॉन द फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट, है ना। तो डेफिनेटली ये किसी और पे डिपेंड करती है, जैसे स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस और टाइम को मिक्स करो तो आपको स्पीड मिल जाएगी, तो स्पीड होगी, एरिया हो गया, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन, फोर्स, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी क्या होता है? फ्लूइड की जो पानी होता है ना, पानी की लेयर्स की फ्रिक्शन, उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। अपने आप तुम्हें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं है, ये पूरा प्लस वन प्लस टू जो भी तुम पढ़ोगे ना, इन 7 के अलावा तुम जो भी पढ़ोगे ना, सब डिराइव्ड है, सब डिराइव्ड है, है ना, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, सब कुछ, ठीक है। यस सर, चलो जय माता दी बच्चों, बात बिल्कुल सही है। तो अब मेरे टमाटरों मुझे एक बात बता दो, ये आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, इज स्पीड अ डिराइव्ड क्वांटिटी, यस और नो? क्या स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है? अरे सर अभी तो एग्जांपल दिया आपने, भर भर के एग्जांपल दिया, एब्सोल्युटली इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, देयर इज नो डाउट इन दैट, है ना, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, तो डेफिनेटली फंडामेंटल को यूज करके जो बना वो डेफिनेटली हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी की कैटेगरी के अंदर आएगा। यस सर, ऐसे बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज है, जैसे एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। अब एक्सेलरेशन क्या है? लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। ऐसे डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज लेंथ क्यूब, तो ऐसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, फोर्स, मोमेंटम, प्रेशर, समय के साथ में पता लगता जाएगा ये सारी क्वांटिटीज, और भी बहुत सारी, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे ना, ये सारी चीजें आपको समझ में आती जाएंगी, ये कुछ टर्म्स हैं जो आप मैकेनिक्स के अंदर सीखोगे, ऑल आर दी फिजिकल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यस सर, यस सर। अच्छा अब मेरी बच्चों बात को ध्यान से सुनना, अब कहानी थोड़ी सी और आगे लेके जाते हैं। अब अगर हम बेटा किसी फिजिकल क्वांटिटी को बोल रहे हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी कोई चीज है जिसमें कुछ फंडामेंटल है, कुछ डिराइव्ड है, अब मेजर करने के लिए कुछ यूनिट भी बनाना पड़ेगा, तो अब यूनिट के ऊपर बेटा बात करते हैं। पहले तो समझो यूनिट होना कैसे चाहिए। यूनिट इज, अभी कुछ मत देखो स्क्रीन पे, मेरे साथ जुड़े रहना, जहां पे मैं हूं, जहां पे मेरा मार्कर है, वहां पे तुम्हारी नजरें होनी चाहिए बस। तो व्हाट इज अ यूनिट? यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, नाउ ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, विद विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर्ड फॉर मेजरिंग इट, है ना, इज कंपेयर्ड फॉर मेजरिंग इट, ठीक है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया आपकी लेंथ कितनी है, है ना, आपके घर में चलो, आपके घर में एक वॉल है, तो उस वॉल की, जैसे आप सामने स्क्रीन देख रहे हो, इस स्क्रीन की हाइट कितनी है, तो क्या आप इस हाइट को सेकंड्स में मेजर कर सकते हैं? मुझे चैट बॉक्स में बताओ। अगर मेरे को एक बच्चा बोले सर आपकी स्क्रीन की जो हाइट है वो 10 सेकंड्स है,
क्या हम मेजर कर सकते हैं? मुझे चैट बॉक्स पे आंसर दो, क्या हम कर सकते हैं हाइट को सेकंड्स में मेजर? मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, है ना? क्या हम बोल सकते हैं कि हाइट हमारी 10 kg है? सामने वाला भी बोलेगा क्या नशे करके आए हो, है ना? क्या हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, एब्सोल्युटली नहीं कह सकते। तो समझो, अगर हमें किसी चीज को मेजर करना है तो उसका यूनिट भी उसके जैसा होना चाहिए। तो हाइट का यूनिट मीटर बनता है, समय का यूनिट सेकंड्स बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, जिस चीज को मेजर करना है उसका यूनिट भी उसके जैसा होना चाहिए और वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिससे हम उसको मेजर कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपने पांव का, आपको अपने फुट का लेंथ अगर मेजर करना है तो डेफिनेटली यू विल टेक अ मीटर स्केल, और उस मीटर स्केल की जो भी रीडिंग आएगी यहां से लेके यहां तक की, तो आप उस रीडिंग के हिसाब से अपनी फुट ऑफ लेंथ की जो रीडिंग है उसको आप रीड कर सकते हैं, ठीक है ना? फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट वी कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड मीटर स्केल, विद द स्टैंडर्ड मीटर स्केल, ठीक है? तो भैया यूनिट हमने बना दिए। अब डेफिनेटली फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट हैं उनको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं उनको हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। बहुत सीधी सी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेंथ का क्या हो गया यूनिट बताओ। अब देखो जरा यहां पे लेंथ का यूनिट कौन है? मीटर और फुट। अच्छा मैं आपको ये बता देता हूं, ये जो यूनिट है फुट वाला, ये यूज होता है आपका यूएसए में, यूके में, है ना? और जो हमारे इवन नॉर्वे की तरफ भी आपका ये यूनिट काफी यूज होता है ना? तो बस सीधी बात है, लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट बना वो मीटर बना, वो फुट बना। डेफिनेटली मास को यूनिट के क्या होगा? किलोग्राम, पाउंड। पाउंड यूज होता है आपकी फॉरेन कंट्रीज के अंदर, यूएसए में और यूके में काफी ज्यादा पाउंड यूज होता है आपका, है ना? और डेफिनेटली टाइम के लिए सेकंड यूनिट है और आवर्स यूनिट है। तो जो यूनिट्स हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज के उन्हें हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, जो हमारे डिराइव्ड क्वांटिटीज के उन्हें हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड का मीटर पर सेकंड यूनिट भी होता है, माइल्स पर आर भी होता है, किलोमीटर पर आर भी होता है ना? मैं यहां लिख देता हूं किलोमीटर पर आर भी होता है, आपकी अपनी इच्छा है। ऐसी फोर्स का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, एरिया का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो आई होप यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट यूनिट डिराइव्ड क्वांटिटीज के भी होंगे, यूनिट्स आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज के भी होंगे। मेक सेंस? मेक सेंस? यस सर, यस सर। अब प्रॉब्लम ये है, अब प्रॉब्लम ये है ना, अब समझना, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें यूनिट को स्टैंडर्डाइज करना है बच्चों, वी हैव टू स्टैंडर्डाइज द यूनिट, ठीक है? अब इसकी जरूरत क्या है, अब इस बात को समझना। देखो अब एक आदमी मान लो मेजर करता है, जैसे मैं आपको बोलूं कि यार मुझे ये स्क्रीन की हाइट मेजर करनी है, सोचो मतलब मुझे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो आप मान के चलो इस पे जो हाइट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो विनय सर का पाम है, वो विनय सर का पाम है ना? तो यहां आपने यहां पर विनय सर का, ये विनय सर हैंड की दूरी है ना, ये विनय सर हो गए, ये विनय सर के हैंड की दूरी है, ठीक है ना? अब मैं सोचो, मैं कल को पैदा हो जाता हूं, मैं बोलता हूं यार ये स्टैंडर्ड है, अब ये यूनिट है मेरे हाथ की जो लंबाई है, ये लेट्स से ये 1 meter है, ये लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट है ना? तो मेरे ये फिंगर और ये फिंगर्स, इनको स्ट्रेच करो, थंब और इसको स्ट्रेच करो, तो किसी ने बोल दिया कि यार इसको बना लो 1 meter, ये है नहीं, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब मुझे आप एक बात बताओ, आप लोग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसी और इंसान के लिए ये लेंथ 1 meter ही निकल के आएगी? अगर मैं इसको 1 meter बोल दूं, इफ दिस इज 1 meter, अगर ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है मेरा, विनय सर यूनिट जिसको हम बोलेंगे, जगह यूनिट आप नाम दे सकते हैं प्यारा सा, टमाटर यूनिट बोल सकते हैं आप इसको, है ना? लेट्स से दिस इज अ टमाटर यूनिट। तो कोई और बच्चा अगर इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर करे, अब टमाटर का तो हाथ ही छोटा छोटा होता है, तो टमाटर के तो हो सकता है 2 बार हाथ लग जाए, है ना? तो डेफिनेटली बच्चों दिस इज द प्रॉब्लम। तो पुराने जमाने में जब साइंस चली थी तो लोगों ने यूनिट्स बनाए हाथ का। अब प्रॉब्लम ये आई कि उसने बोला मेरे हाथ की इतनी लेंथ है, तो कोई दूसरे कंट्री में साइंटिस्ट बैठा है वो कह रहा है यार मेरे हाथ की तो लेंथ ज्यादा आ रही है, तो ये प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है? ये प्रॉब्लम्स आ गई, इसीलिए हमें कुछ ऐसे यूनिट्स चाहिए जो स्टैंडर्डाइज हों, जो मतलब दुनिया में कहीं भी यूज किए जा सके और आपकी एम्बिग्यूटी ना आए, आपकी एम्बिग्यूटी ना आए, ठीक है ना? तो जैसे फुट स्पैन हो गया, हैंड स्पैन हो गया, दीज आर ऑल डिस्कार्डेड यूनिट्स, ये पुराने जमाने में यूज किए जाते थे, है ना? बाबा पुराने बाबा आदम बोलते हैं जिसको हम, है ना, एंशियंट टाइम्स की कहानियां हैं, ठीक है? और डेफिनेटली आप किसी चीज को अगर अपने हाथों से मेजर कर रहे हैं, ऑल आर डिस्कार्डेड यूनिट्स। सो गाइज वी शुड अडॉप्ट अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसका नाम है SI। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों बनाई गई जिसने इस चीज को सिंप्लीफाई किया, यार ऐसे यूनिट लो जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना आए। अब देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो यूनिट की होनी चाहिए, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिट्स, इट इज ऑफ सूटेबल साइज, साइज सूटेबल होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है जिसको मेजर करना ही बहुत मुश्किल है, इसीलिए लेंथ के लिए जो यूनिट माना गया वो क्या माना गया, 1 meter, है ना? जो हमारे डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज होता है, सूटेबल साइज।
टाइम को हमने सेकंड्स, क्लॉक के अंदर वो जो सुई है वो जो घूमती है उसका यूनिट हमने सेकंड्स रख दिया, तो वी चोज अ यूनिट विच इज वेरी सूटेबल टू यू, है ना, विच इज मोर यूज इन द डेली लाइफ. इट इज शुड बी रिप्रोड्यूसेबल. अब रिप्रोड्यूसेबल का मतलब क्या है यार, अगर मैं 1 मीटर की लेंथ इंडिया में बैठ के बना रहा हूं तो वो 1 मीटर उनको भी क्रिएट करना आना चाहिए. ऐसे नहीं है कि तुमने कोई खास तरह का लेंथ ले लिया जो इंडिया में ही बनता है और यूएसए यूके फिर आपस में बेटा लड़ाइयां कर रहे हैं कि यार ये 1 मीटर कैसे बनेगा, कोई ज्यादा बना रहा है कोई कम बना रहा है. तो ये चीज जरूर उन्होंने ध्यान में रखी कि यार रिप्रोड्यूसेबल वो होना चाहिए. यस सर, यस सर, करेक्ट बात बच्चों. टमाटरों आ रहा है समझ में, गुल्लू मुल्लू, ठीक है, ओके. हाँ जी, ये डेफिनेशन, यूनिट की डेफिनेशन दे दी ना मैंने, जो डेफिनेशन दी है मैंने, इट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स जो मैंने आपको यहाँ दी थी, ये यहाँ पे, ये साइंस वाला भी बच्चा कह रहा था कि व्हाट इज द डेफिनेशन, डेफिनेशन यहाँ दे दी है, इट इज समथिंग विच इज ऑफ सेम काइंड जिसको हमें मेजर करना है, है ना. ओके जी, अच्छा अब यहाँ पर आओ, सुनते जाओ आराम से, है ना. अच्छा, इट शुड बी इनवेरिएबल. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये मेरे भाई बहुत ज्यादा खूबसूरत बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनवेरिएबल, इनवेरिएबल का मतलब क्या है, ऐसा ना हो इंडिया में 1 मीटर कुछ और है, बाहर जाके कनाडा में 1 मीटर कुछ और हो गया. इट हैज टू बी स्टैंडर्ड. 1 मीटर मींस 1 मीटर, दैट लेंथ हैज टू बी सेम एट ऑल द कंट्रीज, और डेफिनेटली इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल. ऐसा नहीं है अभी इसराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा चल रहा है तो इसराइल वाले बोल रहे हैं यार हम 1 मीटर फिलिस्तीन का नहीं मानेंगे, या फिलिस्तीन बोल रहे हम इसराइल वाला 1 मीटर नहीं मानेंगे. इंटरनेशनली प्यार मोहब्बत से एक्सेप्ट किया जा सके वो. और देखो यार इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, जब साइंस इवॉल्व हुई ना तो जब अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट मिल बैठे ना तो उन्होंने जब आपस में डिस्कशन किया तो उनको ये दिक्कत आ गई. कोई मास मेजर कर रहा है इंडिया वाला केजी में और वो अमेरिका वाले कह रहे हैं हम तो पाउंड में खेलेंगे, और फिर वो कॉन्ट्राडिक्शंस कर रहे हैं दूसरे की कैलकुलेशंस में. तो मतलब ये चीजें बाद में जब साइंस को और कंफर्टेबली अक्रॉस द कंट्रीज चीजों को स्मूथ आउट करने के लिए जब ये चीजें लॉन्च की गई ताकि हम अक्रॉस द कंट्रीज साइंस को डिस्कशन कर सके. तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है. तो बच्चों यूनिट्स हो गया क्लियर सबको, ऑल सेट मेरे टमाटरों, ठीक है. और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो ये एनिमेशन मुझे इसलिए अच्छी लगी कि कल को ऐसा ना हो कि एलियंस, ये तो एनिमेशन देख के देखो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मान लो हमारी हमारी अर्थ के ऊपर एलियंस ने अटैक कर दिया और वो अपने यूनिट्स हम पे थोप रहे हैं, है ना. वो अपने मतलब अभी तो हम कंट्रीज लेवल पे ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, तो सोचो आने वाले समय में हो सकता है आपकी जनरेशन जब साइंस पढ़े तो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब गैलेक्सी लेवल पे हमारी स्टैंडर्डाइजेशन हो, उनके यूनिट्स और हमारे यूनिट्स मैच किए जा सके, है ना. तो देखो वहां से उड़ता हुआ आ रहा है, वो अपना भेज रही है कि बड़ा ये मेजरिंग टूल है, ये हमारा स्केल है, तो वो अपना स्केल हटाओ, स्टैंडर्डाइजेशन हो रही है, ठीक है. ओके गाइज कूल. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा मजा आता है बच्चों कैसी बातें सुन के. तो बच्चों थोड़ा सा पढ़ाई को आगे लेके चलते हैं. अब सीधी बात है यार, अब हमने अगर लेंथ को मेजर करना है तो डेफिनेटली वी हैव मल्टीपल यूनिट्स, मीटर सेंटीमीटर एंड फुट, है ना, आप यूज कर सकते हो. ऐसे ही वेट के लिए किलोग्राम ग्राम पाउंड्स, डिफरेंट तरह के यूनिट्स हैं जो आप अपने यूज कर सकते हो, ठीक है. दीज आर सम स्टैंडर्ड यूनिट्स. एंड गाइज नाउ, अब डेफिनेटली हमने फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन देख ली, फंडामेंटल क्वांटिटीज देख ली, डिराइव्ड क्वांटिटीज देख ली. अब बात आती है कि फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो बच्चों बड़ी सीधी सी बात है, आपके सामने ये जो इक्वेशन लिखी है ना, ये इस कंट्री की, इस दुनिया की सबसे अच्छी इक्वेशन है. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब भी रिप्रेजेंट होगी उसके अंदर दो चीजें होंगी, एक होगा नंबर मैग्नीट्यूड और एक होगा उसका यूनिट, दैट इज द मेजरमेंट. जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने लेंथ है 28 मीटर, है ना, लेंथ है 28 मीटर, तो आप इसको समझ सकते हो कि इसमें जो 28 है इट रिप्रेजेंट्स n, ये n है, ये n हो गया, है ना, एक नंबर है जो कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेफिनेटली ये जो साथ जुड़ा है उसका, ये उसका मीटर है, तो दैट इज अ यूनिट, ठीक है ना. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बिना यूनिट्स के मेजर नहीं होती, है ना. तो यही फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं कि बेसिकली इट इज समथिंग विच कैन बी मेजर, है ना. फोर्स 10 न्यूटन, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 हो गया मैग्नीट्यूड, मीटर पर सेकेंड हो गया उसका यूनिट, सिंपल सी बात है. तो q इज इक्वल टू nu, ठीक है. अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए बात को जरा ध्यान से सुनना, अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी को मेरे टमाटरों मेजर कर रहे हैं, इफ वी आर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, देन उसके एक से ज्यादा यूनिट भी हो सकते हैं, है ना, ये तो हमने देखा ही है. तो जैसे मैं आपके सामने 1 मीटर लिखता हूं, तो 1 मीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर. तो ये इक्वल है, ये है लेंथ ही, ये है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है. तो बच्चों हमेशा याद रखना, किसी फिजिकल क्वांटिटी की अगर मल्टीपल यूनिट्स हो तो n1 into u1, ये n1 है, ये u1 है, ये इक्वल ही होगा. दूसरे यूनिट में भी वो जो वैल्यू होगी वो
उसके बराबर ही होगी। मतलब बड़ी सीधी सी बात है, 1 मीटर बड़ा है कि 100 सेंटीमीटर बड़ा है? 1 मीटर बड़ा है कि 100 सेंटीमीटर बड़ा है? आप भी बोलोगे सर क्या कॉमेडी कर रहे हो, है ना। 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर इक्वल है, तो वही किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी एक यूनिट में रिप्रेजेंट करो या दूसरे यूनिट में रिप्रेजेंट करो, वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, करेक्ट बात। अच्छा, अब बच्चों बात आती है, अब ध्यान से सुनना। अब हमने क्या किया, हमने कुछ यूनिट्स का एक ग्रुप बना दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मास के लिए अगर हम किलोग्राम यूज करें, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर हम मास को मीटर, आज का लेक्चर सुनने वाला है, ठीक है ना, आज मेजरली आपने सुनना है, थोड़ा बहुत आपको काम करना है, नोट्स आपको सारे एंड में मिल जाएंगे, ये पूरी स्टोरी आपको एंड में मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ फाइल, चिंता मत करना, मजे से एंजॉय करो, दादाजी कहानियां सुना रहे हैं। अब सुनना मेरी बात को, अब हमने क्या किया, हमने कुछ यूनिट्स का एक ग्रुप बना दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मास को केजी में मेजर करूं, लेंथ को मीटर में मेजर करूं और टाइम को सेकंड्स में मेजर करूं, है ना, तो ये जो ग्रुप बना, इस ग्रुप ऑफ यूनिट्स का नाम मैंने रख दिया MKS सिस्टम, मीटर केजी सेकंड। इसका नाम क्या हो गया, अगर किसी एक सिस्टम में कोई भी चीज जाएगी तो उस सिस्टम में मास केजी में मेजर होगा, लेंथ मीटर में होगी और टाइम सेकंड्स में मेजर होगा, ठीक है ना। ये इंडिया वाले फॉलो करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये वाला जो होता है ये यूएसए में फॉलो होता है। अब वहां पे मास को मेजर किया जाता है पाउंड में, है ना, वो एक ऐसा सिस्टम है, मास को मेजर किया जाता है पाउंड में, लेंथ को मेजर किया जाता है फुट में, टाइम को सेकंड में किया जाता है, सो दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज FPS सिस्टम, है ना, फुट पाउंड सेकंड। और ऐसे ही बेटा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड का अगर एक ग्रुप बना दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं CGS यूनिट्स, एंड दीज आर द डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दीज आर द डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यस सर, जय माता दी कर दो चैट बॉक्स में, सीधी बात है ना, एक परिवार है, परिवार के बहुत सारी फैमिलीज है, समझ रहे हो, मतलब हाँ, ये पीढ़ियां हैं, ये बहुत सारी पीढ़ियां हैं, यूनिट का ये ग्रुप बना, ये ग्रुप बना, ये ग्रुप बना। बट जैसा कि आप जानते हैं समय के साथ जब ये अलग अलग ग्रुप्स बने, अब प्रॉब्लम ये आई, अब इंडिया MKS फॉलो करता है, यूएसए ये फॉलो करता है, अब जब दोनों साइंटिस्ट बैठे तो आपस में एक दूसरे को मारने पीटने आ गए, अरे यार तू यूनिट बदल अपना, तेरा यूनिट ही बहुत बेकार, इंडिया वाले कहें हमारा अच्छा है, वो कहें हमारा अच्छा है, तो ये प्रॉब्लम्स ना आए, ये लड़ाई झगड़ा संसार में ना हो, इसीलिए ये सारे सिस्टम्स डिस्कार्ड हो गए। अब जो हमारा नया सिस्टम आया है दैट इज SI सिस्टम, सो दिस इज द न्यू सिस्टम एंड दैट इज द लेटेस्ट सिस्टम विच इज बींग फॉलोड अक्रॉस द वर्ल्ड नाउ, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए इस सिस्टम में क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं, ये एक पुराना फ्रेंच नेम है, दिस इज अ फ्रेंच नेम, ठीक है ना, ये इसीलिए बेटा क्योंकि फ्रेंच, अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं हमारे, प्लैंक्स हो गया, क्वांटम हो गया, जितने भी साइंटिस्ट बड़े बड़े हैं जो उन्होंने साइंस में बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया है, वो फ्रेंच से आए हैं, तो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे ना, ये द ली सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनाइट्स, तो ये नाम अगर आप देखें ना, ये फ्रेंच नेम है, दिस इज अ फ्रेंच नेम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं सिंपली SI सिस्टम, एंड इट इज द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम। अब इसीलिए हमने स्टैंडर्डाइजेशन कर दी कि यार एक ऐसा सिस्टम जो हर वर्ल्ड के लिए, हर कंट्री के लिए सेम हो। और मैं बार बार बेटा इस बात को आपको बोल रहा हूं, आने वाले समय में हो सकता है जब आपकी जनरेशन पढ़े, जब आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हो सकता है विनय सर तब भी जीवित हूं, हो सकता है ना हो, मतलब समझ रहे हो, तो उनको मैं एक नया सिस्टम पढ़ा रहा हूं जो मैं आपको बोलूं कि यार सैटर्न से जो एलियंस आए थे ना, या किसी और गैलेक्सी से जो एलियंस आए थे, तो वो हमारा, हम यूनिफाइड सिस्टम बना रहे हैं ताकि हम उनके साथ डिस्कशन कर सके, हम उनके साथ डिस्कशन कर सके, ठीक है जी। ओके, तो बच्चों जो ऐसे ही सिस्टम है याद रखना, इस सिस्टम के अंदर 7 बेस यूनिट्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना, आपको ऑलरेडी डिटेल में बता दिया, अभी दोबारा बताने वाला हूं, और इसके अंदर 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स क्यों है, मैं आपको बता देता हूं, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये तो हम सबको पता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये तो सब जानते हो यार तुम लोग, मास, लेंथ, टाइम, सबको पता है ना, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केजी, मीटर, सेकंड, यार देखो ये इसमें तो कोई दोराय नहीं होनी चाहिए, ये तो सबको पता है ना, ये 3 तो बिल्कुल क्लियर है जो तुम 10th में पढ़ के आए हो। इसके अलावा बेटा तुमने टेम्परेचर को ध्यान देना है, टेम्परेचर का ऐसे यूनिट केल्विन होता है, ठीक है, सेल्सियस नहीं होता, ध्यान रखना, या फारेनहाइट लगा दोगे, सेल्सियस कुछ भी पेलते जाओगे, है ना, ऐसे यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। और आपने छोटी क्लासेस में अगर सेल्सियस पढ़ा है तो सेल्सियस में 273 बच्चों ऐड करना तो तुम्हें केल्विन की वैल्यू मिल जाएगी, तुम्हें केल्विन की वैल्यू मिल जाएगी। यस सर। अच्छा, ये भी हो गया, ये हो गया 4th। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके ऊपर तो बेटा मैं कोई टेंशन नहीं ले रहा, ये अपने आप में चैप्टर है, आपको मोहित सर बहुत डिटेल में आराम से बताएंगे, तुम्हें पता लग जाएगा, तो मैं अपना टाइम बिल्कुल खराब नहीं करूंगा, मैं इसके ऊपर टिक लगा देता हूं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी चीज को मेजर करने के लिए एक और यूनिट बनाया गया जिसको हम मोल बोलते हैं, है ना, मोल बोलते हैं, ठीक है,
डिटेल में पता लगेगा, डोंट वरी, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इवन वन सेकंड। अच्छा करंट तुम्हें पता है, करंट तुम्हें पता है इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, है ना, इट इज वन मोर फंडामेंटल क्वांटिटी। तो 6 हो गई, हमें बस बेटा प्लस वन प्लस टू में यही चाहिए, प्लस वन प्लस टू में यही चाहिए। एक और क्वांटिटी है विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन प्लस वन एंड प्लस टू, जिसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट याद रखना कैंडेला, एंड दैट इज सीडी। तो पूरी प्लस वन में, पूरी प्लस टू में, नॉट इवन इन फिजिक्स INPHO, फिजिक्स के स्टेज टू के अंदर भी आपको इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जब हमारे बच्चे इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में रिप्रेजेंट करते हैं, तब डेफिनेटली फ्यू क्वेश्चंस माइट आस्क ऑन कैंडेला, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तुम में से जो फिजिक्स ओलंपियाड की स्टेज टू को आगे क्लियर करके जाएगा, उसको विनय सर अलग से पर्सनली मिलके और डिटेल में इसके बारे में बताएंगे, थोड़ा सा तुम्हें भी वो अर्न करना पड़ेगा। बट पूरे प्लस वन प्लस टू में इनका कोई काम नहीं है, ठीक है, पूरे प्लस वन प्लस टू में और कोई काम नहीं है, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये स्टैंडर्ड 7 यूनिट्स हैं, याद हो गए सबको, चैट बॉक्स में लिख दो सर याद हो गए, मार लो रट्टा दिमाग में फटाफट, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मोल, और आपका निकल के आएगा इलेक्ट्रिक करंट एंड देन द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, याद हो गए सबको, आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बाद, 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बाद डन, याद है, कुछ 2 यूनिट्स हमें और बनाने पड़े, अब ये हमारी मजबूरी आ गई, ठीक है। अब देखो, जब हमने ये बनाए तो हमें लगा हमने सारी दुनिया को कवर कर लिया, मतलब इस दुनिया में सारी चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं हम इन 7 को मिक्स करके मेजर कर, इनको मिक्स करके मेजर कर लेंगे। बट जब समय का पहिया आगे बीता तो हमें पता लगा यार कुछ ऐसे यूनिट्स भी हैं जो मेजर ही नहीं होते, जिसके लिए हमें अलग से सप्लीमेंट्री यूनिट्स और देने पड़े। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो होती है ना, वो होती है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब मेरी बात को ध्यान में, यहां कुछ लिख रहा हूं, इसका मतलब तुम्हें सेशन के एंड में समझ में आएगा। दे हैव यूनिट्स बट दे डोंट हैव डाइमेंशंस, दे डोंट हैव डाइमेंशन, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है ना। इनके यूनिट्स होते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के, कुछ अलग फंडे हैं लाइफ के, इनके यूनिट्स होते हैं लेकिन इनकी डाइमेंशंस नहीं होती। अब डाइमेंशंस क्या होती है, मैं आपको, जैसे मैंने आपको बोला, ये मैं लिख अभी रहा हूं, आपको समझ बाद में आएगा। तो बेटा 2 तरह के एंगल है, ये तुम्हें पता है प्लेन एंगल, जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो, 30 डिग्री 40 डिग्री, लेकिन याद रखना उसका यूनिट डिग्री नहीं है, उसका यूनिट, अब तुम थोड़े से बड़े हो जाओ, शायद तुम्हें अरविंद सर ने बता भी दिया होगा, उसका यूनिट जो होता है वो होता है रेडियंस, उसका यूनिट होता है रेडियन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल थीटा, उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक और एंगल होता है बेटा सॉलिड एंगल, अब मैं आपको बता देता हूं, इसका जो यूनिट है वो है स्टी रेडियन, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टी रेडियन, STE, है ना, रेडियन के आगे स्टी लिख दो, बस ये इतना एक्स्ट्रा है, रेडियन के आगे स्टी लिख दो, स्टी रेडियन, और इसका जो सिंबल है उसको हम बोलते हैं ओम, उसको हम बोलते हैं, जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ना ओम, उसका यूनिट वही है, दैट इज कॉल्ड एज ओम। अब हम एक एक करके दोनों को जरा समझने का प्रयास करते हैं। मेजरली हमारी प्लस वन प्लस टू प्लेन एंगल पे ही चलती है, लेकिन मैं आपको सॉलिड एंगल समझाऊंगा जरूर, बिकॉज फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चंस जो हैं 12th के अंदर, 11th में आपको कोई काम नहीं आएगा, 12th के अंदर अगर आपका कोई सीनियर हो, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, गॉस लॉ हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर आपको सॉलिड एंगल से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और इनफैक्ट अगेन फिजिक्स ओलंपियाड की जो स्टेज 2 है उसके अंदर भी सॉलिड एंगल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा आपको तसल्ली से बताएं। बच्चों लैग आ रहा है, लैग आ रहा है क्या, बच्चे कह रहे हैं लैग आ रहा है, गाइस इज देयर इज एनी लैग, यस सर, यस लैग आ रहा है, बच्चों जल्दी बताओ लैग आ रहा है, इज एवरीथिंग इज ऑल फाइन, ऑल फाइन, ऑल फाइन, नो 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 नो, बच्चे कह रहे हैं कोई लैग नहीं है, कोई लैग नहीं है, ऑल सेट। अरे यार ये इतने बीच में खाली लोग है ना, इनका सच में जीवन में कोई बेटा कुछ नहीं हो सकता इतने वेले लोग है ना, है ना, ऑल फाइन ना, ऑल फाइन, ऑल फाइन, ऑल फाइन, ऑल फाइन, ठीक है ठीक है, यस सर, यस सर, ऑल फाइन, ओके फाइन, डन, ओके। तो बच्चों अब आती है बात प्लेन एंगल की, अब बात आती है हमारी प्लेन एंगल की, तो अब इसको आराम से समझने का प्रयास करते हैं, प्लेन एंगल हमारा होता क्या है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, व्हाट इज अ प्लेन एंगल, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय, इट इज द एंगल, दिमाग में रखना, सबटेंडेड बाय, सबटेंडेड बाय एन आर्क, एन
आर्क ऑफ अ सर्कल, किसी एक सर्कल की जो आर्क होगी, आर्क ऑफ सर्कल जो होगी वो जो एक एंगल बनाएगी उसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल। तो बच्चों आप यहां पे देख सकते हैं आई हैव एन आर्क, आर्क की लेंथ एल है, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़े सर्कल का पार्ट है, ऐसे सोच के देखो, किसी एक और सर्कल का पार्ट है। तो एक हम आर्क लेंगे, सर्कल पूरा नहीं लिया, सर्कल की आर्क ली, तो उस सर्कल की आर्क की जो लेंथ है उसे एल ले लो और सर्कल का रेडियस आर ले लो। और बेटा ये जो रेशो होती है, ये जो रेशो होती है एल बाय आर, इट इज कॉल्ड एज थीटा। इसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल, है ना, इसका नाम है प्लेन एंगल। और इसके जो यूनिट्स हैं, इसके जो यूनिट्स हैं उसको हम बोलते हैं रेडियन, उसको हम बोलते हैं रेडियन, ठीक है ना, है ना। यूनिट्स इसके क्या है? रेडियन, ठीक है, डन डन। अच्छा अब जरा नोटिस करना, अब जरा नोटिस करना, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ कट गया ना, तो समझ रहे हो। तो आगे जाके एक टर्म बताऊंगा, डायमेंशन, डायमेंशन नहीं होती लेकिन यूनिट होता है, यूनिट इज रेडियन, ठीक है ना, आगे जाके पता लगेगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताना, मैं फिर क्लियर कर देता हूं। सर ये एक आर्क है जिसकी लेंथ है ले, ये आर्क किसी सर्कल के सेंटर की होगी, किसी एक बहुत बड़े सर्कल का पार्ट होगी, और उस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो एंगल है आपका थीटा, उस सर्कल का रेडियस है आर, तो एल अपॉन आर इज कॉल्ड एज दी प्लेन एंगल, ठीक है ना, एल अपॉन आर इज कॉल्ड एज दी प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल की डेफिनेशन देखते हैं, बड़ी मस्त एनिमेशन, किलर एनिमेशन आने वाली है, एकदम से तुम्हें मजा आ जाएगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, थीटा इज एल बाय आर, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर एल आर के बराबर हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर थीटा, है ना, थीटा अगर हमारा एल आर के बराबर हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बताओ, टमाटरों वन आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना, आएगी ना, करेक्ट बात है सर, करेक्ट है। तो वन रेडियन क्या है, थीटा इज वन एंड वन यूनिट इज रेडियन। अब वन रेडियन क्या है, जरा ध्यान से देखना, वन रेडियन का डेफिनेशन क्या होगा, ये वो एंगल है जो एक आर्क सबटेंड करेगी जिसका लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है। तो आप देखिए जरा यहां पर, अब इस एनिमेशन को देखिएगा, अगर आप इस एनिमेशन को ध्यान से देखें, देखो ये जितनी लंबाई थी ना, ये वाली, ये जितनी लंबाई थी ना, इसी लेंथ की हमने ऊपर आर्क ले ली। देखो ये बिल्कुल ना मोशन में आपको दिखेगी, मस्त फील आनी चाहिए। देखो ये जितनी लेंथ थी ना, इतनी ही लेंथ की अगर मैं आर्क ले लूं और वो आर्क जो एंगल बनाएगी, दैट एंगल इज वन रेडियन, दैट एंगल इज वन रेडियन। चैट बॉक्स में लिख दो, जय माता दी, चक दे फटे, समझ गया, ठीक है ना। तो मैंने इतनी लेंथ ली, इतनी लेंथ को हमने रोटेट करके आर्क पे चढ़ा दिया, तो वो आर्क जो एंगल बनाएगी दैट इज वन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेन एंगल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेन एंगल, ठीक है। जय माता दी लिख दीजिए चैट बॉक्स में, मजा रहे, तो जय माता दी, यस सर, यस सर, जय माता दी मेरे टमाटरों, यस सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है ना, जय बजरंग बली, बिल्कुल जय बजरंग बली। अच्छा जी, अच्छा जी, अब देखिएगा, अब देखिएगा मेरे टमाटरों, ये प्लेन एंगल का डेफिनेशन हो गया, हो गया सर। अच्छा सर, ये तो थीटा किसके बराबर है, एल बाय आर, थीटा किसके बराबर है, एल बाय आर। अब मैं ना आपसे कुछ वैल्यूज निकलवाता हूं बच्चों, ये जो है हमारा आर्क कितनी है, अब ध्यान से देखना मेरी बात को, जरा बोर्ड पे देखिए जरा, ये हमारी कितनी आर्क है, ये क्वार्टर सर्कल है, और क्वार्टर सर्कल कितना एंगल बना रहा है, सबको पता है वो एंगल कितना है, सबको वो पता है एंगल कितना होता है, जल्दी बताओ वो एंगल कितना होता है आपका, 90 डिग्री। बट हमें 90 डिग्री में आंसर नहीं देना, हमें रेडियन में देना है, है ना। तो आप बताओ ये थीटा कैसे निकलेगा, यहां पे अगर मैं थीटा निकालूं तो थीटा इज एल बाय आर, थीटा इज एल बाय आर। तो बेटा मैं अगर आपसे पूछूं ये लेंथ कितनी है, ये क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल कितना होता है, टू, पूरा सर्कल होता है 2πr, तो आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात को, पूरा सर्कल होता है ना, पूरा सर्कल होता है 2πr, और पूरे सर्कल का 1/4 है, 2πr/4, तो मतलब आप समझ रहे हो 2πr/4, और नीचे रेडियस है, तो रेडियस से रेडियस कट गया मेरे टमाटरों, देखो जरा यहां से ये 2 से 4 कट गया, तो थीटा की वैल्यू निकल के आई π/2, थीटा की वैल्यू, अरे क्या बात है मेरे टमाटरों, भर दिया तुम लोगों ने चैट बॉक्स, तो थीटा की वैल्यू, अभी सॉलिड एंगल भी निकाल लेंगे, मजा आएगा। तो थीटा की वैल्यू आई कितनी, π/2, ठीक है। अच्छा अब ये बताना इधर कितना आएगा थीटा, चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो मुझे, ये एंगल कितना आएगा, ये जो सेमी सर्कल है, ये जो सेमी सर्कल है, यहां पे अब लेंथ कितनी है, जल्दी बताओ, पूरे सर्कल का 2πr का हाफ है ना, सेमी सर्कल है तो 2πr का हाफ, तो मतलब ये वैल्यू आ रही है πr, ये वैल्यू आ रही है πr, और थीटा जो होगा वो होगा आपका l बाय आर, मतलब πr बाय आर, है ना, πr बाय आर, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई रेडियंस, पाई रेडियंस। तो मेरे टमाटरों, यस यस, इस बात को याद रखना, ये बहुत गजब बात बता रहा हूं, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी इससे टमाटरों,
कि जो पाई रेडियंस होता है, जो पाई रेडियंस होता है मेरे भाई, वो 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तो इसको याद रखना, जब आपका एंगल 180 डिग्री होता है ना, तो 180 डिग्री पे आपका ये यूनिट याद रखना, 180 डिग्री पे पाई रेडियंस है, तो डेफिनेटली 90 डिग्री पे कितने होंगे, 90 डिग्री पे कितने होंगे, पाई बाय 2, 90 डिग्री पे कितने होंगे, पाई बाय 2। अच्छा अच्छा, अब मेरे टमाटरों मुझे एक बात बताना, एक मस्त चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पूरा सर्कल अगर हो गया, अगर ये पूरा सर्कल है, तो ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना है, तुम्हें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री है ना, है ना, पूरा एंगल कितना है, 360 डिग्री, और डेफिनेटली आंसर क्या आएगा, 2 पाई आएगा। तो ये थीटा किसके बराबर होगा, पूरा आर्क 2 पाई आर बाय आर है ना, तो एल बाय आर अगर मैं करूं तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई रेडियंस। ठीक है जी, जय माता दी, जय माता दी। यस सर, यस सर, आ रहा है, क्या बात है सर, नजारे आ रहे हैं बेटा, नजारे एकदम से, है ना, तुम लोगों को। तो अब ना मैं तुम्हें एक टेबल दे देता हूं जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ये एक स्टैंडर्ड है, इट्स जस्ट फॉर रेफरेंस, है ना, मतलब इसको मुझे कुछ कराना नहीं है, आपके रेफरेंस के लिए है, इसके लिए आपका मुझे थैंक यू कहना बनता है, आपको टाइम के साथ ये चीजें खुद भी याद हो जाएंगी। मैंने आपको 0 से लेके 360 डिग्री तक सारे एंगल्स का रेडियन में वैल्यू दे दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 कहाँ पे है, ठीक है, ये जैसे 0 डिग्री है, हाँ, तो देखो ये 0 डिग्री है। तो ऐसे बच्चों 0 से 90 डिग्री पे अगर आप जाओगे, देखो अगर आप 90 डिग्री पे जाओगे तो आपको मिलेगा पाई बाय 2, और अगर आप 180 डिग्री पे जाते हो तो आपको क्या मिलता है, 180 डिग्री पे अगर आप जाते हो तो आपको क्या मिलता है, पाई, है ना। और डेफिनेटली अगर आप 45 डिग्री पे जाओगे तो पाई बाय, इसका हाफ हो जाएगा, 90 का हाफ, ये 90 डिग्री है तो 90 का अगर हाफ कर दोगे तो मिल जाएगा पाई बाय 4। ऐसे ही बेटा 30 डिग्री पे, मेरे ख्याल से अगर आप समझ रहे हो, तो आपको मिल जाएगा पाई बाय 6। 60 डिग्री पे आपको मिल जाएगा पाई बाय 3, है ना, और 120 डिग्री पे आपको मिल जाएगा 2 पाई बाय 3। सोच के बताओ, ये सोच के बताओ, 2 बाय 3 इंटू पाई, 2 पाई बाय 3, और पाई की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, पाई की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये देखो ये 60 आ गई, ये 120 डिग्री आ गया, ये 120 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो बस याद कर लो, मैं जस्ट आपको दे रहा हूं, ये अभी याद नहीं करना, टाइम के साथ जस्ट आपको मैं नोट्स में दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग के, जब कल को आप 1 साल या 2 साल बाद रिवाइज करो तो डेफिनेटली आपको नोट्स में ये चीज मिल जाए, लोड मत लेना, टाइम के साथ आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। यस सर, यस सर, जय माता दी, मेरे टमाटरों, आ रहा है समझ में, ठीक है। सचिन भाई, मैं इससे स्लो नहीं हो पाऊंगा यार, मैं बहुत स्लो बता रहा हूँ, बहुत आराम से बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से मैं मैक्सिमम स्लो चल रहा हूँ मेरे भाई, इससे स्लो नहीं हो पाऊंगा, थोड़ा सा तू वीडियो दोबारा देख ले अगर दिक्कत आ रही है। यस सर, यस सर, क्या बात है, मेरे टमाटर बर्गर बर्गर भेज रहे हैं, पैटियां कौन भेजता है, ये राजनी है, राजनी गुप्ता, बहुत प्यारा बच्चा है ये, मेरे को हमेशा खाने का मेरा ध्यान रखता है। चल ओके, अब मेरे टमाटरों बात आती है सॉलिड एंगल की, अब इसको ध्यान से सुनना, बहुत मस्त चीज है। मैं पहले आपको बता देता हूं सॉलिड एंगल है क्या। इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या होता है, एक एरिया जब किसी एक पॉइंट पे एक एंगल सबटेंड करता है, ठीक है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं बच्चों टमाटरों तुम्हारे सामने ये एक एरिया ले लो, आई हैव टेकन एन एरिया इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, ये एक एरिया है, दिस इज एन एरिया। तो आप जरा बेटा इस बात का जरा फील करना, अगर एक पॉइंट ले लिया जाए, यहां पे एक पॉइंट ले लिया जाए, किसी हवा में कोई एक पॉइंट लीजिए, तो उस एरिया से 3D में थोड़ा तुम्हें फील करना पड़ेगा, कहीं पे थोड़ा सा 3D पे तुम्हें जाना पड़ेगा बेटा, उस पॉइंट पे 3D में जो एंगल बनेगा, ये एंगल आम एंगल नहीं है, ये जो 3D में एंगल बनेगा, सो दैट एंगल, उस एंगल को हम रिप्रेजेंट, इट इज अ सॉलिड एंगल, इट इज अ सॉलिड एंगल, और देसी भाषा में अगर मैं बोलूं, इट इज एन एंगल इन 3D, इट इज एन एंगल इन 3D, यस सर और नो सर, इट इज एन एंगल इन 3D, किसी एक पॉइंट पे जो एरिया एंगल बनाता है वो एक 3D में एंगल, आप सोच रहे हो एंगल एक 3D में होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज दी सॉलिड एंगल, यस सर। बच्चों लैग आ रहा है यार, ये एक ही वेला आदमी है यार, ये बार बार लैग ही करता रहता है ना, रविंदर भाई आप ही बस बेटा लैग कर रहे हो, जल्दी बताओ, कोई काम नहीं, बस यही जीवन का, लाइफ का एम है ना। है ना, बीच में लैग आ रहा है क्या, ओके ओके, लाइक ऑन डन, ओके ओके। तो बच्चों ऑल फेल, मुझे एक बात बता दो, जो अगर आपको मेरी वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है, एक बार मुझे अंगूठा भेज दो फटाफट, गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज, इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल विजिबल, एवरीथिंग इज ऑल फाइन, से अंगूठा, ठीक है, क्योंकि बीच में ना कई टमाटर दूसरे भी आते हैं तो पता नहीं चलता कि जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन, ऑल फाइन,
यस सर, यस यस टमाटर, हाँ अब ठीक, अब ठीक है, अंगूठों से पता लग जाता है। तो मतलब बीच में जो लोग मार रहे हैं वो टाइम पास मार रहे हैं, इनका कोई काम नहीं बेटा जी। क्या लाइफ का एम है सोचो, क्या एम है लाइफ का? चल लैग आ ला, चल लैग आ ला, तू बेटे तेरा तेरे लाइफ में लैग आने वाला है। तो मेरे सेशन में छोड़, तेरे लाइफ में लैग आ जाएगा, इतना भयंकर लैग बाद में कवर ही नहीं होना। आ जाओ। ए यार मतलब काम नाम ही नहीं है जीवन में लोगों को यार, मतलब कुछ अच्छा काम कर लो यार, जीवन में आए हो क्या करते रहते हो यार तुम लोग। सोचो मतलब एक आदमी को सोचो, मतलब बच्चों आप यहां से हिसाब लगाओ, आप थोड़ा सोच के देखना कि वेदांतु के टीचर्स, वेदांतु के जो हम मास्टर टीचर्स हैं, आप सोच के देखना बेटा, मतलब कई लोग लोगों ने लगा रखे हैं कि बस ये कि सेशन में 5 मिनट खराब कर दिए जाए। मतलब आप सोच के देखो, इससे आपको ये पता लगना चाहिए कि कितनी क्वालिटी अच्छी है मास्टर टीचर्स की। ठीक है ना, ये बेटा सोच ले, सोच ले वाली बात है। आप सोचो किसी टीचर की क्लास के 5 मिनट खराब करने के लिए किसी किसी बंदे ने मतलब लगा रखा है काम पे यार, मतलब इनके 5 मिनट सेशन में खराब कर देना, तो मतलब उनको कितना डर है कि इनके 5 मिनट अगर ये अच्छा पढ़ा देंगे, कुछ और कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा, मतलब जैसे है ना। समझ रहे हो ना, तो ये पॉजिटिव सिग्नल है कि कितने तगड़े टीचर है। अब हिसाब लगाओ यहाँ से मास्टर टीचर जो है हमारे वेदांतु के, कि काम पे लगाना पड़ता है लोगों को। यस सर, अच्छा सही में था, सही में था, चलो हो सकता है, हो सकता है सही में हो। अच्छा कहीं रोनित कह रहा है, रोनित कह रहा है सर सही में था। अरे तू तो सही कह रहा है, बीच में 4-5 और दूसरे भी थे जो कुछ और भी लिख रहे थे, तो वहां से मुझे समझ में आ गया वो कुछ और है। ठीक है, नहीं नहीं मतलब हर एक के लिए नहीं है। हाँ नहीं, आ रहा है लैग, आ रहा है लैग। हाँ नहीं नहीं मोनू शुक्ला जी रोना नहीं बेटा, मैं आपको नहीं कह रहा, कुछ और बीच में कुछ लिख रहे थे वो मैंने देख लिया, तो हाँ आप मेरे मुंह बेटा गुल्लू मुल्लू है, आपको थोड़ी कह रहा हूँ मैं कुछ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके ओके बच्चों, तो अब बच्चों इस बात को समझना, आप देखना मैं अब आपको इसकी फील देता हूं, एक सॉलिड फील देता हूं आपको, एक तगड़ी फील देने वाला हूं यहाँ पे। सॉलिड एंगल अगर आप देखो, फील करो अब ये एरिया, अब सोचो ये एरिया जो है आपका ऊपर जो इसकी आप टोपी अगर आप देख रहे ना, हाँ तो बच्चों अगर आप यहाँ पे इस चीज को फील करो, ये एरिया आप देखो जरा, ये जो 3D में अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ऊपर वाली ये कटोरी है ना, देखो जरा ये अगर मैं हेमिस्फीयर से एक कटोरी काट दूं, हेमिस्फीयर से एक कटोरी काट दूं, तो सोच के बताओ जरा ये आई होप यू आर गेटिंग मी, ये ऐसे फ्रंट पे है, ये ऐसे फ्रंट पे है, ये बैक, सोच रहे ये एक हेमिस्फीयर की कटोरी है, और ये कटोरी किसी एक पॉइंट पे, ये कटोरी किसी एक पॉइंट पे 3D में जो एंगल बना रही है ना, 3D में जो एंगल बना रही है उस एंगल को हम बोलते हैं ओम, है ना। सोच के देखो इस बात को, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं ओम, जिसको यहाँ पे अल्फा से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एंड दिस इज अ सॉलिड एंगल, दिस इज अ सॉलिड एंगल, ये 3D वाला एंगल है, और इसको हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं एरिया अपॉन आर स्क्वायर। सीधी बात है, जैसे प्लेन एंगल होता है ना, थीटा होता है हमारा एल बाय आर, प्लेन एंगल होता है लेंथ अपॉन आर, तो सॉलिड एंगल जो होता है ना, सिंपल सॉलिड एंगल इज रिप्रेजेंटेड एज लेंथ की जगह आ जाएगा एरिया, तो ये जो भी येलो एरिया है, ये जो भी येलो एरिया है उसे ए ले लो, अपॉन बेटा डेफिनेटली ये किसी एक स्फीयर का पार्ट है ना, वहां पे सर्कल की पार्ट थी लेंथ, वहां पे जो लेंथ थी वो सर्कल की आर्क थी, यहाँ पे जो एरिया है ये किसी एक, यहाँ पे भी हम सिमेट्री लेंगे, ये एक स्फीयर का एक सेक्शन है जिसका एरिया ए है, तो एरिया अपॉन आर स्क्वायर, एरिया यहाँ पे एरिया बाय आर स्क्वायर, एंड यूनिट्स विल बी स्टी रेडियन, इसको याद रखना, यूनिट्स जो होंगे इसके वो स्टी रेडियन होंगे। यस सर, आपको इसकी कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है, बट यस इन सम गुड क्वेश्चंस ऑफ +2 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यू नीड दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट, यू नीड दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट। ठीक है, तो अब मेरे टमाटरों मुझे एक बात बताना, अगर मैं एरिया बढ़ा दूं, अब आप देख रहे हो, देखो जितना एरिया छोटा है, जितना एरिया छोटा है, आप अगर फील कर पा रहे हो इस चीज को, जितना एरिया छोटा है, देखो ये जितना छोटा है, जितना तुम बड़ा एरिया ले रहे हो, फील आ रही है ये नीचे, जितना ये नीचे आता जा रहा है, आई होप यू आर गेटिंग मी, है ना, जितना वो फैलता जा रहा है, जितना वो एरिया बढ़ता जा रहा है, उसका 3D में जो एंगल है वो बढ़ता जा रहा है। यस और नो, यस और नो बच्चों, फील आ रही है कि नहीं आ रही है? जबरदस्त, यस सर। हाँ, कौन 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 भी बनाता है यहाँ पे, ये स्फीयर है एरिया, यहाँ पे जो स्फीयर, इट्स एरिया ऑफ स्फीयर, है ना। यस सर, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से स्फीयर का एक सेक्शन कट किया, मैंने एक सेक्शन कट किया, है ना, ये मैंने एक स्फीयर का सेक्शन कट किया, तो ये जो सेक्शन है जो मैंने कट किया उसका एरिया अगर मैं ए ले लूं, है ना, एरिया अपॉन ये जो डिस्टेंस है आर, एरिया अपॉन डिस्टेंस आर, तो उसका स्क्वेयर कर दोगे तो तुम्हें सॉलिड एंगल मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ना एक यहाँ पे मस्त बताता हूँ, लेट्स से वी हैव अ हेमिस्फीयर,
वी हैव अ हेमिस्फीयर, है ना। अब जरा सोच के देखना हेमिस्फीयर का जो सॉलिड एंगल बनेगा थ्री डी में सोच के देखना हेमिस्फीयर का, अगर मुझे सॉलिड एंगल निकालना हो थ्री डी में जो एंगल बनेगा तो वो एंगल कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं जल्दी बताओ हेमिस्फीयर का एंगल कितना होगा। इट इज एरिया अपॉन आर स्क्वायर, है ना, एरिया बाय आर स्क्वायर। तो जल्दी बताओ बेटा एरिया कितना है हेमिस्फीयर का, पूरा कितना होता है 2πr² 2πr² बाय आर स्क्वायर। तो अगर आप देखो जरा हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल कितना आ रहा है 2πst रेडियन, 2πst रेडियन। यस सर, आ रहा है समझ में। अरे डिग्री मत बोलो, अरे टमाटरों डिग्री मत बोलो मेरे टमाटरों, ना। मंजू सेशन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, है ना, ठीक है ना। हाँ अरे ये अरे वो पाई जो है वो रेडियन, वो हमारा प्लेन एंगल है, ये 3D का एंगल है, इसके यूनिट अलग है, स्टी रेडियन। यस सर। अच्छा इधर बताओ सफियर में बताओ कितना आएगा, चलो ये बताओ सफियर में अगर तुम सोचो 3D का पूरा 3D में, ये फील करो, ये अब ये तुम्हें थोड़ा फील ही करना पड़ेगा 3D में जो एंगल बनेगा वो वाला वो कितना बनेगा, अगर मैं आपसे पूछूं वो सॉलिड एंगल कितना बनेगा, जल्दी बताओ कितना बनेगा वो सॉलिड एंगल। हाँ वेरी गुड गणेश, वेरी गुड, बच्चों ने जवाब दे दिया। सर एरिया अपॉन आर स्क्वायर, और सर स्फीयर का एरिया होता है 4πr² अपॉन आर स्क्वायर। बेटा ये बातें तो कोई बताता ही नहीं है, ये तो बस ऐसे विनय सर थोड़े फनी आदमी है, विनय सर थोड़ा सा डेयरिंग आदमी है, पंगे ले लेते हैं। हाँ सो दैट इज 4πt रेडियन। तो जैसे बेटा हमारा सर्कल पूरा एंगल 2π रेडियन बनाता है, ध्यान से सुनना, सर्कल पूरा एंगल हमारा 2π रेडियन बनाता है, उसी तरह बेटा हमारा पूरा स्फीयर 4πt रेडियन सॉलिड एंगल बनाता है, पूरा, है ना, 4πt रेडियन सॉलिड एंगल बनाता है। डन, बस दिमाग में रखो, बाकी इसकी हमें प्लस वन में कोई जरूरत नहीं पड़ती। मैं आगे जैसे जैसे बढ़ता जाऊंगा प्लस टू के अंदर आपको थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस जहां पे हम लैंड करेंगे मैं आपको इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और बच्चों यस यूनिट्स डन, एक बार चैट बॉक्स पे बेटा पॉजिटिविटी दिखा दो फटाफट चैट बॉक्स में पॉजिटिविटी। आज का जो सेशन है वो हमारा 40% कंप्लीट हो चुका है, है ना। यूनिट्स डन 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 यस सर डन 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 डन, ठीक है। ओके मेरे तमातल तमातल बहुत खुश है, ठीक है। तो बच्चों हमारे यूनिट्स हो गए, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, ये पहला पड़ाव हमने आज के चैप्टर में खत्म कर लिया है। अब अगला तो बहुत आसान है, ठीक है, जहाज उड़ाने में थोड़ा सा समय लगता है, अब तो जहाज हमारा उड़ रहा है। नेक्स्ट इज डायमेंशंस। अब डायमेंशंस को पेल देंगे, एक सेकंड में खत्म करेंगे, कुछ भी नहीं है, वेरी इजी। तो बच्चों लेट्स गो फॉर डायमेंशंस, एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, तो गाड़ी में बैठ के हम अपनी नई जर्नी में जा रहे हैं, दैट इज द जर्नी ऑफ डायमेंशंस। तो लेट्स स्टार्ट डायमेंशंस बच्चों, अब ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल चीज है, एक मिनट में ही चैंपियन बन जाओगे तुम लोग। व्हाट इज अ डायमेंशन? डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू गेट द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। इस बात का मीनिंग क्या है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे बच्चों स्पीड आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड के यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकंड, स्पीड्स के यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकंड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं स्पीड को वी से रिप्रेजेंट कर दूं, डिस्टेंस को यहां पे मैं अगर एक्स से रिप्रेजेंट कर दूं, और टाइम को मैं यहां टी से रिप्रेजेंट कर दूं, तो आपके सामने ये एक फॉर्मूला है। अब बेटा मैं आपको यहां पर बात बता रहा हूं कि अगर हम यहां पर इसको एक ऐसे बड़े बॉक्स में डाल के लिख दें, सुनते जाना मेरी बात को, है ना, 5 मिनट पूरा सुनोगे तो समझ में आएगा। अगर हम इसको ऐसे बड़े बॉक्स में डाल के लिख दें, बड़े डब्बों के अंदर, तो इसका अर्थ यह है दैट वी आर राइटिंग ओनली यूनिट्स एंड इट इज कॉल्ड एज डाइमेंशनल फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइमेंशनल फॉर्मूला, मतलब हम सिर्फ यूनिट्स पे जा रहे हैं। अगर मैं ये ले लूं तो x कुछ भी हो सकता है, x इज 10 मीटर, टाइम इज 2 सेकेंड्स, x की कोई वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं इसे बड़े डब्बों में डाल देता हूं तो इसका मतलब मैं सिर्फ यूनिट्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। कर दीजिए सर। बच्चों x जो है इट इज अ लेंथ, x जो है वो क्या है, वो है लेंथ, तो मैं इसे लिख देता हूं इट इज L1, मतलब वो सिर्फ लेंथ, एरिया होता है L2 होता, x लेंथ है तो उसे मैंने L1 लिख दिया, और जो टाइम है वो मेरा T1 है। तो आप यहां पे जरा समझने का बच्चों प्रयास करना, अगर मैं यूनिट्स को थोड़ा सा एक
ग्लैमरस वे में, बेसिकली लिख वही रहा हूं मीटर पर सेकेंड, जस्ट एक ग्लैमरस वे में अगर आपके सामने प्रेजेंट करूं तो आप इसे लिख सकते हैं L1 into T-1. इसे हम लिख सकते हैं L1 into T-1. अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना बच्चों, लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. तो आप इस बात को समझें, हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज की कुछ पावर्स दे दी, एल की पावर 1 दे दी, टाइम की पावर -1 दे दी, और वो जो पावर्स होती हैं उन पावर्स को हम डायमेंशन बोलते हैं. तो मैं आपके सामने क्या कहूंगा, मैं आपके सामने एक बात बोलूंगा कि जो वेलोसिटी है वो है L1 into T-1, और इसको हम कहते हैं डाइमेंशनल फॉर्मूला. क्या बोलते हैं अपन इसको, डाइमेंशनल फॉर्मूला. बच्चों कुछ नहीं है, यूनिट्स ही हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो, यूनिट्स ही है, मीटर पर सेकेंड ही है. बस मीटर इज द लेंथ एंड पर सेकेंड इज टाइम रेज टू पर -1. उस यूनिट्स को बस ग्लैमरस वे में जब हम लिख देते हैं ना, तो इस नोटेशन का नाम हम बोल देते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला. और फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर्स हैं उन पावर्स को हम बोलते हैं डायमेंशंस, है ना, उनको हम बोलते हैं डायमेंशन. सो मतलब वेलोसिटी हैज 1 डायमेंशन इन लेंथ, 1 डायमेंशन इन एल, एंड -1 डायमेंशन इन टाइम, -1 डायमेंशन इन टाइम. तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, डायमेंशंस आर दी पावर्स, ये पावर्स हैं, तो विच द फंडामेंटल यूनिट्स, जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनकी पावर्स रेज की जाए जिससे वो क्वांटिटी डिराइव हो जाए, जिससे वो इन ऑर्डर टू गेट द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी. चैट बॉक्स में लिख दो, चक दे फटे जय माता दी सर, हमें समझ में आ गया, डायमेंशंस भी समझ में आ गया, पावर्स का नाम डायमेंशंस है और जो फॉर्मूला है उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला. मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टैंडर्ड, अगर मैं तुम्हारे सामने डायमेंशनल फॉर्म, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सोच के बताओ. लेंथ तो लेंथ होती है ना, फंडामेंटल है, तो इट इज एल, डब्बे में डाल दो एल. हाँ, डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, 1 इन लेंथ, लेंथ में 1 है ना, लेंथ में 1 है. ऐसी मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डब्बे में एम डाल दो, डब्बे में एम डाल दो, दैट इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला. और अगर डायमेंशन पूछी जाए तो मास की पावर 1 है, तो मतलब 1 इन मास. ऐसे ही मतलब समझ लो टाइम का 1 इन टी, केल्विन का ऐसे डब्बे में डाल दो के, यूनिट्स हैं बस यार, और कुछ नहीं है, यूनिट्स का एक ग्लैमरस वर्जन है ना. यस सर, यस सर, ठीक है ना. हाँ, 4-5 एग्जांपल्स अभी करेंगे, सब समझ में आ जाएगा. इसी तरह बच्चों करंट को अगर आप देखो एम्पियर, ऐसे ही मोल को हम बेटा स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, केमिस्ट्री में आपको पता लग जाएगा. और ये तो कोई टेंशन नहीं है, इसको वैसे ही छोड़ दो. तो इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है कैंडेला, है ना, यू कैन लीव इट एज वी डोंट नीड इट इन होल +1 +2. अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, फॉर एग्जांपल आई हैव एन एक्सेलरेशन, है ना, आई हैव एन एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या होती है जल्दी बताओ, इट इज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना. एक मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल को ध्यान से सुनना. अगर मैं आपके सामने एक्सेलरेशन लिख दूं, आई हैव एन एग्जांपल, एक्सेलरेशन इज सर दी टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो बच्चों मुझे एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखना है, तो बच्चों मुझे एक बात बताओ वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, है ना, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, अभी हमने निकाला है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा जल्दी बताओ, L1 T-1 अभी देखा हमने, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा जल्दी बताओ, L1 into T-1 होगा सर, बिल्कुल होगा सर, मीटर पर सेकंड होता है ना, तो सीधी बात है चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगा, यूनिट तो वही होगा ना, चेंज इन वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होंगे. अगर अभी वेलोसिटी 10 मीटर पर, ऐसे सोच लो इनिशियल वेलोसिटी अगर बच्चों 10 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी जो होगी बेटा वो हमारी 15 मीटर पर सेकंड है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल 15 माइनस 10. अरे कहने की बात तो ये है, यूनिट्स थोड़ी बदल जाएंगे, यूनिट्स तो वही रहेंगे मीटर पर सेकंड. तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा चेंज इन वेलोसिटी का भी क्या होगा, L1 into T-1 अपॉन टाइम, दैट इज अगेन टी की पावर 1. और बच्चों अगर ये आप ऊपर ले जाओ, ये आप ऊपर ले जाओ, तो ये क्या बन गया, ये बन गया L1 T की पावर -2, ये L1 T की पावर -2. तो ये ना एक्चुअली ये मतलब क्या है अगर आप पूछो, अरे वही है, अरे वही है जो तुमने सीखा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं ना यूनिट्स है ना बच्चों, और मेरे टमाटरों गुल्लू गुल्लू समझ में आ रहा है, यूनिट्स ही है, बस यूनिट्स का ग्लैमरस वर्जन है. तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को थोड़ा सा हमने एकदम से डब्बों में लगा के रख दिया, तो मीटर इज लेंथ, पर सेकंड स्क्वायर इज टी की पावर -2. यूनिट्स को अगर मैं ऐसे दिखा दूं तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला. और अगर मैं इसकी डायमेंशंस बोलूं तो इट हैज 1 डायमेंशन इन लेंथ, जो डायमेंशंस हैं वो पावर्स हैं, डायमेंशंस पावर्स होती हैं, तो इट इज 1 डायमेंशन
इन लेंथ है ना एंड एंड माइनस टू इन टाइम, माइनस टू इन टाइम है ना, माइनस टू जो डायमेंशन है वो हमारी टाइम में है। चक दे फटे चैट बॉक्स पे लिख दो जय माता दी अगर समझ में आ रहा है, जल्दी लिख दो फटाफट जल्दी लिख दो है ना। आ रहा है क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं, चिंता मत करो, टफ क्वेश्चन भी होगा यार, चिंता कर, अरे यार सीख तो लो पहले अभी शुरू किया नहीं। जय माता दी, चक दे फटे, चलो क्या बात है, नजारे आ रहे हैं बच्चों को, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख के जिस तरह से आप आज बच्चों पढ़ रहे हो। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, मुझे लगता नहीं है इसमें किसी भी बच्चे को कोई दो राय होगी। डिस्टेंस की जो डायमेंशन होगी वो होगी एल की पावर वन, डिस्टेंस की जो डायमेंशन होगी इट्स अ लेंथ एल की पावर वन, यस सर, ओके। व्हाट इज द डायमेंशंस, हाँ डायमेंशन होगी वन, डायमेंशन वन होगी, डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो होगा आपका, यस बिल्कुल। अच्छा इसी तरह व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, एरिया क्या होता है जल्दी बताओ, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिखोगे एल स्क्वायर, आप इसको क्या लिखोगे एल स्क्वायर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको हम क्या बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। मेरे टमाटरों ये तुम्हें पता होना, ये इक्वेशन जो होती है इक्वेशन को हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन पूछी जाए तो एरिया हैज डायमेंशन टू, कैसे मैं लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें क्लैरिटी हो, हैज डायमेंशन टू इन लेंथ, हैज डायमेंशन टू इन लेंथ है ना, तो लेंथ में जो उसकी डायमेंशन है वो टू है, दैट्स इट, यस सर, यस सर। और इसी तरह टमाटरों बच्चों वॉल्यूम, वॉल्यूम का बताओ, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखोगे, मेरे ख्याल से सारे टमाटर जानते हैं इट इज एल थ्री है ना, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, तो यूनिट को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज एल क्यूब। क्या बात है, क्या बात है मेरे गुल्लू मुल्लू, वाह 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 शाबाश। अच्छा चलो आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, ये इसमें से हमने दो तो कर ही दिए। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है एल वन टी माइनस वन है ना, वेलोसिटी का डायमेंशन हमने देख लिया। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है जल्दी बताओ, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज एल वन इंटू टी माइनस टू, एल वन इंटू टी माइनस टू। अच्छा अब फोर्स के ऊपर आते हैं, अब जरा ध्यान से सुनना, अब जरा ध्यान से देखो, आपको कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए है ना, अगर आपने डायमेंशन निकालना है या डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो आपको कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है, बच्चों ने लिख दिया मेरे, वाह लव यू, जीते रहो बच्चों, मेरे बिना पढ़ाई में लिख दिया। फोर्स होती है सर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो डेफिनेटली सर फोर्स का डायमेंशन होगा मास का डायमेंशन इनटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन है ना, इनटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन। डायमेंशन बोले तो यूनिट, सिर्फ यूनिट और कुछ नहीं है। तो मास क्या होता है, मास इज एम वन, वो तो पता ही है सबको, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमने अभी लिखा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर एल वन टी माइनस टू। तो मेरे ख्याल से बच्चों जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकला वो हुआ एम वन एल वन टी माइनस टू, एम वन एल वन टी माइनस टू, सो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन क्या होगी, वन वन एंड माइनस टू, वन इन मास वन इन लेंथ माइनस टू इन टाइम, यस सर, यस सर, सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था आज का सेशन एक आप मान के चलो कि फिजिक्स कैसे बनी, कैसे इवॉल्व हुई, उसके ऊपर सेशन बेस्ड है हमारा, ठीक है, यस सर, चक दे फटे जय माता दी। अच्छा इसी के साथ बच्चों आपके सामने अगर मैं एक चीज आपसे और पूछूं, राइट द डायमेंशंस ऑफ फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो आपके सामने कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज है, इनका हमें डायमेंशन लिखना है। तो बच्चों वर्क किसके बराबर होता है आपको पता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क, मैं यहां यहां लिख देता हूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क, पहला मैं यहां लिख देता हूं। वर्क का फॉर्मूला पता है, सुना होगा तुमने छोटी क्लासेस में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सुना हुआ है सबने, सुना हुआ है। अच्छा अब वर्क का डायमेंशन कैसे निकलेगा जल्दी बताओ, डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन अभी हमने निकाला एम वन एल वन टी माइनस टू, फोर्स का डायमेंशन अभी विनय सर ने निकाल के दिखाया है ना, अभी निकाल के दिखाया आपको यहाँ पे एम वन एल वन, मास बेसिकली याद रख लो मास इंटू एक्सेलरेशन एम वन, और एक्सेलरेशन होगी हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एल वन इंटू टी माइनस टू, और इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है मेरे टमाटरों वो है एल वन। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम वन एल टू टी माइनस टू, एम वन एल टू टी माइनस टू, ठीक है। सो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। अच्छा एनर्जी, एनर्जी का बताओ जरा, एनर्जी क्या है, एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी क्या, अरे वर्क एनर्जी का, अरे सेम होगा, वर्क क्या है, वर्क इज एनर्जी ना यार, मतलब है ना एनर्जी। चलो अगर मैं कैनेटिक एनर्जी तुम्हारे सामने ले लूं जो कि होती है हाफ एम वी स्क्वायर, सोच के बताओ अगर मैं तुम्हारे सामने कैनेटिक एनर्जी ले लूं है ना, जो कि सबको पता वो होती है हाफ एम वी, सेम ही होता है वैसे है ना, बिल्कुल, क्योंकि वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, आगे जाके हम आपको फिजिक्स में डिटेल में पढ़ाएंगे, चैप्टर है अपने आप में। तो फिर भी चलो अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का लिखना है तो किसके बराबर होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, हाफ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तो कुछ होते नहीं यूनिट्स है ना, तो मास के यूनिट्स क्या आएंगे एम वन,
और वेलोसिटी क्या है L1T-1, वेलोसिटी क्या है L1 मीटर पर सेकंड, और अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो मेरे टमाटरों आप लोग यहां पे देख सकते हो एनर्जी की जो डायमेंशन आएंगी वो किसके बराबर आएंगी M1L2T-2, दैट इज एनर्जी, दैट इज एनर्जी। क्या बात है, क्या बात है मेरे सर, आपने एकदम फील दिला दी, है ना। अच्छा अब आपके सामने एक और चीज आ रही है, दैट इज टॉर्क, दैट इज टॉर्क, ठीक है। अब आपको इसके बारे में पता नहीं है, अब जैसे बेटा हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे, जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, एक चैप्टर है फिजिक्स की जान है टॉर्क, आपको वहां पे जाके समझ में आएगा कि टॉर्क का मतलब क्या है। मैं अभी आपको फॉर्मूला नहीं आता, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूं कि टॉर्क का एक्चुअली में जो मीनिंग होता है ना, जस्ट वैसे फीलिंग के लिए चाहिए नहीं अभी आपको, इट इज द रोटेशनल पावर। किसी चीज को चलाना है तो जो चीज चाहिए वो चाहिए फोर्स, अगर किसी चीज को घुमाना है, मतलब समझ रहे हो, अगर आप इस एनिमेशन को देखो, अगर किसी चीज को घुमाना है, समझ रहे हो, अगर अगर किसी चीज को घुमाना है तो एक फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट, एक फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट जिससे कोई चीज घूम जाए, जिससे कोई चीज घूम जाए, उस रोटेशनल द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क, है ना, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क। और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, अभी क्या है अपन आपको समझा नहीं रहे, ये तो बस ऐसे ही बता रहा हूं तुम्हें, फिजिक्स में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे फॉर्मूले पता लगते जाएंगे, तुम सबका डिमेंशन निकाल लोगे। तो आपको मैं बता रहा हूं इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो होता है R into F। जैसे वेक्टर्स में मैंने आपको बताया था वेक्टर फॉर्म में जो टॉर्क होती है, वेक्टर फॉर्म में जो टॉर्क होती है ना वो क्रॉस प्रोडक्ट से निकलती है, वो होती है R vector x F vector। तो अगर मैं सिर्फ यूनिट्स की बात करूं तो इट इज व्हाट, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो R into F, है ना। तो मुझे एक बेटा बात बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं अगर टॉर्क में R into F है तो इसकी डायमेंशंस क्या आएंगी, जल्दी बताओ। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये क्या बन गया, फोर्स इनटू डिस्टेंस। दोनों बातें अलग हैं बातें अलग हैं, डायमेंशनली दोनों इक्वल है, तो क्या आएंगी M1L2T-2। तो बेटा याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेट मैंने आपको दिया है, ये आपको बुक में भी कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये सेट याद रखना, वर्क एनर्जी और टॉर्क ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनकी डायमेंशंस इक्वल होती हैं, जिनकी डायमेंशंस सेम होती हैं। यस सर, चक दे फटे जय माता दी, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप सब। बाकी डोंट वरी, जैसे जैसे हमें फॉर्मूले मिलते जाएंगे, है ना, तो हम अपना करते जाएंगे। अब ऐसे बच्चों हमारा एक फॉर्मूला होता है पावर का, है ना। अब पावर का डायमेंशन निकालना है तो आपने सुना होगा पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है सर, वर्क अपॉन टाइम। तो व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ पावर, वर्क की डायमेंशन क्या है M1, अभी निकाला हमने L2T-2, है ना, अभी निकाला ना, देखो जरा वर्क की डायमेंशन क्या थी, वर्क की डायमेंशन थी M1L2T-2। तो आपने वो डायमेंशन बच्चों यहां रख देनी है अपॉन टाइम, और टाइम की डायमेंशन बेटा आपने टिका देनी है यहां पे टी। तो पावर जो निकल के आएगा मेरे टमाटरों M1L2T-3, कितना निकल के आएगा M1L2 टमाटरों T-3। यस सर, यस सर। सो दिस इज दी, है ना, दिस इज दी डायमेंशंस ऑफ पावर। ऐसे अगर हमें प्रेशर का लिखना है तो बताओ कैसे लिखा जाएगा। प्रेशर का सुना होगा तुम सबने, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर का डायमेंशन कैसे निकाल लेंगे, प्रेशर का डायमेंशन जल्दी बताओ मेरे टमाटरों, फटाफट बताओ प्रेशर का डायमेंशन। सर फोर्स का डायमेंशन, सर फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अपने दिमाग में चलाओ, है ना, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो L1T-2 × M अपॉन एरिया। एरिया क्या है सर, एल स्क्वायर। एरिया क्या है सर, एल स्क्वायर। तो देखो जरा बेटा प्रेशर का डायमेंशन क्या आ गया, क्या आ गया M1L-1 है और वो 2 है। हाँ, ऊपर कितना आएगा, ऊपर कितना आएगा मेरे टमाटर, यहां पे आ जाएगा -1, है ना, और टी की वैल्यू -2, टी की वैल्यू -2। यस सर, चक दे फटे जय माता दी, लिख दे चैट बॉक्स में मेरे टमाटरों, गुल्लू मुल्लू, समझ में आ रहा है अपने को। यस सर, ठीक है। लकी अरोड़ा चिंता मत कर, आराम से तेरा बैकलॉग कवर हो जाएगा, अभी से जुट जा और धीरे धीरे करके हर संडे दो दो पुरानी वीडियो निपटाता जा, तो विद इन नेक्स्ट 2-3 संडेज तेरा सारा बैकलॉग कवर हो जाएगा, ठीक है ना। बट हाँ, तेरे को शेड्यूल से चलना पड़ेगा, ठीक है। जय माता दी, जय माता दी। तो प्रेशर का डायमेंशन भी हो गया बच्चों, मैंने आपको जस्ट एक टेबल दिया है ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस, आप चिंता मत करना, आपको टाइम के साथ सबके बारे में पता लग जाएगा। ये जस्ट फॉर फन के लिए दिया है, तुम्हें जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे कुछ और होगा, एंगुलर वेलोसिटी एक टर्म है, इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये डोंट वरी। जैसे जैसे हम चैप्टर्स में अपने फिजिक्स में ग्रो करते जाएंगे आपको फॉर्मूले पता लगते जाएंगे, और आपको जब फॉर्मूले पता लगते जाएंगे तो आप आराम से सबका डायमेंशंस क्रिएट करते जाओगे, ठीक है। तो फॉर फ्यूचर नथिंग, अभी कुछ नहीं करना,
टेंशन मत लेना, आपने अभी इसमें से कुछ भी नहीं करना, जस्ट दे दिए फॉर योर रेफरेंस एंड फॉर योर नोट्स, ठीक है। तो अब बच्चों हमने, हाँ अब बच्चों हमने अगर डायमेंशन सीख ली है तो अब कुछ हम इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो सीखते हैं कि डायमेंशन के फायदे क्या हैं, ठीक है, क्या क्या ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला बेटा हमारा जो ऑपरेशन जो हमने करना है, दैट इज द रूल ऑफ होमोजेनिटी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है दैट ऑल द टर्म्स दैट आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड मस्ट हैव सेम डायमेंशन। ये बहुत मस्त है, होमोजेनिटी का मतलब एक जैसे। अब देखो जरा, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन से लड़ाई कर सकता है, है ना, है ना, मैं अपने जैसे इंसान से लड़ाई कर सकता हूं। अब कोई टमाटर बोले मुझे विनय सर से कुश्ती करनी है, तो बताओ कोई बात बनती है, मतलब, है ना, टमाटर टमाटर से लड़ेगा, विनय सर जैसे किसी हट्टे कट्टे आदमी से लड़ाई करेंगे, है ना। तो भाई सीधी बात है, अगर कोई एक फंक्शन है जिसके अंदर आपकी दो तीन चार चीजें जो हैं आपकी ऐड हो रही हैं, तो बहुत लॉजिकल बात है यार, गधे में गधे जुड़ते हैं, ये बचपन की कहानियां बेटा सुनी होंगी आपने, है ना, घोड़ों में घोड़े जुड़ते हैं, दो संतरों में तीन संतरे ही जुड़ सकते हैं, संतरों में आपके एप्पल्स नहीं जुड़ सकते, है ना, एप्पल्स कैन बी एडेड इनटू एप्पल्स, ऑरेंजेस कैन बी एडेड इनटू ऑरेंजेस। तो सीधी बात है, ए बी सी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ डी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, एंड शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी। सीधी बात है, डायमेंशनली सीधी बात है, अगर ये लेंथ है तो मीटर प्लस मीटर माइनस मीटर इज अगेन अ मीटर, एंड द फाइनल आंसर इज ऑल्सो अ मीटर, है ना, दिस इज द होमोजेनिटी। अब जैसे इसका मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल लिख देता हूं, ठीक है, अब इस बात को समझना, वॉट इज द डायमेंशन ऑफ दिस एस, एस का डायमेंशन क्या है जल्दी बताओ, एस का डायमेंशन क्या है, एस इज अ डिस्प्लेसमेंट, सो दैट डायमेंशन इज लेंथ, दैट इज मीटर। अच्छा, वॉट इज बेटा यू, डायमेंशन ऑफ यू, यू किसके बराबर है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, एल वन टी माइनस वन इन टू टी, इन टू टी, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना, इन टू टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, है ना, हाफ की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, हाफ की तो डायमेंशन होती नहीं। अब देखो ए की डायमेंशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, एक्सेलरेशन क्या होता है ना, यूनिट्स, यूनिट्स की बात है सारी बेसिकली, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो मतलब एल वन टी माइनस टू और इन टू टी स्क्वेयर, और टी स्क्वेयर है वो है टी की पावर टू, टी स्क्वेयर है टी की पावर टू। तो मेरे टमाटरों तुम लोग देख सकते हो, ये टी की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस वन से कट गया, ये टी स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर से कट गया, तो आप मेरे बच्चे यहां से देख सकते हो एल वन इज इक्वल टू एल वन प्लस एल वन। तो आप समझ सकते हो ये भी एक लेंथ बनेगा, ये भी हाफ एटी स्क्वायर एक लेंथ बनेगा, और लेंथ लेंथ इसी को हम होमोजेनिटी बोलते हैं, लेंथ में लेंथ ऐड होगी तो डेफिनेटली आपकी लेंथ ही बनेगी, लेंथ ही बनेगी। बच्चों यस सर, जल्दी बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, और तमातलों गुल्लू मुल्लुओं पल्ले पड़ रहे हैं हमें कि भूल गए, सांगी बेटा सब कराऊंगा चिंता ना कर, है ना, आई नो कब किस वक्त क्या चीज पढ़ानी है, धैर्य रख सब कवर होगा, है ना, हाँ यशल यशल क्या बात है, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आ रहा है, आ रहा है बेटा, हौसला रखो आ रहा है, मुझे पता है तुम्हें कब क्या पढ़ाना है। ओके टमाटर, ठीक है, चलिए। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप सब यहां से सहमत होंगे, ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रिंसिपल था होमोजेनिटी का, ऐसे बेटा हाथ से चोरी, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये आपका होमवर्क है, ये आपको प्रूव हो चुका होगा वैसे तो, है ना, ये भी आपकी होमोजेनिटी से प्रूव हो जाता है, इधर भी वेलोसिटी, u भी वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन इनटू टाइम, वो भी वेलोसिटी बन जाएगा, ठीक है, करके देख लीजिएगा। अच्छा अब बेटा सुनो, अगला रूल क्या है डायमेंशन पे जो हमें दिमाग में रखना है, डायमेंशन ओबे रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, मतलब अगर डायमेंशंस मल्टीप्लाई होंगी या डिवाइड होंगी तो ये रूल्स ओबे करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बेटा फोर्स हमने निकाल ली विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, तो मतलब सीधी सी बात है फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, मास का डायमेंशन m1 और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है l1 t माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो m1 l1 t मतलब बेसिकली जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना उसी को वो दोबारा एक बार और बता रहा है कि आप डायमेंशंस निकालते वक्त एडिशन या सॉरी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आप डायमेंशंस डायरेक्ट डील कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा, आपको यहां पे एक वेरिएबल दिया है डी जो कि है ए बी बाई सी, डी कौन है मेरी बात को देखते जाएं, डी इज ए इनटू बी बाई सी, और हमें ए का डायमेंशन अगर पता हो और हमें अगर बी का डायमेंशन पता हो और अगर हमें सी का डायमेंशन पता हो तो हम डी का डायमेंशन निकाल सकते हैं, यस सर निकाल सकते हैं। तो बेटा आपको ए बी सी का डायमेंशन दे दिया तो बस आप निकाल लीजिए। अब देखो यहां पे a का डायमेंशन क्या है आपके सामने, व्हाट इज a, a इज m1 l0 t माइनस टू, ठीक है सर जी, व्हाट इज b,
m0l-1 t2, ठीक है सर जी, दिस इज b. सर व्हाट इज c? सर c इज m1, c इज m1 l-2 t0, m1 l-2 t0, यस सर, यस सर, टमाटर बिल्कुल सही है. और आप अगर बच्चों यहां से थोड़ा सा भी समझें, देखो जरा ध्यान से, ये m1 से m1 चला गया, टमाटरों चला गया ना, ये t की बार -2 से t की बार -2 भी चला गया, l की बार 0 वैसे खा जाओ कुछ भी नहीं है, और l की बार -2 और l की बार -1, तो मेरे ख्याल से वो -2 जब ऊपर चला गया तो ये l1 बच गया. ये l1 बच गया. तो डायमेंशंस ऑफ d आर l1, डायमेंशंस ऑफ d आर, ओ आला है समझ में, और मेरे तमातलों आला है ना, आ रहा है ना, देखा ना, ये सिंपल सी चीजें हैं, कोई मुश्किल काम इसके अंदर नहीं है. यस सर, यस सर, ठीक है. तो दिस इज दी मल्टीप्लीकेशन एंड दी डिविजन, सिंपल है. हमने ऑफिशियली दोबारा पॉइंट बताया है, अनऑफिशियली हमने पहले ही कर लिया. अब बेटा बात आती है डायमेंशंस के यूजेस की. बहुत सिंपल सिंपल यूजेस हैं, आराम आराम से हम करते जाएंगे और अपने क्वेश्चंस को निपटाते जाएंगे. सबसे पहला यूज बच्चों याद रखना, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द यूनिट्स. यूनिट्स को कन्वर्ट करने में डायमेंशंस हमें हेल्प करती है. सेकेंड, इट इज यूज्ड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने कोई इक्वेशन दे दूं और राइट साइड और लेफ्ट साइड अगर आपके यूनिट्स इक्वल नहीं बनते तो डेफिनेटली डायमेंशंस इक्वल नहीं आती, तो डेफिनेटली वो इक्वेशन ही आपकी गलत है. तो कोई इक्वेशन सही है या गलत है वो आपको डायमेंशन से पता लग सकता है. और डेफिनेटली देर आर फ्यू फॉर्मूलाज विच वी कैन डेराइव यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. तो तीन चीजें हैं, एक एक करके तीनों को निपटाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है. सबसे पहला, टू कन्वर्ट यूनिट्स. यूनिट्स तो बेटा बहुत सिंपल है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. आप इस बात को ध्यान से देखना कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप n1u1 = n2u2 लिख सकते हो. अब बेटा u1 क्या है? u1 आपका एक यूनिट है किसी एक सिस्टम का, और उस यूनिट में आप डायमेंशन लिख दोगे. मास की वैल्यू कुछ और होगी, लेंथ की वैल्यू कुछ और होगी, टाइम की वैल्यू कुछ और होगी, है ना, यहां पे केजी हो सकता है. दूसरे यूनिट में आप क्या ले सकते हो? आप ग्राम ले सकते हो. लेकिन डायमेंशंस कैसे लिखोगे? m1 की पार a, l1 की पार b और टाइम की पार c. और ऐसे ही डायमेंशंस इधर भी क्या लिखोगे? m2 की पार a, l2 की पार b. मास लेंथ टाइम यहां पे बदल गए, लेकिन डायमेंशंस जो हैं वो आपकी सेम रहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, मैं क्यों कह रहा हूं डायमेंशन सेम रहेंगे, जैसे बेटा वेलोसिटी के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं मीटर पर सेकंड. मेरी बात को ध्यान से सुनना, मीटर पर सेकंड. एक और यूनिट आप बोल सकते हो सर सेंटीमीटर पर सेकंड, चलेगा. एक और यूनिट आप बोल सकते हो सर किलोमीटर पर आर, है ना. तो मेरे ख्याल से यूनिट कोई भी हो, आप इस बात को ध्यान से समझना, मास में, सॉरी लेंथ में हमेशा वन है, लेंथ में डायमेंशन हमेशा वन है. समझ रहे हो मेरे टमाटरों, है ना, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर. तो लेंथ में वेलोसिटी का लेंथ में डायमेंशन हमेशा वन है, और टाइम में डायमेंशन जो है, टाइम कुछ भी हो, डायमेंशंस आपकी सेम रहती है, डायमेंशंस आपकी सेम रहती है. यस सर, ठीक है. तो आप इस यूनिट में लिख लो, इस यूनिट पे लिख लो. और मैंने आपको पहले ही बता दिया n1u1 = n2u2. मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, है ना. तो आपको मतलब दूसरे यूनिट में वैल्यू निकालनी है. सॉरी, ये क्या हुआ भाई, ये क्या हो गया, हाँ हाँ, आपको दूसरे यूनिट में, हाँ मेरे टमाटर, दूसरे यूनिट में n2 की वैल्यू निकालनी है. मेरे ख्याल से आप सारा उठा के नीचे ले आओ, तो यहाँ पे आ जाएगा m1/m2 / a, l1/l2 / b, t1/t2 / c. ठीक है, अपन एक काम करते हैं, इसको छोड़ते हैं, इसको ऐसे तैसे कराने दो, अपन अपना एक क्वेश्चन करते हैं. ठीक है ना, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा. अच्छा जी, अब सुनना मेरी बात को आराम से, क्या है, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा. बेटा फोर्स का एक यूनिट होता है न्यूटन, जिसको हम ऐसे यूनिट बोलते हैं, और फोर्स का एक सीजीएस यूनिट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं. ठीक है ना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको वन न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है. अगर मैं आपके सामने फोर्स का डाइमेंशन लिखूं, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m1l1t - 2, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना. तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, m1l1 * t - 2, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इज द एक्सेलरेशन, ये होगी डायमेंशन. अब बच्चों इस बात को समझिएगा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर हमारे सामने लिखी है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, फोर्स, तो वो है वन न्यूटन. मेरी बात को ध्यान से सुनना, वो है वन न्यूटन. अब जो न्यूटन है वो है मेरा एसआई यूनिट, है ना. तो एसआई यूनिट में मास क्या होता है हमारा, केजी. तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो इट इज वन इंटू वन केजी रेज टू पावर वन. लेंथ किस में होती है जल्दी बताओ, है ना, ये लेंथ किसमें होती है, वन मीटर, वन मीटर की पावर वन. और जो टाइम होता है वो किसमें होता है, वन सेकेंड, सेकेंड की पावर माइनस टू, सेकेंड की पावर माइनस टू. सो दिस इज वन न्यूटन. और न्यूटन क्या होगा हमारा, सोच के बताओ, व्हाट इज न्यूटन, अरे यार एफ इज एम ए,
तो मास क्या है केजी और ये क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसको हम बोल देते हैं न्यूटन। यूनिट्स में इसको हम क्या बोलते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम बोल देते हैं सर न्यूटन। यस सर करेक्ट बात है। अच्छा अब सोचो एक और यूनिट में हमें जाना है जिसपे इसकी वैल्यू है एक्स, जिसपे इसकी वैल्यू है एक्स जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है ना, इनटू उस यूनिट में वो सीजीएस यूनिट है। अब व्हाट इज सीजीएस, सीजीएस इज सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। तो वो एक ऐसा सिस्टम है जहां पे लेंथ का यूनिट जो होगा वो होगा सेंटीमीटर। तो मतलब वहां पे आप क्या लिखोगे मास का क्या होगा 1 ग्राम, तो 1 ग्राम की पावर 1। डायमेंशंस वही रहती हैं, डायमेंशंस वही रहती हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया है ना। सो दिस इज 1 ग्राम की पावर 1 इंटू 1 सॉरी 1 ग्राम की पावर 1 इंटू 1 मीटर है ना। तो ये यहां पर आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर की पावर 1 है ना, 1 सेंटीमीटर की पावर 1 और साथ में आपके पास आ जाएगा टाइम वहां पे सेकंड ही है 1 सेकंड की पावर माइनस 2, 1 सेकंड की पावर माइनस 2 बच्चों। यस सर। और तमातलो आला है समझ में, आला है समझ में नहीं आला और दुल्लू मुल्लू पर चमक रहा है यहाँ पे ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब यहां से आपको एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लेनी है। एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ रही है जल्दी बताओ, इट इज 1 × 1 kg / 1 ग्राम, 1 kg / 1 ग्राम की पावर 1 इंटू बच्चों 1 मीटर / 1 सेंटीमीटर की पावर 1 और बेटा इंटू 1 सेकंड / 1 सेकंड की पावर माइनस 2, 1 सेकंड / 1 सेकंड की पावर माइनस 2। और मेरे टमाटर यहां से देख सकते हैं ये इससे 1 सेकंड तो 1 सेकंड वैसे ही कट गया। और बेटा आप अगर आप थोड़े से भी समझदार हो, ये आपके सामने लिखा है 1 kg है ना, तो आप इसको लिख सकते हो, मैं अगली स्लाइड है क्या मेरे पास, हाँ मैं अगली स्लाइड भी से ले जाता हूं। तो आप देखो जरा x की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो 1 kg, तो 1 kg को आप लिख लो बेटा 1000 ग्राम / 1 ग्राम की पावर 1 और पीछे आपको यहां पे दिया हुआ है 1 मीटर / 1 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर को आप लिख सकते हो 100 cm / 1 cm की पावर 1 और वो आपका कट गया। अब देखो ये भी कट गया, आपका ये भी कट गया और फाइनली x की वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी बताओ, 1000 × 100 मतलब 10 की पावर 5। तो मतलब CGS यूनिट में याद रखना 1 न्यूटन फोर्स जो होती है वो होती है 10 की पावर 5 dyne, 1 न्यूटन फोर्स जो होती है वो होती है 10^5 dyne बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों, चक दे फटे जय माता दी लिख दो, सीधी बात है ठीक है। देखो वैसे तो बच्चों ऐसा है, ये ऐसे ही इतना हम लेंथ ही करते हैं तुम्हें, मतलब वैसे ही तुम कॉमन सेंस से करो वैसे ही हो जाएगा यार। सोच के बताओ 1 न्यूटन क्या है, मतलब हम एक और मेथड अगर देख लें यहाँ पे एक सेकंड में, व्हाट इज 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इज 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, केजी इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी किसके बराबर होगा 1000 ग्राम्स, केजी किसके बराबर होगा सोच के बताओ 1000 ग्राम्स, एंड मीटर को लिखे तो 100 cm / 100 cm और सेकंड को वही रहने दो, तो तुम्हारे सामने क्या लिखा है ये 10^5 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2 ग्राम सेंटीमीटर। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये ग्राम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं, एसआई में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं डाइन, क्या बोलते हैं डाइन। तो वैसे भी बहुत जल्दी हो जाएगा अगर तुम बस एक ऑफिशियली हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा कर सकते हो। आ रहे समझ में, जय हिंद सर है ना। हाँ ऐसे बेटा जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, है ना, तो जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है तो देखो वैसे भी ओरली हो जाएगा है ना। वैसे ये याद रखना ये सीजीएस यूनिट होता है, ये सीजीएस यूनिट होता है, तो अर्ग जो होता है ना वो होता है 10^7 मेरे टमाटरों है ना, 7, 1 जूल इज 10^7 अर्ग, ये वैल्यू भी याद रखना है ना। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करके देखेंगे तो बहुत सीधी सी बात है, वही वाली बात जो वर्क की डायमेंशन होती है ना, वर्क की डायमेंशन जो होती है ये वाली होती है ना, m1 l2 t-2 है ना, m1 l2 t-2 है ना, ये वाली आपकी डायमेंशन होती है। तो आपने क्या करना है भाई, m1 / m2 की पावर 1, तो मतलब उधर आ जाएगा आपका 1000 ग्राम / 1 ग्राम की पावर 1, फिर उधर आ जाएगा 1 मीटर / 1 सेंटीमीटर की पावर 2, आई होप यू आर गेटिंग मी, और सेकंड से सेकंड वाला आपका कट जाएगा। तो आप इजिली इसको एक्सपेंड करेंगे, ये देखो ये 10^4 आ जाएगा, तो 10^4 × 10^3 10^7x, ठीक है। बाकी वैसे ऐसी बात है बच्चों, किसी को अगर वैसे करना है तो देखो आप देखो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना, तो फोर्स क्या होती है आपकी न्यूटन इंटू मीटर, तो ये हो गया हमारा 1 जूल, ये हो गया आपका 1 जूल। अभी देखो आपने कर ही लिया, देखो अब न्यूटन किसके बराबर है जल्दी बताओ, न्यूटन किसके बराबर है 10^5 dyne है ना, न्यूटन किसके बराबर है अभी सॉल्व किया 10^5 dyne, और मीटर किसके बराबर है 100 cm/100 cm। अब आप एक बात बताओ, ये आ गया 10^7 dyne into सेंटीमीटर
है ना, न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं, डाइन सेंटीमीटर को हम अर्ग बोलते हैं, उसे हम अर्ग बोलते हैं। तो 1 joule is 10^7 अर्ग। अब नॉर्मल वे से भी कन्वर्ट करेंगे तब भी हो जाएगा, बस ये डायमेंशंस के साथ आपको थोड़ा सा ये एक प्रॉपर मेथड है, N1U1 = N2U2 से भी आप अपना वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब चैट बॉक्स पे लिख दो, चक दे फटे, जय माता दी, एंड दिस इज अ गुड प्रॉब्लम एंड दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। कॉमेंट सेक्शन में मुझे आप इसका आंसर दोगे, कमेंट सेक्शन में मेरे टमाटर मुझे इसका आंसर देंगे, चैट बॉक्स में लिख दें जय माता दी, जल्दी जल्दी। यस सर, हाँ, और लाइक करो, अभी तक तुम बच्चों ने लाइक नहीं किया, बिल्कुल टमाटरों ये गलत बात है, काइंडली लाइक दिस वीडियो, आपको बोल भी रहे हैं गौतम सर, है ना, हाँ ठीक है, बल्ले बल्ले, मजा आ रहा है। और मैं इसे ब्लॉक कर लेता हूँ कैमरे में ताकि तुम्हें कोई आंसर वांसर नजर ना आ जाए, तुम बड़े चलाक लोग हो, है ना, ये देखो मैं फटाफट टपा दूंगा और फटाफट, हाँ वो आपका होमवर्क है, वो आपका होमवर्क है, जय माता दी, जय माता दी, ठीक है। हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे उसका आंसर दीजिएगा। चलो अच्छा, अब बच्चों बड़ी सीधी सी बात है, सेकंड प्रॉपर्टी जो हमें डायमेंशंस की हमारे दिमाग में बच्चों रखनी है वो ये प्रॉपर्टी है दैट फॉर एन इक्वेशन टू बी वैलिड इट मस्ट बी डायमेंशनली वैलिड। किसी इक्वेशन को वैलिड होने के लिए उसका डायमेंशनली वैलिड होना बेटा बहुत अनिवार्य है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट साइड और लेफ्ट साइड की डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए। जैसे मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूं, जैसे अगर मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर आपके सामने लिखता हूं, है ना, तो मुझे बताओ यहां पे भी क्या डायमेंशंस है, L1T-1 वेलोसिटी की, यहां पे u की क्या डायमेंशन है, u इज ऑल्सो वेलोसिटी, L1T-1, है ना, तो LHS RHS की डायमेंशन सेम है। और आप इसकी बताओ बेटा ए टी ए किसके बराबर है, L1T-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इनटू टाइम दैट इज t1, तो आप अगर इसको थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करो ये भी L1T-1 बन जाएगा, है ना, तो आप समझ रहे हो ये भी मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड है, तो तभी वो इक्वेशन आपकी करेक्ट होगी। यस सर, यस सर। तो आप देखो ये फिगर कितनी अच्छी है, ये देखो ये आदमी ने, ये एनिमेशन मुझे बड़ी अच्छी मिली कि देखो आदमी राइट साइड और लेफ्ट साइड से बिल्कुल इक्वेलिटी के साथ एक स्केच बना रहा है बेटा, ये जो भी है मुझे नहीं पता ये कौन है वैसे, पर ये जिसने भी बनाया है जहां से भी ये एनिमेशन उठा है उसके लिए तालियां बजा दो बच्चों, देखो क्या आर्ट है, ठीक है। तो RHS और LHS बात छोटी सी है, ठीक है, यस सर, यस सर, है ना। कोई बच्चा यहाँ पे पार्थ पूछ रहा है सर बड़ा, यू आर फ्रॉम बिग सिटी स्मॉल सिटी, किसी बच्चे से पूछ रहा है, तो मैं टमाटर हूं आपको एक बात बता दूं, जो मेरी स्टूडेंट थी एलिजा बंसल जिसका एम्स में रैंक 1 आया था, वो लहरा गागा से आई थी विच वॉज अ वेरी स्मॉल टाउन, और जब वो पहली बार मेरे लेक्चर में आई थी, पूरा 2 साल बच्चा अपने से पढ़ा है वो, और जब वो पहली बार मेरे लेक्चर में आई थी उसे NTSC के बारे में भी नहीं पता था। तो आप इस बात को सोचो, एक बच्चा 10th से जिसे NTSC के बारे में भी नहीं पता, वो अगर पढ़ के इंडिया में रैंक 1 लेके आ सकता है, तो बेटा टमाटर हो तुम तो बहुत आगे हो, ठीक है, तुम तो बहुत आगे हो। तो ये छोटा शहर बड़ा शहर कुछ नहीं होता मेरे भाई, ठीक है ना, जो होता है वो सिर्फ जज्बा होता है, वो आपकी नीयत होती है, वो आपकी ताकत होती है कि आपने किस चीज को किस शिद्दत से चाहा है, ठीक है जी, ठीक है। तो चलो टमाटर हो, फालतू के क्वेश्चन पूछते रहते हैं चलो बच्चों आ जाओ, ठीक है। और यार ये फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे शहर से बच्चे आए हैं जिन्होंने मतलब कंट्री में सबसे ज्यादा फोड़ा है, और उनको 10th में भी कोई ज्ञान नहीं था कंपटीशन के बारे में। और मैं ये बात बच्चों को बोलना चाहता हूं, इस बात को याद रखिएगा मेरे बच्चों कि 10th के हीरो जीरो बन जाते हैं और 10th के जीरो हीरो बन जाते हैं 11th 12th की पढ़ाई में। ये बिल्कुल फ्रेश मैराथन है, आपने 10th में अब तक क्या किया मैटर ही नहीं करता, आप अब से अगर जुट जाओगे ना हमारे साथ बच्चों और आगे क्या करोगे वो डिसाइड करेगा आपका कैरियर, पीछे जो किया वो सब छोड़ा है, वो सब छोड़ा है। यस सर, यस सर, हाँ। तो चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा बच्चे कह रहे हैं मोहित सर भी ये एग्जांपल लेते हैं, चलो अच्छी बात है यार फिर तो, है ना। अच्छा बच्चों आपने ये फॉर्मूला चेक करना है, एक फोर्स का फॉर्मूला है mv2/r, आपने चेक करना है क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो बच्चों बहुत सीधी सी बात है, फोर्स का डायमेंशन आपको पता है कितना होता है, है ना, अगर मैं ये RHS है ये LHS है, तो अगर मैं LHS में डायमेंशन ले लूं तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन सबको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m1 l1t-2, है ना, m1 l1 into t-2। और अगर मैं RHS में ले लूं, है ना, राइट हैंड साइड में अगर मैं डायमेंशन निकालूं तो बेटा राइट हैंड साइड में मास का डायमेंशन आ जाएगा m1, सुनते जाओ, मास का डायमेंशन आ जाएगा m1, और आपका वेलोसिटी जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, तो l1t-1 l1t-1
और इसका स्क्वेयर कर दीजिए, है ना, अपॉन आर, आर इज लेंथ दैट इज एल वन, आर इज लेंथ दैट इज एल वन, तो मेरे टमाटरों ये आ गया एम वन, यहाँ आ जाएगा एल स्क्वेयर, एल स्क्वेयर नीचे एल वन है तो एक एल वन बच जाएगा और टी की पावर माइनस टू आ जाएगी, टी की पावर माइनस टू आ जाएगी। तो बच्चों आर एच एस और एल एच एस दोनों इक्वल हैं, मतलब फॉर्मूला डाइमेंशनली करेक्ट है, फॉर्मूला डाइमेंशनली करेक्ट है, ठीक है बच्चों। यस सर, यस सर। और आप में से बहुत बच्चे जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में बोहर मॉडल पढ़ चुके हैं, उनको ये बात पता होगी कि फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर, बताओ किस में यूज होती है ये फोर्स, फिजिक्स के किस मोशन में यूज होती है ये फोर्स, है ना। तरुण बेटा बिल्कुल हेल्पफुल वीडियोस हैं, जरूर देख, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बताओ किस में यूज होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एग्जैक्टली। तो सर्कुलर मोशन में मैं आपको ये ड्राइव भी करवाऊंगा आगे जाके, डोंट वरी अबाउट दैट। तो बोहर मॉडल ने भी आपने इसको यूज किया हुआ, तो हमने इस चीज को डायमेंशनली करेक्ट प्रूव यहां किया है, आगे जाके इसको पढ़ेंगे भी। अच्छा अब बेटा आपके सामने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/4 mv², क्या है 1/4 mv². तो बच्चों मुझे पहले चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो सही है, वो अंदर की आवाज है, सुनो उसको, क्या ये फॉर्मूला सही है। ओके, आंसर आपने दे दिया नो। क्या ये फॉर्मूला डाइमेंशनली सही है, क्या ये फॉर्मूला डाइमेंशनली सही है, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। यस यस, अब समझ गए बात को। तो ये डाइमेंशंस की लिमिटेशंस है कि कांस्टेंट को जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कांस्टेंट की तो डाइमेंशंस होती नहीं। तो बच्चों बिल्कुल आप सही हैं, मुझे लगता भी नहीं है मुझे प्रूव करने की जरूरत है। द फॉर्मूला इज वैसे इनकरेक्ट, मैं लिख देता हूं, द फॉर्मूला इज इनकरेक्ट बट, ये बड़ी अच्छी लाइन है, बट डाइमेंशनली करेक्ट, है ना, डायमेंशनली फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि अगर आप यहां से काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकालोगे LHS की, तो एनर्जी की डायमेंशन हम अभी निकाल चुके हैं, वो होती है M1 L2 T-2। सोच के देखो एनर्जी क्या होती है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स में होता है L1 T-2, डिस्प्लेसमेंट L2, एक L2 एक और आ जाएगा, है ना। अच्छा अगर मैं RHS की डायमेंशन निकालूं, तो RHS की डायमेंशन क्या निकल के आएंगी, मास की डायमेंशन और वेलोसिटी क्या है, L1 T-1 का स्क्वायर। तो अगर आप देखो यह आ जाएगा M1 L² T-2, तो मतलब ये डायमेंशंस और ये डायमेंशंस इक्वल हैं, लेकिन फॉर्मूला इनकरेक्ट है। सो दिस इज द लिमिटेशंस मेरे टमाटरों, है ना, ये याद रखिएगा, ये लिमिटेशन होती है। इफ एन इक्वेशन इज, यहां से मैंने नोट्स में भी यह बात आपके डाल दी है, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इट इज माइट और माइट नॉट बी फिजिकली करेक्ट। हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कोई चीज अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो सही हो भी सकती है फिजिकली, या फिजिकली गलत भी हो सकती है ना, आप पीछे देख सकते थे वो गलत था। लेकिन अगर आपकी डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो पक्की बात है गलत है, फिर तो बेटा काम ही खत्म हो गया। बट इफ द इक्वेशन इज नॉट इवन डायमेंशनली करेक्ट, देन इट कैन नॉट बी फिजिकली, फिर तो बेटा सवाल ही नहीं आता। और आप अपने बच्चों सीनियर से पूछना, आपके सीनियर्स का इतना बड़ा जुगाड़ होता है ना ये पेपर के अंदर, कि वो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हैं, जिन ऑप्शंस, मान लो आपसे पूछा गया फाइंड फोर्स, ऑप्शंस आपकी 3-4 दी हुई हैं, तो अगर दो ऑप्शंस ही ऐसी हैं जिसके अंदर आपका फोर्स का डायमेंशन ही क्रिएट नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली आप अपना आंसर बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके टिक कर सकते हैं, है ना। चैट बॉक्स में लिख दें जय माता दी, है ना। यस सर, हाँ साइंस पूछ रहे सर, देन व्हाई वी स्टडी दिस, बेटा क्योंकि हम पागल हैं। अब ये थोड़ी कोई कारण होता है हम क्यों, बेटा ये तो आपको बता रहे हैं, साइंस इवॉल्व हो रही है, ये सबसे बेसिक चैप्टर है फिजिक्स का, है ना। ये तो इतिहास के पन्ने बता रहे हैं कि धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके चीजें सीखी गई, है ना। चलो ओके, परफेक्ट, चक दे पट्टे, ठीक है बच्चों। चलो ऑसम, आप सबकी एनर्जी देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, और टमाटरों इसी के साथ इसी एनर्जी में 4 चांद और लगाते हैं। जैसे आपके सामने ये गिवन है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बाय अ बॉडी इज एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, आपसे पूछा गया है डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी। तो बच्चों मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना, हमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल यूज करना है। अगर डायमेंशन जो एक्स की है, एक्स की डायमेंशन क्या है एल वन,
वही डायमेंशन हमारी ए की होंगी, तो ए की डायमेंशन तो आई गई आपके सामने, है ना, होमोजेनिटी है। तो अगर ये लेंथ है तो लेंथ में लेंथ ही ऐड होगी, इनफैक्ट ये भी लेंथ होगी, इनफैक्ट ये भी लेंथ होगी, समझ रहे हो ना, लेंथ में लेंथ ही ऐड होगी तभी आपकी डायमेंशंस बनेगी। इसी तरह बच्चों जो डायमेंशंस एक्स की होंगी विच इज एल वन, और वही डायमेंशंस हमारी बी टी की होंगी, तो बी इंटू टी, टी का जो डायमेंशन है वो होगा टी वन। तो मेरे ख्याल से अगर आप थोड़े से भी समझ रहे हो, है ना, बी टी को आप लिख सकते हो ऐसे, तो अगर आप उसको उधर ले जाओ तो जो बी की डायमेंशन आएगी वो निकल के आएगी एल वन इंटू टी माइनस वन। बी की डायमेंशन कितनी आएगी, एल वन इंटू टी माइनस वन, ठीक है। और मेरे टमाटर, इसी तरह अगर आप सी की डायमेंशन देखें, आपको डायमेंशन दिख गई होगी, इट इज एल वन इंटू, है ना, जल्दी बता दो चैट बॉक्स में लिख के बता दो सी और डी की डायमेंशन क्या होगी। मैं चलो तुमसे पूछ लेता हूँ, ओरली दिख रही है तुम्हें सी की कितनी होगी, अरे लिखी थी बच्चे ने, क्या बात है, साइंस रॉक्स, वाह मेरे बेटे वाह, शाबाश, आदेश ने भी लिख दी। तो आप सबने देख ही ली है कि जो सी की डायमेंशन होगी वो होगी लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, तो एल वन टी माइनस टू, और जो डी की डायमेंशन होगी, क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो गया आपका, वो होगा लेंथ अपॉन टाइम क्यू, तो अगेन एल वन इंटू टी की पावर माइनस थ्री। बेसिकली यूनिट्स ही है, यूनिट्स को थोड़ा सा हम एक प्रॉपर ऑफिशियल वे में लिख रहे हैं, तो इसलिए हम उसको डायमेंशंस कह रहे हैं। चलो परफेक्ट है बच्चों, मेक सेंस। अब ना ये एक इक्वेशन है, मैं आपको इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा ज्ञान यहां पे बच्चों जरूर देना चाहूंगा। ये इक्वेशन आप काफी डिटेल में आगे जाके केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में सीखोगे, ठीक है, बट आपने अभी लोड नहीं लेना, हम आपको बड़ी मुद्दे की बात यहां पर बताएंगे। इस इक्वेशन में पी प्रेशर है, इसको वांडरवॉल इक्वेशन बोलते हैं। ये इक्वेशन काफी फेमस इक्वेशन है, आपको इसके बारे में पता लग जाएगा, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, मेरे को थैंक यू कहना बनता है तुम लोगों का, चलो कोई बात नहीं। तो प्लस ए बाय वी स्क्वायर, पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर इंटू बच्चों वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, ठीक है। ये तुम्हारे सामने मेरे टमाटर में एक इक्वेशन है, ठीक है, पी यहां पर टेम्परेचर है, वी यहां पर वॉल्यूम है, वी इज द वॉल्यूम एंड पी इज द प्रेशर, पी इज द प्रेशर, ठीक है। तो बच्चों प्रेशर अगर आपको याद हो, डायमेंशन निकाल के रख लो, प्रेशर था हमारा फोर्स अपॉन एरिया, है ना, तो फोर्स की डायमेंशन क्या थी, एम वन एल वन टी माइनस टू, और एरिया जो था वो था हमारा एल टू। तो हमने ये पहले भी डायमेंशन निकाली थी, प्रेशर की डायमेंशन क्या निकल के आई थी, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। तो टमाटरों तुमसे पूछा गया है इस वांडरवाल इक्वेशन में, इस वांडरवाल इक्वेशन में ए और बी जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू दे दो, उनकी डायमेंशंस बता दीजिए, ठीक है, यस सर, ओके। तो मेरे टमाटरों इस बात का जवाब दीजिएगा, आपके सामने यहां पे ए अपॉन वॉल्यूम है, यहां पे आपके सामने ए अपॉन वॉल्यूम है, है ना, तो मुझे एक बात बताइएगा, मुझे एक बात बताइएगा, ठीक है, ये प्रेशर में आपने एक टर्म ऐड की है, है ना, प्रेशर में आपने एक टर्म ऐड की है, तो मुझे बताओ इस टर्म की डायमेंशंस भी क्या होंगी, प्रेशर में क्या ऐड होगा, प्रेशर, और वॉल्यूम में क्या ऐड होगा, वॉल्यूम, आई होप तुम्हें दिख ही गया होगा वॉल्यूम में, तो बी की डायमेंशन क्या होंगी, वॉल्यूम की डायमेंशंस के बराबर है ना, सीधी बात है, वॉल्यूम में वॉल्यूम माइनस हो रहा है, तो मतलब बी की डायमेंशन वॉल्यूम के बराबर ही होंगी, तो मेरे ख्याल से आपको दिख ही गया होगा बी की डायमेंशन तो वैसे ही दिख गई, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, एल क्यूब, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, एल क्यूब, तो बी की डायमेंशन तुम्हें दिख गई, यस सर, अच्छा सर, हाँ, और ये आपने मुझे जवाब दे दिया चैट बॉक्स में लिख के, प्रेशर में प्रेशर ही ऐड होगा, तो मतलब जो ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, अरे भाई एक मिनट, ये कीप कर लेते हैं बेटा, ये कुछ कांड हो गया है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये दोबारा बेटा फ्रॉम करंट स्लाइड पे जाते हैं, और ये बेटा स्वैप करना पड़ेगा, और एक सेकंड बेटा बस यहाँ से मुझे थोड़ा सा सेट करना पड़ता है दोबारा, ये मेरे टमाटरों सेट हो गया, ठीक है, हाँ जी, तो हाँ, तो बिल्कुल बच्चों आपने सही जवाब दे दिया, तो यहाँ पे मेरे टमाटरों को ये बात पता होनी चाहिए कि भैया प्रेशर की जो, कहाँ गया ये, है ना, प्रेशर की जो डायमेंशंस होती हैं, जो डायमेंशंस बच्चों मेरे प्रेशर की होती हैं, वो होती हैं ए अपॉन वॉल्यूम के स्क्वायर के बराबर, अपॉन वॉल्यूम के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो अब बच्चों आगे आप निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको आप उधर ले जाइए मेरे टमाटरों, है ना, यू गाइस कैन ईजिली सॉल्व इट, है ना, एंड वॉट यू विल गेट द डायमेंशंस ऑफ ए इज डायमेंशंस ऑफ प्रेशर विच इज एम वन एल वन टी माइनस टू, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम स्क्वायर, और वॉल्यूम का डायमेंशन होता है एल क्यूब, उसका स्क्वायर कर दो तो एल की पावर सिक्स आ जाएगा, एल की पावर सिक्स आ जाएगा, तो आई होप, है ना, सॉरी यहाँ पे एल की पावर माइनस वन है, एल की पावर माइनस वन है ना,
तो मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा भी समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा m1 l की पावर 5 t की पावर माइनस 2, m1 l की पावर 5 t की पावर माइनस 2। चैट बॉक्स में लिख दें, चक दे फटे जय माता दी। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे टमाटरों? यस सर। बच्चों आर यू गाइज एंजॉइंग इट? आर यू गाइज एंजॉइंग इट? यस और नो? यस और नो? इजंट इट अ ब्यूटीफुल सेशन? ठीक है ना? यस सर, बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये बस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं। अब मोटी मोटी बात बेटा सारी खत्म हो चुकी है, ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा बिफोर वी कंप्लीट डायमेंशंस, कि सिमिलर क्वांटिटीज की जो रेशियो होती है वो हमेशा डायमेंशनलेस होती है। यही कारण है सबसे बड़ा कि जो एंगल है थीटा, जिसको आप एल बाय आर बोलते हो, इसका यूनिट रेडियन है इसका यूनिट रेडियन है, लेकिन ये डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस है। ऐसे आप केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ते हो, रिलेटिव डेंसिटी, विच इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगेन रिलेटिव डेंसिटी जो है वो हमारी डायमेंशनलेस है, है ना? अच्छा, इसका यूनिट भी नहीं होता, इट हैज नो यूनिट्स, है ना? रिलेटिव डेंसिटी के यूनिट्स भी नहीं होते, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कोई चीज डायमेंशनलेस हो और उसके यूनिट्स एग्जिस्ट करें, और यह भी हो सकता है वो डायमेंशनलेस हो और उसके यूनिट्स एग्जिस्ट ना करें, ठीक है? यस सर, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बेटा बहुत लोगों से पूछा जाता है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने कई बार रिक्रूटमेंट में कई कई साल एक्सपीरियंस टीचर से भी ये बात पूछी है, वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एंगल की डायमेंशंस नहीं है लेकिन उसके यूनिट्स हैं, ठीक है? यस सर, ठीक है। तो गाइज याद रखना, आप लोग इसमें कभी गलती मत करना। दूसरा, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ फंक्शन इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, है ना? अब इसका मतलब क्या है कि साइन के अंदर हमेशा एंगल जाता है ना? साइन के अंदर जो एंगल है उस एंगल को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल, और एंगल क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। तो बच्चों बड़ी सीधी बात है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ थीटा? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ थीटा? थीटा हैज नो डायमेंशन, है ना? थीटा हैज नो डायमेंशन। ये बच्चों मेरे टमाटरों, इस बात को याद रखना। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए? व्हाट ए इज अ लेंथ, एक्स इज अ लेंथ, एक्स यहां पे लेंथ है ना? एक्स इज अ लेंथ, एक्स इज अ पोजीशन, पोजीशन मतलब दूरी, दूरी मींस लेंथ। तो ए की लेंथ क्या, ए की डायमेंशन क्या होगी? एल वन। ए की डायमेंशन क्या होगी? It's a length that is L1. So I hope it is clear to all of you, है ना? तो आपका आंसर क्या होगा? B Bombay, है ना? तो ये L1 आ गया और दूसरा जो है वो सारा जीरो हो गया, दूसरा जो है वो सारा जीरो हो गया, ठीक है? तो बहुत सिंपल है, ठीक है? ये वाला आपका सेम सही है, इसमें कुछ नया नहीं है, इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। यू गाइस कैन इजिली डू इट, यू कैन इजिली डू इट, है ना? इसके अंदर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं इसको थोड़ा ब्लॉक भी कर लेता हूँ, ये हाँ, कुछ भी इसके अंदर कुछ मेरे लिए नहीं सिखाने वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है? डन मेरे टमाटरों, डन डन सर, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं, बड़ा प्यारा सवाल है ये वाला। वैसे ये भी सेम सही क्वेश्चन है बेटा, है ना? हाँ, लेकिन इसको हम जल्दी कर सकते हैं। क्वेश्चन देखना जरा क्या है। कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस एक्स फ्रॉम अ फिक्स्ड ओरिजिन। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है, यू इज इक्वल टू ए इंटू रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी, है ना? तो बच्चों बड़ी सीधी सी बात है ना? आपसे क्या पूछा गया है? करेक्ट बच्चों, तो आपसे क्या पूछा गया है? डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। आपसे पूछा गया ए और बी की डायमेंशंस की रेशियो निकालनी है आपको, है ना? अब देखो बेटा, दो रास्ते हैं, बड़ी सीधी सी बात है। वैसे तो ओरल क्वेश्चन आपने कर ही लिया होगा। जो बी की डायमेंशन है वो किसके बराबर है? जो बी की डायमेंशन है वो किसके बराबर है? देखो बी क्या है? बी एक्स है, एक्स में ऐड हो रहा है। तो बी इज व्हाट? बी इज लेंथ, बी इज लेंथ, है ना? तो बी की डायमेंशन मिल जाएगी, है ना? आराम से मिल जाएगी सर। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं ए का डायमेंशन क्या है, तो ए का डायमेंशन भी निकाला जा सकता है। अरे सर, आराम से निकाला जा सकता है। ए का डायमेंशन क्या होगा, सोच के बताओ। ए का डायमेंशन क्या होगा अगर मैं तुमसे पूछूं? डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। ए का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। और ऊपर क्या है? रूट एक्स, और नीचे क्या है? एक्स। ध्यान से सोचो, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी है ना, ऊपर है रूट एक्स, नीचे क्या है? ये एक्स ही है, ये एक्स ही है। तो नेट डायमेंशन जो बनेगी वो क्या बनेगी? एक्स रेस टू पावर हाफ, मतलब एल की पावर हाफ। तो ये इधर आ जाएगा, समझ रहे हो? ये इधर आ जाएगा। यहां आप इसको ऐसे ले जाओ, उधर ले जाओ, तो एल आ गया। फिर रूट एक्स को नीचे ले आओ, वो आपका एल की पावर हाफ आ गया। तो मेरे ख्याल से बच्चों, आप अगर थोड़े से भी समझदार हैं, आपको यहाँ पे ये दिख गया होगा। तो डायमेंशन ऑफ ए जो है आप निकाल लोगे आगे यार, है ना? M1 एनर्जी की डायमेंशन होती है L2 T माइनस 2, ये याद रखो, है ना? M1 L2 T माइनस 2 इंटू एल की पावर हाफ, इंटू एल की पावर हाफ, है ना? और B की जो डायमेंशन है मेरे टमाटरों, B किसके बराबर है? वो है L1, उससे अगर आप डिवाइड कर दो तो देखो ये L की पावर 1 आ जाएगा। तो टोटल बन जाएगा M1 L की पावर 1 और L की पावर हाफ, तो L की पावर 3/2 और T माइनस 2, है ना?
3/2 3 - 2 यस सर चक दे फटे लिख दीजिए चैट बॉक्स में, जय माता दी, है ना। वी हैव डन इट, वी हैव ट्रूली कंप्लीटली एंड थरली डन इट। ठीक है, ओके बच्चों, अब सीधी बात है, अगला क्वेश्चन है हाफ एम वी स्क्वेयर इक्वल टू एम जी एच, क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है? चैट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए बच्चों, तुम लोगों से बताओ क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। टमाटरों जल्दी बताओ, जय माता दी। ओरल बस क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है मेरे टमाटरों। एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी एनर्जी है, वो भी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, किनेटिक एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू एनर्जी, डायमेंशनली करेक्ट है, नो इश्यूज। अच्छा जी, अब बेटा बात आती है डायमेंशंस का आखिरी पड़ाव। यस, ठीक है, डायमेंशंस का लास्ट पड़ाव है जिसमें हमारा डायमेंशंस आज कंप्लीट हो जाएगा। और आखिरी पड़ाव यह है कि हम कुछ रिलेशंस को डिराइव करते हैं, ठीक है ना, कुछ रिलेशंस को डिराइव करते हैं। ये सब इंग्लिश को छोड़ देते हैं, ठीक है, तुम आराम से बाद में पढ़ना नोट्स में से, मैं तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन एक बताता हूं। एक फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना, द टाइम पीरियड, क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ इट इज, फाइंड द टाइम पीरियड को निकालो इफ इट इज नोन दैट दैट टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन लेंथ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप अगर बेटा पेंडुलम को जानते हैं तो ये पेंडुलम हम ऑफिशियली बेटा हमारे फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में सर्दियों के महीने में आपको ये पढ़ाएंगे इस साल कि पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है तो उसका कुछ बेटा टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड का मतलब जाना एक्सट्रीम से फिर वापस आना और फिर दोबारा उस, ये होता है एक साइकिल, मतलब जहां से चले वहां पर गए एक्सट्रीम पे, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे, फिर वापस वहीं पे आ गए, इट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। इसको होने में जो वक्त लगता है उसको हम वक्त को टाइम पीरियड कहते हैं, जिसकी वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं। तो वो आपको ये कह रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वो आपको ये कहना चाह रहा है कि ये जो सर टाइम पीरियड है ये कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि यह डिपेंड करता है लेंथ पे, लेकिन क्या लेंथ की पावर है यह हमें नहीं पता, है ना, लेंथ पे डिपेंड करता है लेकिन लेंथ के स्क्वायर पे, लेंथ के क्यूब पे अपने को नहीं पता। ये डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉब पे, ये जो बॉब का मास है ये कहता है उस पे डिपेंड करता है, तो डेफिनेटली एम की पावर बी कर देते हैं, मास की पावर बी पे डिपेंड करता है। और इसी के साथ बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जो जी है उसकी पावर सी पे डिपेंड करता है, उसकी पावर सी पे डिपेंड करता है, है ना। तो हमने मान लिया कि जो टाइम है वो एल की पावर ए, एम की पावर बी, जी की पावर सी, मतलब अगर मैं टाइम, अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटा दूं तो एक कांस्टेंट आएगा। और मेरे को लगता है ये बात सबको पता है, हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशंस ये रहेंगी कि हम कांस्टेंट को डायमेंशन से जज कभी भी नहीं कर सकते, हमने पहले भी इस चीज को देख लिया। तो बेटा अब आपने डायमेंशन से इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है, तो मैं काम करता हूं, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं। तो टाइम पीरियड जो है मैं यहां लिख देता हूं के इंटू एल की पावर ए, एम की पावर बी, और ग्रेविटी जो है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी की पावर सी। अब सुनते जाना बच्चों, अब अगर मैं डायमेंशंस को इक्वल करूं तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होगी टी वन, के की तो डायमेंशन होती नहीं, लेंथ की डायमेंशन क्या होगी एल वन की पावर ए, मास की डायमेंशन क्या होगी एम वन की पावर बी, और बेटा जी क्या है, वॉट इज जी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो जी की डायमेंशन क्या है, जी इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है मेरे टमाटरों, एल वन टी माइनस टू रेस टू पावर सी, एल वन टी माइनस टू रेस टू पावर सी। यस सर, नो सर, यहां तक समझ में आ रहा है मेरे टमाटरों, जल्दी बताओ आ रहा है मेरे गुल्लू मुल्लुओं, बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है ना, सबको दिख रहा है, अरे सर आराम से दिख रहा है। तो मेरे प्यारे टमाटरों आप अगर यहां पे अब थोड़ा सा देखो क्लब करो, ये m की पावर b बन गया, m की पावर b बन गया, l की पावर a आ गया और इधर से c आ गया, तो a प्लस c आ गया और टाइम की पावर माइनस टू सी आ गया, टाइम की पावर माइनस टू सी आ गया, और इधर मेरे भाई टाइम की पावर वन आ गया, इधर मेरे भाई टाइम की पावर वन आ गया। तो बच्चों अब मेरी इस बात को आप समझ के बताएं, आप सब बड़े समझदार मेरे टमाटर हैं, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, हाँ जी, तो यहां पे बताओ एम, ये टी की पावर वन को क्या लिख सकते हो, ये टी की पावर वन को थोड़ा और अगर हम ग्लैमरस दे दें तो टी की पावर वन को हम क्या लिख सकते हैं, मास की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, है ना, है ना, टी की पावर वन। तो आप यहां से कंपेयर करो तो बी किसके बराबर आ रहा है, बी किसके बराबर आ रहा है जीरो, मास की पावर क्या आनी चाहिए जीरो, तो बी हो गया खत्म, बी हो गया खत्म। लेंथ की पावर क्या है a प्लस सी, तो a प्लस सी बराबर आ रहा है जीरो, a प्लस सी बराबर आ रहा है जीरो, सेकंड इक्वेशन ये आ जाएगी,
बेसिकली ए बी सी तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन तीनों सॉल्व होगी और माइनस टू सी किसके बराबर है, माइनस टू सी है वन के बराबर, तो सी की वैल्यू माइनस वन बाय टू, सी की वैल्यू माइनस वन बाय टू। जय माता दी बच्चों, समझ में आ रहा है। और अगर सी माइनस वन बाय टू आ गया, आप अगर सॉल्व करो ए माइनस सी है तो ए की वैल्यू हाफ आ जाएगी, तो मतलब अगर मैं टाइम पीरियड का बेटा फॉर्मूला निकालूं तो टाइम पीरियड, अब आप सोच के बताओ है ना, के को छोड़ दो, के तो हमें पता ही नहीं क्या होता है ना, तो के को के लिख देते हैं, है ना। मास जो है, मास की पावर होगी जीरो, बी हमारा जीरो हो गया, बी गायब हो गया। लेंथ की पावर क्या है, लेंथ की पावर ए है, तो एल की पावर हाफ आ गया और जी की पावर माइनस हाफ आ गया, जी की पावर माइनस हाफ, सी जो है वो मेरा माइनस हाफ है, ठीक है। और मेरे टमाटरों, ये टाइम पीरियड निकल के आया है के अंडर रूट एल बाई जी, ये निकल के आया है के अंडर रूट एल बाई जी। और बच्चों अगर मैं आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला बताऊं टाइम पीरियड का, जो हम खुद आगे जाके डिराइव करेंगे, तो 2 पाई रूट एल बाई जी, है ना। ये मास पे डिपेंड नहीं करता, यस सर। और टमाटरों समझ में आ रहा है तो गुलाबी दिल दे दो यार, अगर समझ में आ रहा है, खत्म हो गया, डायमेंशंस भी खत्म हो गया, है ना, डायमेंशंस भी हमने पेल दिया, यस सर। जय माता दी, सुपर ऑसम है, प्यारा सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है, यस सर, चक दे फटे, ठीक है, सब होगा मेरे भाई, सब होगा। बीच में लेमनेड कोई पूछ रहा है सर ये कब होगा, मेरे भाई मैं खड़ा हूं ना, सब कराऊंगा तुझे, चिंता ना कर। तू कंटेंट खोल के देख ले, इतना कंटेंट तुझे दुनिया में कहीं दिख जाए ना तो मुझे बता दियो यूट्यूब पे। चलो ठीक है, तो बच्चों देखो हम इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं डायमेंशन से, लेकिन इसमें लिमिटेशन ये है कि हम कॉन्स्टेंट्स को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने ड्राइव कर दिया, अब आप अपने घर पे, है ना, कीप गोइंग, चलते रहें, है ना, लेकिन आप अपने घर पे बेटा ट्राई करते रहना, ठीक है। अब ये वाला एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ड्राइव करके बताना है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ड्राइव करके बताओगे। और मैं अभी आपको इसको मैं ब्लॉक कर लेता हूं, ठीक है, ये ब्लॉक हो गया, है ना, हो गया सर, मैं भी बहुत तेज हूं, है ना, यस सर, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपने सुना होगा सर्कल में, जो हमने फॉर्मूला यूज किया था एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, तो बेटा हमें इस फॉर्मूले को अगर मान लो डिराइव करना है, है ना, अगर हमें इस फॉर्मूले को डिराइव करना है कि आपको दिया गया है एक सेंट्रीपिटल फोर्स है एक पार्टिकल पे जो सर्कल में घूम रहा है, उसके मास पे डिपेंड करती है ना, कोई भी पार्टिकल जब सर्कल में घूमता है, है ना, इसको बेटा हम ऑफिशियली ड्राइव भी करेंगे, हम डायमेंशन से आपको सिखा रहे हैं। अगर वो सर्कल में घूमता है तो एक फोर्स होती है जो सेंटर की तरफ लग रही होती है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, तो उस फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, ये हमें पता है। लेकिन अगर हम इसे डिराइव करना है तो हम इसे कैसे करेंगे, ये फोर्स प्रोपोर्शनल है मास की पावर ए से, वेलोसिटी की पावर बी से, और रेडियस ऑफ सर्कल की जो पावर है उसको सी कर देते हैं, उसकी पावर सी कर देते हैं, मतलब फोर्स किसके बराबर होगी, है ना, यही है ना, देखो मास वेलोसिटी और रेडियस, तो के इंटू, ये आपके पास कॉन्स्टेंट है, सॉरी आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा एम की पावर ए, वी की पावर बी, आर की पावर सी, ये फोर्स जो है बच्चों मेरे टमाटरों इसके बराबर आ जाएगी, यस सर आ जाएगी सर बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको डायमेंशन इक्वल करके फोर्स की डायमेंशन के बराबर करनी है, सॉल्व करना है, आपको आंसर निकल आएगा, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फोर्स जो थी, कर ही लेते हैं अपन एक बार, है ना, चलो मैं निकाल देता हूँ, एम की पावर ए, तो मतलब मास की पावर वन आ गया, वेलोसिटी क्या है एल वन टी माइनस वन, मीटर पर सेकंड की पावर बी, है ना, मीटर पर सेकंड की पावर बी, वेलोसिटी की पावर बी, और रेडियस जो है वो एल वन है, एल वन की पावर सी। तो बच्चों अगर आप फोर्स का डायमेंशन देखेंगे क्या आएगा, एम वन एल वन टी माइनस टू, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और आप यहां पे अगर बेटा देखें तो ये आ जाएगा पावर ए, तो मास की पावर ए है, एल की पावर बी प्लस सी है, आपको यहां दिख रहा होगा, है ना, और टी की पावर माइनस बी है, टी की पावर जो है वो माइनस बी है, ठीक है। तो मेरे तमातलों, मेरे गुल्लू मुल्लू बच्चों, तो देखो यहां पे ए की वैल्यू आ गई वन, ए इज इक्वल टू वन, बी प्लस सी जो है वो वन के बराबर है, यहां से आप देख सकते हैं बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो वन के बराबर है, और मेरे टमाटरों माइनस बी जो है वो माइनस टू के बराबर है, तो मतलब जो b है वो 2 है, जो b है वो 2 है, और b की वैल्यू यहां डाल दो, 2 प्लस c इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। तो बच्चों आपके सामने सारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, तो फोर्स इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ मास की पावर a, और a कितना निकला 1, वेलोसिटी की पावर b, वेलोसिटी कितना निकला 2, और रेडियस की पावर c, रेडियस की पावर कितनी निकली माइनस 1, तो फोर्स इज इक्वल टू k mv square by r, ये mv square by r।
पर ये हमें पता है के की वैल्यू यहां पे 1 ही होती है, रियलिटी में भी के 1 होता है, ठीक है, बट वो डायमेंशंस की लिमिटेशंस है कि हम उसको डायमेंशन से नहीं बता सकते। बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में गुलाबी दिल, जय माता दी, चकदे फटे लिख दिए जाए, ठीक है। यस सर, मजा आ गया, मजा आ रहा है ना। और डायमेंशंस हमारा खत्म हो गया, अब कुछ लिमिटेशंस जो हमने बेटा फील की हैं आप उसको देख सकते हो। डायमेंशंस की लिमिटेशंस बहुत ऑफिशियली देख रहे हैं, अनऑफिशियली हम देख चुके हैं, है ना। जय माता दी, चकदे फटे। तो सबसे बड़ी बात है, इट कैन नॉट डिटरमाइंड बाय डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जिस चीज की डायमेंशन ही नहीं है उसको आप इस फॉर्मूले से क्या ही निकालोगे, है ना। पहली चीज तो यही होगी। दूसरा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं निकाला जा सकता, वो भी हमने देख लिया। हाफ एम वी स्क्वायर भी सही है, 1/4 MV² भी सही है, ठीक है टमाटरों। और डेफिनेटली है ना, हाँ डेफिनेटली अब ये कह रहा है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अगर कोई ऐसा फॉर्मूला है इसको हम डिराइव नहीं कर सकते, क्यों? वो ये कह रहा है कि अगर आपकी दो चीजें ऐड हो रही हैं, और डेफिनेटली दोनों का डायमेंशन सेम है, लेकिन LHS RHS की डायमेंशन जब आप इक्वल करोगे तो आप ये एडिशन वाली टर्म्स नहीं जज कर सकते। तो यहाँ पे ये लिखा है कि इफ वन साइड ऑफ इक्वेशन कंटेन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वी कैन नॉट यूज दिस मेथड टू डिराइव दैट एक्सप्रेशन। तो उस एक्सप्रेशन को, जैसे ut + half at square को, हम डायमेंशन से डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। ये कुछ हमारी छोटी मोटी टमाटरों वो है। तो बच्चों इसी के साथ चैट बॉक्स में जय माता दी कर दें, यलगार कर दें, डायमेंशंस खत्म। मजा आया आप लोगों को, ठीक है, मजा आया। अब अगला हमारा है सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि बहुत सिंपल है, इंफॉर्मेटिव है, वो तो हंसते खेलते वैसे ही खत्म हो जाएगा। उसमें हमें तुम्हें सिर्फ देखना है, करना कुछ नहीं है, है ना। मजा आया तुम लोगों को, जल्दी बताओ, है ना, नगाड़े बजा दो, नगाड़े एकदम है ना, यलगार हो, ठीक है। कोई कह रहा है मैंने प्लस गलत लिखा है, क्या गलत लिखा है? अरे देख लियो यार, कोई बात नहीं, छोटा मोटा मिस्टेक हो भी जाता है, कोई इशू वाली बात नहीं है, चलता है सब। कहाँ गलत लिखा है मैंने, प्लस कहीं गलत लिखे क्या? चलो देख लेना यार, मतलब कुछ अगर होगा भी तो चेक कर लेंगे, आंसर तो सही निकला है, कोई टेंशन नहीं है, है ना। चलो कोई नहीं, अपन चलते हैं, अभी आगे चलते हैं, अपन अपना काम निपटाते हैं। हो सकता है कभी कभी कोई गलती हो जाती है, बट कोई टेंशन नहीं, मतलब फीलिंग समझ लिया करो, है ना। हाँ, बाकी मुझे पता नहीं सही है कि गलत है। जय माता दी। चलो बच्चों अब आता है हमारा लास्ट मुद्दा आज का, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को बेटा आप शुरू करते हैं, आधे घंटे का काम है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का तात्पर्य क्या है, जरा समझना बेटा। अब मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहली चीज, आपने स्क्रीन पे कहीं नहीं देखना, जहां जहां मैं बोलूंगा वहां वहां पर आपने देखना है, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। खुद मत कहीं देखने लग पड़ना, ये भी देख लो वो भी देख लो, जहां जहां बोलता जाऊंगा देखते रहना। बच्चों अगर आप थोड़ा सा भी इस चीज को ध्यान से देखें, ये एक ना कैपिटल, बच्चों लैग आ रहा है गौतम जी, इज देयर इज एनी लैग, जल्दी बताओ, टमाटलो लैग आ रहा है, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ तुम, आतलो मेरे ख्याल से अब ठीक है शायद, है ना, अब ठीक है, अब सही है ना, ओके है ना। हाँ मैं रुक गया, ठीक है, मैं भी रुक गया, ठीक है, ओके, नाउ इट्स फाइन ना, अगर फाइन है तो दिल दे दो। अगेन लैग, ओके, रिकनेक्शन सक्सेसफुल दिखा रहा है, अब सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर अब लैग आया तो आई विल चेंज द कनेक्शन, आई हैव मल्टीपल कनेक्शंस इन माय स्टूडियो, डोंट वरी, अब आई गेस चल रहा है ये, तो अब अगर लैग आया तो मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है ना, अब दिख रहा हूँ, नाउ ऑल फाइन। अरे क्या बात है, तमातल आगे, अब सुनना, ठीक है। हाँ बच्चों, तो एक टर्म होती है हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। अब जैसे मतलब ये एक छोटा सा मैंने एक एग्जांपल लिया है कि वाटर उसके अंदर राइज करता है, और जो वाटर का सरफेस होता है ना वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, डिटेल में आपको सब बाद में बताएंगे। तो आप देख सकते हो कि हम अगर उस ट्यूब के अंदर एक रीडिंग को मेजर करें तो ये जो वाटर का मेनिस्कस है, देखो अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये एक्चुअली किसी दो रीडिंग्स के बीच में आ रहा है, एक ये रीडिंग है और एक ये रीडिंग है ना। ये रीडिंग जो है ये फिफ्थ पॉइंट वाली रीडिंग है, ये रीडिंग जो है ये सिक्स्थ पॉइंट वाली रीडिंग है। तो आप इस बात को आप समझो, 5 और 6 के बीच में मेनिस्कस कहीं गिर रहा है। यहां पे अगर आप थोड़ा सा इस एनिमेशन को ध्यान से देखेंगे, ये 4 के बाद ये है फिफ्थ वाला बड़ा डंडी और ये है सिक्स्थ वाला डंडी। तो 4 में 5 और 6 के बीच में एक वैल्यू गिर रही है,
तो मतलब आप अपना आंसर क्या दोगे, हमारी जो भी रीडिंग होगी वो 4.5 से 4.6 के बीच में होगी, हमारी जो रीडिंग होगी वो 4.5 से 4.6 के बीच में होगी। तो इसमें बच्चों ये जो हमारा, अब कोई आंसर दे देता है 4.57 है ना, कोई आंसर दे देता है 4.57, अब डेफिनेटली ये जो आखिरी वाला जो डिजिट है ये आपका करेक्ट नहीं है, ये हमने जज किया है, इसके अंदर एरर है। क्या है? एरर है। तो ये हमने इसको, मतलब समझ रहे हो, तो हमें कई बार इसको ड्रॉप करना है, कई बार हमें इसको ट्रंकेट करना पड़ता है, हमें वो हटाना पड़ता है, लास्ट वाली क्या है। तो हमें हमारे इक्वेशंस में कुछ एक मिनिमम टर्म्स चाहिए जिनको हम सिग्निफिकेंट टर्म्स बोलते हैं, तो उसको अब हम स्टडी करने वाले हैं, है ना। तो अगला लेक्चर भी जो होगा ना बेटा वो इसी से लिंक्ड ही होगा, जिसके अंदर हम एरर्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का अगर मैं आपको एक डेफिनेशन दे दूं, ऑफिशियल डेफिनेशन, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज डिजिट्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी विच आर नोन रिलायबली प्लस वन एडिशनल डिजिट दैट इज अनसर्टेन, है ना। तो आपका जब सिग्निफिकेंट डिजिट हम जब डेफिनेशन देते हैं तो ये वो एक क्वांटिटी की वैल्यू है। जैसे अब यहां पे आप देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, है ना। आप देख सकते हो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर 2 डिजिट्स का तो मुझे पता है, आखिरी वाला जो है वो अनरिलायबल है। तो देर आर फ्यू रिलायबल डिजिट्स, देर इज फ्यू अनरिलायबल डिजिट्स, तो इस टर्म को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। अब क्या है चक्कर एक्चुअली में, मैं आपको कुछ इसके रूल्स बताता हूं, ठीक है ना। लोड नहीं लेना, है ना, ओके। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब कुछ इसके स्टैंडर्ड रूल्स हैं, मेरे रूल्स को बेटा ध्यान से सुनना। पहला रूल ध्यान से सुनना, सिग्निफिकेंट डिजिट हमें देना है, आपसे पूछा जाएगा कि एक कोई क्वांटिटी है, ठीक है। अभी स्क्रीन पे कहीं मत देखना, जब मैं बोलूंगा तब आपने देखना है, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, मजा नहीं आएगा टॉपिक में। आपके पास कोई एक रीडिंग है, आपको बताना है कि उस रीडिंग में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और डेफिनेटली जब हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालना सीख लेंगे तो हम उस रीडिंग के अंदर एरर जो है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे थर्सडे को। तो बच्चों देखो, एवरी नॉन जीरो डिजिट इज रिपोर्टेड इन अ रिपोर्टेड मेजरमेंट इज एज्यूम्ड टू बी सिग्निफिकेंट। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एवरी नॉन जीरो डिजिट, कोई भी डिजिट जो कि नॉन जीरो है उसे हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। जैसे बच्चों आपके सामने 247 मतलब 24.7, इसमें चाहे पॉइंट है चाहे पॉइंट नहीं है मैटर नहीं करता, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3, क्योंकि सब के सब नॉन जीरो हैं। 77.43 अगर आप ऑब्जर्व करें तो इट इज, जल्दी बताओ क्या विनय सर को देख पा रहे हो, ठीक है। अब बच्चों हमने नेट कनेक्शन चेंज कर लिया है, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमने नेट कनेक्शन चेंज कर लिया है, ठीक है, अब सही है, अब सही है। एम आई ऑडिबल विजिबल मेरे टमाटरों, बेटा बता दो, विनिशल पूछ लिए हैं, ओके, नाउ फाइन, यस सर, ऑल फाइन, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने कनेक्शन ही चेंज कर दिया, ठीक है। हाँ, अब सुनते जाओ, ठीक है। तो मतलब नॉन जीरो डिजिट्स जितने भी हैं किसी एक रीडिंग में सारे के सारे सिग्निफिकेंट कहलाते हैं, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, सुनते जाओ बस। अब सुनना रूल टू क्या है, जीरोस अपीयरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब ये क्या है, जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके बीच में जितने भी जीरोस आएंगे सारे सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। अब देखो जरा, 7, 3 और बीच में 3 जीरोस हैं, अगर 2 नॉन जीरो हैं उनके बीच में जितने भी जीरोस आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं बच्चों, तो इसके अंदर हमारे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, 7, 3 और 3 जीरोस, ऐसे ही बेटा। अच्छा, पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट है पॉइंट नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दीज आर दी रूल्स, सुनते जाओ, नोट्स में दोबारा लिख लेना अपनी कॉपीज में और इसको छाप लेना अपने घर में एक पोस्टर बना के, आपको याद रहेंगे, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है, ठीक है मेरे टमाटरों। अच्छा, 40.73 अगर मैं तुम्हारे सामने 40.73 बच्चों लिखूं तो डेफिनेटली ये 4 और 9 के बीच में जितने भी जीरोस आएंगे सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और इसी तरह बच्चों 1.503 अगर मैं आपके सामने लिखूं तो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। आई होप इट इज प्रीटी क्लियर कि जीरोस अगर नॉन जीरो के बीच में आते हैं तो दे आर दी सिग्निफिकेंट्स। बच्चों एम आई ऑडिबल विजिबल जल्दी बताओ, आ रहा है समझ में, अगर आ रहा है तो जय माता दी कर दो, चक दे पट्टे, गुलाबी दिल, बल्ले बल्ले, यस सर, क्लियर, क्लियर है सबको, ऑल क्लियर ना, ऑल क्लियर, ये यस यस सर, ठीक है, आना सिग्नल सही है ना, हाँ सही है सर, ठीक है, ओके। ये पहला रूल था हमारा। पहला रूल क्या था हमारा कि सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, ये फर्स्ट रूल है। अब नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब अगला रूल सुनना,
अब हमारे जो लेफ्ट मोस्ट जीरोस होते हैं, द लेफ्ट मोस्ट जीरोस अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब नॉन जीरो डिजिट्स के जो लेफ्ट में आते हैं, लेफ्ट वाली साइड पे जो डिजिट्स निकल के आते हैं, वो सारे लेफ्ट जीरोस जितने भी आते हैं, है ना, नॉन जीरो के लेफ्ट की तरफ जितने भी आएंगे वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट हैं, वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, ये आपका अगला रूल है। ठीक है, अब इस बात को देखना, अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, नॉन जीरो सिर्फ टू हैं और इधर वाले सारे जीरोस हैं, चाहे डेसिमल है चाहे नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता, आंसर होगा मेरे टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, आंसर होगा मेरे टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, लेकिन अगर आप बेटा यहां पे वन लिख दो, यहां पे आप वन लिख दो, 1.0073, तो मुझे बताओ इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, चैट बॉक्स पे लिख के बताओ। अगर मैं ये जीरो की जगह यहां वन कर दूं तो अब बताओ कितना आंसर आएगा। यस सर, अब बताओ कितना आंसर आएगा, टमाटर जल्दी बताओ, फटाफट बता दो। अब आंसर क्या आएगा, अब तुम्हें दिख रहा है, अब सर हमारे दोनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं, दोनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं और उसके बीच में जो भी आएगा सारे जीरो सिग्निफिकेंट हैं, तो इसके अंदर जो आएंगे वो आएंगे फाइव सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसके अंदर आएंगे फाइव सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, और इसी तरह बच्चों आप अगर अगला यहां पे देखें 0.0423, तो आप देख सकते हो तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, जीरो जो है आपका वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो इट हैज थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और ऐसे ही 99 की इधर जितने भी जीरोस हैं सारे नॉन सिग्निफिकेंट हैं, तो इट हैज द टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इट हैज द टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब चक्कर क्या है, हम इसको क्यों लेफ्ट वाली जीरोस को सिग्निफिकेंट नहीं मानते, क्योंकि बच्चों हमारी जो साइंटिफिक नोटेशन है ना, आगे जाके जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे आपको बताएंगे कि हम किसी भी वैल्यू को साइंटिफिकली रिपोर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वैल्यू जो थी हमारी 0.0073, ये वैल्यू को आप अगर ध्यान से देखो, जहां पे मैं स्क्रीन पे कह रहा हूं वहीं पे फोकस करिएगा, कहीं और करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, पहले ही बता रहा हूं। 0.0073 वाली जो रीडिंग है बच्चों, इसको आप लिख सकते हो 7.3 × 10⁻³, 7.3 × 10⁻³। और बच्चों याद रखना, जो हमारी साइंटिफिक, इसको हम बोलते हैं किसी भी वैल्यू को, अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वैल्यू है 7200, तो इसको मैं साइंटिफिकली कैसे लिखूंगा, 7.2 × 10³। मतलब एक पॉइंट डिजिट ले लो, है ना, और 10 की पावर में आप चढ़ा दो। तो हर वैल्यू को हम बेटा साइंटिफिकली रिपोर्ट करते हैं फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर भी, और 10 की जो पावर होती है ना, इट इज ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट, द पावर ऑफ 10 डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन दी सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है ना, देखो लॉजिकल बात है, नहीं होना चाहिए। अगर 1 मीटर मैं तुम्हारे सामने लिखता हूं तो 1 मीटर इज 10⁻² सेंटीमीटर, 1 मीटर इज 10⁻² सेंटीमीटर, तो आई कैन राइट 1 मीटर एज 1 × 10⁻² सेंटीमीटर। तो बेटा यूनिट्स चेंज करने से सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मतलब डेटा तो उतना ही सिग्निफिकेंट है ना, उसमें फर्क नहीं आना चाहिए। तो 1 मीटर में सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, हाँ जी सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं जल्दी बताओ, है ना, ये रूल्स बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। 1 मीटर में सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, 1, ठीक है, और डेफिनेटली 1 × 10⁻² सेंटीमीटर पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। अब सोचो 10 की पावर तो हमें कभी कंसिडर करनी ही नहीं चाहिए, है ना, है ना, उसमें तो सिग्निफिकेंस आता नहीं है, तो उसमें भी आपका 1 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो मतलब इसीलिए ये रूल बनाया गया, जब हम डिफरेंट यूनिट्स में जाएं, इवन बाय चेंजिंग द यूनिट्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल रिमेन सेम। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई ऑन द लेफ्ट साइड वी डू नॉट कंसीडर द सिग्निफिकेंस। यस सर, चैट बॉक्स में लिख दे जय माता दी चक दे फट्टे, चैट बॉक्स में लिख दे जय माता दी चक दे फट्टे, आ रहा है समझ में, ठीक है, और डन है ना, तमात लो जल्दी बता दो फटाफट विनय सर को। यस सर ओके। अब इसी के साथ बेटा हमारा एक अगला रूल है, रूल नंबर 4, बहुत सिंपल सा प्यारा सा रूल है। ये रूल आपको क्या कहता है कि जीरोस एट द एंड ऑफ ए नंबर विल बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट ओनली इफ दे आर एट राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अब ये बड़ी अच्छी बात है, अगर डेसिमल की तरफ राइट पे जो जीरोस आएंगे वो सिग्निफिकेंट है। जैसे 300 में कोई डेसिमल नहीं है और राइट साइड वाले जीरोस जो भी हैं बिना डेसिमल के हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा, इसमें 1 सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा। यस सर बिल्कुल बात सही है। अच्छा अब 3.00 कर दूं, अगर ये मैं 3.00 कर दूं तो पॉइंट के बाद जो जीरोस आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट है, अब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके 3 आ जाएंगे। अब देखो अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों, देखो इसके पीछे भी रीजन है। अगर आप 3.00 रीडिंग दे रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि आप यहां तक एक्यूरेसी से मेजर कर रहे हो, आपके रीडिंग में एरर नहीं है। तो अगर आप वहां तक जा रहे हो 0.001, 0.002, तो मतलब आपकी मशीन काफी एक्यूरेट है, आपका डेटा सिग्निफिकेंट है।
इसी तरह बच्चों अब मुझे बताओ इसके अंदर कितने आएंगे, 27210। अब डेसिमल नहीं है, डेसिमल के बाद वाले जो राइट साइड पे आएंगे वो सिग्निफिकेंट है, तो मुझे बताओ इसके अंदर क्या आंसर आएगा। ये वाला जीरो डेसिमल में नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा इट विल हैव फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और अगर बेटा मैं आपको यहां पे देखूं, अब देखो डेसिमल के बाद वाले जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, आप समझ रहे हो, ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे। और देखो ये नॉन जीरो नंबर्स हैं, ये नॉन जीरो नंबर्स हैं, इनके बीच वाले भी जो होंगे जीरोज वो भी सिग्निफिकेंट है, तो ओवरऑल आप देखो ये सारा डेटा सिग्निफिकेंट है, सो इट विल हैव फाइव सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इट विल हैव फाइव सिग्निफिकेंट डिजिट्स। चैट बॉक्स में लिख दें जय माता दी, चकदे फटे। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? अच्छा अब मेरे टमाटरों मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स पे लिख के बताओ, इसका आंसर लिख के बताओ, ठीक है? मैं एक सेकंड थोड़ी सी यहां सेटिंग चेंज कर लेता हूं। लिखो लिखो फटाफट आंसर, उसका आंसर लिख के बताओ। मैं यहां हो जाता हूं, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूं, हां तुम्हें अब दिख जाएगा, लिख के बताओ जरा आंसर। जल्दी बताओ टमाटरों, हाँ क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा तो मान लो। हाँ सबको दिख गया आंसर, सबको दिख गया, हाँ सबको दिख गया ना आंसर, हाँ बिल्कुल। तो आप यहाँ पे मेरे टमाटर देख सकते हैं कि सर इसके अंदर राइट साइड पे जो जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट हैं, तो डेफिनेटली हमारी इसके अंदर आएंगी चार सिग्निफिकेंट डिजिट्स, है ना। और इसमें अब देखो जरा जो राइट, हाँ समझ रहे हो, हाँ अब देखो ये 50 है, अब ये 50 में ये डेसिमल का राइट वाला जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन लेफ्ट वाले जो हैं ये वाले जो हैं आपके, ये वाले आपके जो सिग्निफिकेंट है ये नहीं होंगे, तो डेफिनेटली आप समझ रहे हो आपका जो आंसर आएगा वो सी आएगा। यस सर, यस सर, तो आई होप इट इज प्रीटी क्लियर, इट्स अ वेरी सिंपल स्टफ जो हमने यहां पर डिस्कस किया है। तो बच्चों अब तक की समरी आपके सामने है, ये सारी समरी मैंने रूल्स बता दिए हैं। हर नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट होता है, जो जीरोस नॉन जीरो के बीच में आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, लेफ्ट मोस्ट जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, और डेसिमल के राइट की तरफ जो आते हैं वो आपके सिग्निफिकेंट होते हैं, डेसिमल के राइट की तरफ जो आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स हमारे डन हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेसिक्स डन हो गए। अब थोड़े से हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, है ना, हाँ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। हर्ष साहू अगर कोई डाउट है मुझे मेल कर देना vinay.sood@vedantu.com पे, यूट्यूब पे डाउट लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। ओके अच्छा अब आ जाओ, अब आ जाओ। अच्छा अब बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का फायदा कुछ कैलकुलेशंस में जो हमें भयंकर तरह से दिखने वाला है, भयंकर तरह से आपको दिखने वाला है। क्या फायदा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि जो आंसर हमारा मान लो कुछ कुछ कैलकुलेशंस हुई एक्स प्लस वाई जेड के बराबर आया, ए कैलकुलेटेड आंसर कैन नॉट बी मोर प्रिसाइज देन द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट फ्रॉम विच इट वॉज कैलकुलेटेड। देखो तुम्हें इस इंग्लिश के अंदर बिल्कुल नहीं जाना, हम एग्जाम्पल के थ्रू इस सारी इंग्लिश को समझेंगे, इंग्लिश मैंने लिखी है तुम्हारे नोट्स के लिए, ठीक है। तो कहना यह चाहता है कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमारी जो रीडिंग है उससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता, विच इज वेरी लॉजिकल। द कैलकुलेटेड वैल्यू मस्ट बी राउंडेड टू मेक इट कंसिस्टेंट विद द मेजरमेंट, तो बड़ी सीधी सी बात है हमें कैलकुलेटेड वैल्यू को कई बार राउंड ऑफ करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा रेडियस किसी सर्कल का है 1.2 मीटर, है ना, सर्कल का रेडियस कितना है 1.2 मीटर, एरिया बेटा किसका, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अब जरा सोच के बताना पाई आर स्क्वायर, तो अगर तुम पाई इंटू आर स्क्वायर कर दो तो आर का स्क्वायर कितना होगा 1.2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.144, है ना, तो 144 इंटू पाई, ये कितनी आ जाएगी 144 इंटू पाई। अब आप देखो जरा, अब पाई पाई को भी अगर आप ले लो 3.14 और मल्टीप्लाई करो तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई, सोच के देखो जरा कितनी सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई, है ना, 1.44 इंटू 3.1428 पूरा अगर आप पाई ले लो, तो मेरे बच्चों ये रीडिंग में सिग्निफिकेंट फिगर्स ओरिजिनल रेडियस से ज्यादा है, ओरिजिनल रेडियस से ज्यादा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ओरिजिनल रेडियस में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपको उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, आपने आपको अपने एरिया का आंसर दो सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर देना है, तो उसके लिए राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी, और आपको यही मैं बताने वाला हूं राउंडिंग ऑफ की कुछ टेक्निक्स हैं। अब बड़ी मस्त टेक्निक्स हैं, आराम से सुनते जाना, 5 मिनट का काम रह गया फिर अपना सेशन आज का डन डना, ठीक है। यस सर, यस सर। अच्छा तुम्हें अगर मजा आ रहा है तो पहले वीडियो को लाइक करो यार, अब तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया मैंने देखा अभी तक, फटाफट लाइक करो, शाबाश मेरे बब्बर शेरो, ठीक है, ओके ओके। हाँ अब एग्जाम्पल करते हैं, देखो अब प्यारे प्यारे मेरे गुल्लू मुल्लू बच्चों हम एग्जाम्पल करते हैं, है ना, आ जाओ आ जाओ, एग्जाम्पल सुनना, मस्त एग्जाम्पल है। कह रहा है अगर लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 5 से कम है तो टेंशन मत लेना, उसे ड्रॉप कर देना। जैसे
12.3 में आपको पता है कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? आई हैव 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मेरी बात को ध्यान से सुनना, है ना, सब नॉन जीरो है। मुझे राउंड ऑफ करना है कहां पे? दो सिग्निफिकेंट डिजिट पे, मुझे दो सिग्निफिकेंट डिजिट पे राउंड ऑफ करना है। तो मतलब डेफिनेटली 12.3 को मुझे ऑब्जर्व करना है, मुझे इसको दो सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो आखिरी वाला जो डिजिट है मुझे इसको ड्रॉप करना है। लेकिन ड्रॉप करने से पहले रूल्स हैं कुछ, उनको ध्यान से सुनना। अगर तो ये 5 से कम है, जो कि है ये 5 से कम है, है ना, तो अगर ये 5 से कम है फिर तो कह रहा है कोई टेंशन ही नहीं है, वैसे ही छोड़ दो, आपका आंसर 12 है। यस सर, यस सर, जय माता दी, सिंपल रूल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने 5.63 है, 5.63 है, इसको अगर मुझे दो सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ करना है तो मुझे आंसर बताओ क्या आएगा, चैट बॉक्स में लिख के क्या आंसर आएगा मुझे लिख के बताओ। अगर 5.63 है, अगर मुझे इसको दो सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ करना है तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा? बिल्कुल सब बच्चे समझ रहे हैं, अगर ये 3-5 से कम है तो आपने उसको वैसे ही ड्रॉप कर देना है, कोई टेंशन नहीं है, आंसर आपका 5.6 आ जाएगा। सिंपल रूल है, कोई टेंशन नहीं है, कॉमन सेंस भी यही कहती है यार, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा अब बताओ, अगर ये वैल्यू 5 से ज्यादा है, अगर मान लो जिसको हम जिस नंबर को हम काट रहे हैं, जहां से हम उसको अलग कर रहे हैं, अगर वो वैल्यू 5 से ज्यादा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4.56 है, है ना, इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? इट हैज, कहीं मत देखो बेटा बोर्ड पे अभी, जहां पे मेरे साथ रहना, इट हैज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो आपको अगर इसे राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे, तो आपने 6 को पकड़ा। अब 6 को जब आपने पकड़ा, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, 14.56 है, आपने इस आखिरी डिजिट को ट्रंकेट करना है, तो आप ट्रंकेट जब करने लगे, इस डिजिट को जब आप छोड़ने लगे, तो ये जो डिजिट था ये 6 था, जो कि 5 से ज्यादा है, अगर वो 5 से ज्यादा है तो आप उसके बगल वाला जो नंबर है उसमें +1 कर दो, उसमें +1 कर दो, तो आंसर होगा वो होगा 14.6। देखो बेटा लॉजिकल बात है, 14.56 6 की तरफ ज्यादा है, मतलब 0.56, समझ रहे हो, अगर ये 14.53 होता तो वो 14.5 के पास होता, और 14.56 जो है वो 14.6 के पास होता, तो बहुत लॉजिकल है। चैट बॉक्स में लिख दें जय माता दी, चैट बॉक्स में लिख दें जय माता दी, चक दे फट्टे, बिल्कुल सही बात है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, क्या बात है जी, क्या बात है, है ना, तो जय माता दी कर सकते हैं आप लोग, जय माता दी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा अब बात आती है, अब रोला, अब मेन चक्कर कहां पे आने वाला है, हाँ मेन शोर शराबा अब कहां पे आने वाला है भाई, मेन शोर शराबा मेरे भाई यहां पे है, अगर हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट में जिसको हम ट्रंकेट कर रहे हैं वो नंबर 5 है, अगर वो नंबर 5 है तो अब ध्यान से, अब देखो दो केस बनते हैं, अगर तो हम जिसको ट्रंकेट कर रहे हैं देखो वो नंबर 5 है, मैंने 5 को छोड़ना है, मैंने दो सिग्निफिक, ये 1.45 में 3 है, मुझे दो सिग्निफिकेंट डिजिट पे ट्रंकेट करना है, तो अगर तो बगल वाला नंबर इवन है, अब केस ध्यान से सुनना, अगर 5 है तो अगर बगल वाला नंबर इवन है तो आप उसको आराम से ड्रॉप कर दो, कोई इशू नहीं है, आपका आंसर होगा 1.4, आपका आंसर होगा 1.4, जिधर मैं कह रहा हूं उधर ही देखना, हर तरफ देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, पहले क्लियर कर रहा हूं, ठीक है ना, तो इफ इट इज इवन, है ना, इफ इट इज इवन ड्रॉप इट, यहां पे लिखा हुआ इफ इट इज इवन ड्रॉप इट, और अगर वो ऑड है, जैसे फॉर एग्जांपल 147.5 है, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, हमें 3 तक लेके जाना है, और आप मेरे टमाटरों अगर थोड़े से समझदार हो, अब आप 5 को छोड़ना चाहते हो, 5 को हटाना है और बगल वाला नंबर ऑड है, बगल वाला नंबर अगर आपका ऑड है तो एक और इंक्रीज कर दो, तो आपका आंसर इसमें आएगा, एक और ऐड कर देना 148, आपका आंसर आएगा 148। तो रूल्स क्या है, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड then increase the digit by 1, if the preceding digit is even then directly drop it, then directly drop it, chat box में लिख दो, चक दे फटे, जय माता दी। तो 5 से कम पता है, 5 से ज्यादा पता है, अगर 5 है जिसको ड्रॉप कर रहे हो तो फिर इवन ऑड पे खेलना पड़ेगा, इवन के केस में वैसे छोड़ दो, ऑड के केस में एक बढ़ा के छोड़ दो। यस सर, जय माता दी, चक दे फटे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, इसका आंसर चैट बॉक्स में लिख के बताना मेरे टमाटरों, चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा मेरे गुन्नू मुन्नू, हाँ बताओ बताओ बताओ, आज क्लास बड़ा इजी लग रहा है बेटा, यही तो टीचर की क्वालिटी है, जब टीचर आपके सामने खड़ा है तो तुम्हें इजी ही लगना चाहिए, ठीक है, हाँ तो ये मेरी क्वालिटी है, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। तो बच्चों बताओ, आपको 18.35 को
तीन डिजिट्स पे, ध्यान से सुनना, 18.35 को ये चार डिजिट्स हैं, मुझे चार की जगह तीन डिजिट्स पे ट्रंकेट करना है तो कैसे किया जाएगा? अरे टमाटरों ने आंसर दे ही दिया, वेरी गुड। तो सर ये फाइव को छोड़ना है और फाइव के बगल में कौन है? फाइव के बगल में ऑड है और अगर ऑड है तो हम एक ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा आएगा 18.4, है ना। तो आंसर क्या आएगा हमारा 18.4। और डेफिनेटली बेटा अगला क्या है आपका 143.45। ये पांच डिजिट्स हैं, मुझे चार तक लेके जाना है तो मैं इस पांच को छोड़ूंगा, बगल वाला ऑड है तो वैसे ही छोड़ दो, आंसर आएगा 143.4, है ना। तो आंसर क्या आ रहा है 18.4 और 143, तो सी ऑप्शन, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों ने, टमाटरों ने सही आंसर दे दिया, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये सारे रूल्स आपके सामने हैं, अगर 5 से कम है तो ड्रॉप कर दो, 5 से ज्यादा है तो एक इंक्रीज कर दो, है ना, एड बाय 1, और अगर इक्वल टू 5 है फिर ऑड इवन का सीन है, इवन के केस में ड्रॉप कर देंगे और ऑड के केस में हम एक उसको इंक्रीज कर देंगे, एक केस में इंक्रीज कर देंगे। चक दे फटे चैट बॉक्स में लिख दे, जय माता दी, ठीक है। यस सर, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा हो गया खत्म, अब कुछ कैलकुलेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे डील करते हैं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है, एक लाइन का काम बचा है बस हमारा। अगर हम बेटा एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, है ना, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत मस्त चीज है, अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं किन्हीं दो चीजों की, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, अभी स्क्रीन पे हर तरफ मत देखो, जहां पे कहूंगा वहीं पे देखिएगा, अगर मुझे 12.52 ऐड करना है 34.9 से, 0.0 से, ठीक है, तो आपने जब इसको ऐड किया, एडिशन का रूल अलग है, सब्ट्रैक्शन का, सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्शन का अलग है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का अलग है, लेकिन है बहुत सिंपल से। तो अगर तुमने ऐड किया, ये नंबर इसमें ऐड किया, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना जो विनय सर बताने वाले हैं, तुमने ऐड किया, तुम्हें क्या मिला 369.76, मैं यहां लिख देता हूं 369, बेटा कहीं और मत देखना, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, 369.76, ये किसके बराबर आ रहा है 369.76। अब रूल क्या है, रूल ये है कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स सबसे लीस्ट हैं किसी भी टर्म में, तुम्हें उतने डिजिट्स रखने हैं। जैसे यहां पे डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, यहां पे इस टर्म में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर होगा ना, उसमें डेसिमल के बाद दो डिजिट नहीं आ सकते, जो सबसे कम डिजिट आ रहे हैं डेसिमल के बाद, तुम्हें अपने आंसर में उतने डिजिट्स रखने हैं। तो यही यहां पे लिखा हुआ है, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस, फाइनल आंसर में उतना डेसिमल आना चाहिए एज इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, जिसमें सबसे कम आ रहे हैं, जितने डेसिमल प्लेसेस सबसे कम में आ रहे हैं उतने तुम्हें रिटेन करने हैं। तो तुम्हें अब फाइनल आंसर ट्रंकेट करना पड़ेगा, तुम्हें इसे काटना पड़ेगा। अब आप किसको ड्रॉप कर रहे हो, आप 6 को ड्रॉप कर रहे हो, तो करते हैं 6 को ड्रॉप, तो बताओ 6 को ड्रॉप किया, अब जैसे 6 को काटा, 6 हमारा 5 से बड़ा है तो पिछले वाले में एक ऐड कर देंगे, तो आंसर आएगा 369, मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे 369.8। तो फाइनल आंसर क्या दोगे 369.8, चैट बॉक्स में लिख दें चक दे फटे जय माता दी, चैट बॉक्स में लिख दें चक दे फटे जय माता दी, समझ में आ रहा है। तो भाई याद रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो लीस्ट डेसिमल है ना, हमें उतने डिजिट्स रिटेन करने हैं, हमें उतने डिजिट्स रिटेन करने हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा टमाटरों, अब एक चीज और को सीख लेना, अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर आ जाए, अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर आ जाए तो यहां पे तो और काम आसान है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर रूल क्या है, ये कहता है कि जितने सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे कम है उतना हमें आंसर देना है। तो मतलब इसमें ध्यान से देखना, जैसे 7 अभी कहीं मत देखो, जहां मैं स्क्रीन पे कर रहा हूं वहीं पे देखना, 7.55 में आपको पता है तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और 0.34 में आप जानते हैं दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, क्योंकि लेफ्ट वाले जीरोस जो होते हैं वो हम सिग्निफिकेंट ट्रीट नहीं करते। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आप ईमानदारी से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा मल्टीप्लाई करके 2.567, आपको आंसर क्या मिलेगा 2.567। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आ गए, कितना आंसर आया 2.567, कितने आ रहे हैं सर चार आ रहे हैं, ये तो चार सिग्निफिकेंट डिजिट है, हमें कितने लेने हैं जो सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपने ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट सबसे कम है उतने तुम्हें देने हैं,
है ना, यहाँ पे डेसिमल प्लेस देखना है कि डेसिमल के बाद डिजिट मिनिमम कितने हैं, और यहाँ पे तो सिंपल है, तुम्हें रिटेन करने हैं एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये बड़ी मस्त लाइन लगती है मुझे, एज इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो जिसमें सबसे कम है, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तुम्हें आंसर में भी उतने ही देने हैं। तो बच्चों बता दो क्या आंसर आएगा, तुम्हें यहां पर कितने नंबर ड्रॉप करने पड़ेंगे? अरे भैया सर जी, दो नंबर ड्रॉप करने पड़ेंगे। तो अगर तुम 7 को ड्रॉप करो तो 7 5 से, अब देखो 2 को कैसे ड्रॉप करोगे, यहां भी बड़े लॉजिक है, 7 को ड्रॉप करोगे तो 7 5 से बड़ा है तो पीछे वाले में एक ऐड कर दोगे, एक ऐड कर दोगे, है ना, तो पीछे वाले में एक ऐड कर दो, ये मेरे पास बन गया 2.57, मेरे पास बन गया ये 2.57, और अभी भी ड्रॉप करना है, अभी भी मैं शांत नहीं हुआ, अभी भी सोचो ये 7 मेरा, ये 7 मेरा है ना, ये मेरा जो 7 है ये अभी भी 5 से बड़ा है, अगर मैं इसे काटूंगा तो इस पीछे वाले में एक और जोड़ दूंगा, तो मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 2.6, एंड यू कैन सी द फाइनल आंसर। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें ऑप्शंस में ये भी मिलेगा, तुम्हें ऑप्शंस में ये भी मिलेगा, जनता इसको मार्क कर देगी, सर यही तो सिखाया हमें बचपन में, है ना, जनता उसी को मार्क, चक दे फटे बिल्कुल, इसी को मार्क कर देगी, हमें बचपन में सिखाया गया, बट बच्चों ध्यान रखना आपका जो आंसर होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। यस सर, तो गुलाबी दिल दे दीजिए, आज का सेशन आपको अच्छा लगा, और मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स एडिशन में देने हैं, ठीक है, मैं इसे ब्लॉक कर लेता हूँ, आई होप आपको कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, और एक आपका होमवर्क मैं आपको और दे रहा हूँ जो आपका, अरे यार ये तुम्हें दिख गया, चलो कोई नहीं, तो एक मैं आपको होमवर्क और दे रहा हूँ, ये आपका एक और होमवर्क है बच्चों, ये आपको मल्टीप्लीकेशन का दे रहा है ना, और आपको अपने सिग्निफिकेंट डिजिट्स मैं यहाँ से ब्लॉक करता हूँ, है ना, ऐसे तुम देख लेते हो, बड़े चलाको, मैं भी बड़े चलाको, है ना, तो आपको मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट डिजिट का आंसर देना है, ठीक है, एंड बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स डन, और मुझे चेहरों पे दिल पे प्यार मोहब्बत दिख जानी चाहिए, और आज का सेशन बच्चों आप सबके लिए जो है वो बधाई का पात्र है, ठीक है, तो मैं आप सबके लिए क्लैपिंग करना चाहता हूँ, आप सब भी क्लैपिंग करिए बच्चों चैट बॉक्स में एकदम से तालियों के साथ, आज हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, और मुझे पता है तुम्हारी अभी क्लास भी है अगली, तो तो आज का जो सेशन है आप सबको बेटा डिजर्व करते हैं, आज हमने बहुत चीज़ों को टच किया है, ठीक है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इतने दिनों के बाद तुम्हें मिला हूँ, लेकिन तुम लोग पूरी एनर्जी के साथ और शिद्दत के साथ सेशंस को लगा रहे हो, ठीक है, आई लव ऑल ऑफ यू, ठीक है, एंड बस गाइस, और हाँ बच्चे कह रहे हैं आपकी मेल का जवाब बेटा मैं आपको कल तक पक्का दे दूंगा, पिछला हफ्ता मैं बीमार था तो पेंडिंग है मुझे पता है, बट आपको विद इन टुमारो, बस मैक्सिमम बाय टुमारो यू विल गेट अ रिप्लाई फ्रॉम माय साइड, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप डेफिनेटली आप सब ये बात जानते हैं, क्विकली ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, कि अगर आप लोगों को हमारे यूट्यूब के लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, और जिस तरह से आप यहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप सब बच्चे हमारे YouTube के लेक्चर्स को बहुत एंजॉय करते हैं। बच्चों मैं आपको ये बात गारंटी देता हूं कि हमारा जो पेड प्लेटफॉर्म है ना, वहां पे एंजॉयमेंट 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। देखो बड़ी सीधी सी बात है बेटा, मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं आपको 5 गुना ज्यादा एंजॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो पेड प्लेटफॉर्म है वहां पे 5 गुना सपोर्ट ज्यादा है। मैं YouTube पे पढ़ाता हूं, मैं अकेला पढ़ाता हूं, मैं यहां पे अकेला आपके सामने खड़ा होता हूं, लेकिन हमारे जो लाइव लेक्चर्स होते हैं वो बहुत इंटरेक्टिव होते हैं। YouTube is always one-sided. ये प्लेटफॉर्म कभी पढ़ाई के लिए नहीं बना था, आजकल का समय बदल गया है तो जरूर हम आपको इस पे पढ़ाते हैं बच्चों, बट हमारा वेदांतु का प्लेटफॉर्म बनाया ही पढ़ाई के लिए गया है। अब मैं क्यों बोलता हूँ पढ़ाई के लिए, यहाँ पे आप डाउट्स पूछते हो स्किप हो जाते हैं, बिकॉज प्लेटफॉर्म वन साइडेड है। हमारी जो लाइव क्लासेस होती है ना बच्चों, उसके अंदर हमारे जितने भी टमाटर बैठते हैं, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे क्लास में बैठते हैं, वो ड्यूरिंग दी क्लास हमारे 4 क्लास टीचर्स अलग से और बैठते हैं। अब सोचो विनय सर पढ़ा रहे हैं, विनय सर को सपोर्ट करने के लिए 4 टीचर्स और बैठे हैं जो ड्यूरिंग दी क्लास बच्चे के सारे डाउट्स ड्यूरिंग दी क्लास एड्रेस करते हैं, और बच्चे को मेक श्योर करते हैं उसके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हों। आपके यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स मैं यूट्यूब पे स्किप कर देता हूँ, बिकॉज डेफिनेटली मैं ये नहीं ले सकता, ये प्लेटफॉर्म उसको सपोर्ट नहीं करता। और अगर ये मुझे भी सिग्नल दे दें कि सर अब आप खुद डाउट लो, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा ज्यादा डाउट पूछ रहा है, तो मैं उसको कॉन्सेप्ट दोबारा समझाता हूँ और मैं खुद उस बच्चे से बात करता हूँ, वहां पे मैं उस बच्चे का कैमरा ऑन कर दूंगा, वीडियो ऑन कर दूंगा और उससे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकता हूँ। क्लास के अंदर सारे डाउट्स बेटा हम मार देते हैं। इसके अलावा क्लास के बाद बच्चों हमारी एक डाउट ऐप है, दिस इज अ डाउट ऐप, है ना, और ये बेटा 24/7, वैसे तो हम सुबह 8 से 11 तक ऑफिशियली कोट करते हैं, इस डाउट ऐप में आप 24/7 सुबह से लेकर रात तक, इनफैक्ट ऑफिशियली 8 से 11 है, पर रात के 2-2 बजे तक टीचर्स रिप्लाई करते हैं,
आप सभी सब्जेक्ट्स के डाउट पूछ सकते हो। मैं बार बार बच्चों ये बात आपको कहना चाहता हूं कि इन क्लास डाउट्स और आउटसाइड क्लास डाउट्स, ये वेदांतु ने प्रॉब्लम को खत्म किया है। हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स कोविड की वजह से ऑनलाइन आ जरूर गए हैं, लेकिन वो फोर्सफुली आए हैं। हम ऑनलाइन बाय चॉइस है बेटा। हमारे डायरेक्टर्स 2012 में ही, मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ, हमारा जो लक्ष्य इंस्टीट्यूट था उसको पहले ही छोड़ गए थे, बिकॉज उन्हें ये पता था कि अगर देश में एजुकेशन की कॉस्ट कम करनी है तो कुछ और करना पड़ेगा, ये ऑफलाइन से नहीं होगा। तो वी आर ऑनलाइन बाय 2012, देर वॉज नो कोविड देन। तो आप सोचो, जो इंस्टीट्यूट अभी ऑनलाइन आए हैं वो भी अच्छा करेंगे, मैं ये नहीं कहता, बट उन्हें बहुत समय लगेगा, वहां पे भी बहुत अनस्टेबिलिटी है। तो यू गाइज हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्टेबल सिस्टम, एंड वेदांतु इज द बेस्ट सिस्टम बच्चों। तो ये डाउट ऐप पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको, आप अपने डाउट्स किसी भी बुक के किसी भी कंटेंट के आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है ये ऑल ओवर इंडिया होती है, तो डेफिनेटली वेदांतु से बड़ा सिस्टम अभी कोई है नहीं। तो इंडिया में मैक्सिमम बच्चे वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आपकी जो टेस्टिंग होगी उन बच्चों के साथ होगी। आपको डे वन से इंडिया लेवल पे अपनी रिकॉग्निशन या अपनी परफॉर्मेंस पता चलेगी, और उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशंस भी आपको और बेटर पता लगेंगी कि आप इंडिया लेवल के बच्चों के साथ कहाँ पे खड़े हैं, क्या वीकनेस है, क्या एक्यूरेसी है, सब्जेक्ट लेवल, टॉपिक लेवल, क्वेश्चन लेवल, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों ये सारी चीजें तो है ही है, हमारा कंटेंट भी जो है वो डिजिटल कंटेंट है। आपको असाइनमेंट्स भी मिलती हैं। अब मैं असाइनमेंट्स भी अगर आपको बताऊं, नॉर्मल पीडीएफ फाइल नहीं होती, ये असाइनमेंट्स आपके लॉगिन के अंदर सेव्ड पड़ी होती हैं। आप हर क्वेश्चन पे, आपको दिखाने वाला हूं अभी मैं, हर क्वेश्चन पे आप क्लिक कर सकते हो, सेव कर सकते हो, नेक्स्ट जा सकते हो, और कल को एक महीने बाद या एक साल बाद भी आप अपने अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, लेफ्ट क्वेश्चंस, रॉन्ग क्वेश्चंस देखना चाहो आप देख सकते हो। सो इस तरह का ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म है। और मेरे टमाटरों, इसी के साथ आपको एक बुकलेट दी जाती है तत्व, जिसके अंदर आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेज मिलेंगी, बेसिक, एडवांस, 3-4 एक्सरसाइजेज आपको मिलेंगी, प्रीवियस ईयर मेंस, प्रीवियस ईयर एडवांस, और आप उन एक्सरसाइजेस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स और बिल्ड कर सकते हो। और ये सारा कंटेंट बेटा डिजिटल होता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब कंटेंट तो तुम्हें बाकी इंस्टीट्यूट भी देंगे, हम ऑनलाइन बाय चॉइस हैं। ये जो तत्व बुकलेट तुम्हें देते हैं बेटा, इस बुकलेट के अंदर आपको हर क्वेश्चन के साथ एक क्यूआर कोड मिलता है, और उस QR कोड के थ्रू आप स्कैन करके कभी भी किसी क्वेश्चन तक लैंड कर सकते हैं, आप उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो ये बेटा मैं जो बताना चाहता हूं ना, वी आर नॉट ऑनलाइन बाय डिप्रेशन, वी आर ऑनलाइन बाय चॉइस, सो यू शुड डेफिनेटली एसोसिएटेड विद आवर सिस्टम। तो ये अरविंद सर की, हमारे प्यारे से अरविंद भैया हैं, इनकी क्लास आप देख सकते हैं। यहाँ पे सर कैमरा ऑन करते हैं, बात करते हैं बच्चों से, क्विजेज होते हैं, पोल्स होते हैं। ये डाउट ऐप है बच्चों, आप देख सकते हैं डाउट ऐप के अंदर क्या होता है। आप किसी भी क्वेश्चन का स्निप डालिए, स्निप डाल के आप डाल दीजिए, आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन टीचर्स लिख के भेजते हैं। तो डाउट ऐप पे टीचर्स बैठे होते हैं कंसिस्टेंटली, हैंड रिटन सॉल्यूशन लिख के भेजेंगे, आप तब तक कॉन्वर्सेशन करो जब तक आपकी सेटिस्फेक्शन ना हो, और एंड में टीचर आपको बोलेगा कि मेरा पॉजिटिव फीडबैक शेयर करना। आप इस बात को समझो कि ऐसा सिस्टम जहां पे टीचर रिस्पॉन्सिबल है, टीचर का फीडबैक आपके फीडबैक से मैटर करता है डाउट में भी, तो ऐसा सिस्टम इंडिया में तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। तुम ऑफलाइन में 4 डाउट पूछने जाते हो, जब टीचर के सामने बैठते हो तो वहां पे आपको 2 डाउट भूल जाते हैं, 2 डाउट पूछ के आते हो और 4 घंटे अपने खराब करते हो, कितनी इनएफिशिएंसी है। यहां पे वो सारी चीजों को बेटा हमने खत्म कर दिया है, बिकॉज वी आर ऑनलाइन बाय चॉइस। ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट को देखिए, असाइनमेंट में देखो हर क्वेश्चन पे आप क्लिक कर सकते हो, आप क्वेश्चन चेंज कर सकते हो, ऑप्शन मार्क कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो, रिव्यू लेटर कर सकते हो, सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो, एक महीने बाद भी देखना चाहो अपनी असाइनमेंट्स को देख सकते हो मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी कितनी है ओवरऑल, मैथ्स में कितनी है, केमिस्ट्री देखो फिजिक्स में कम चलती है आपकी, है ना, तो आपकी एक्यूरेसी सब्जेक्ट लेवल पे, इनफैक्ट टॉपिक, क्वेश्चन और भी इसके अंदर डिटेल एनालिसिस आपको मिल सकता है। क्लास में आपका सपोर्ट क्या है, आपके साथ बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं आपको वो भी पता लगेगा। तो कहने का पर्पज ये है कि जो रियल फीलिंग है ना, ऑफलाइन जैसा ऑनलाइन और उससे भी बेहतर, ऑफलाइन के सारे पॉइंट्स और उसकी सारी लिमिटेशंस को खत्म कर दिया जाए, ऐसा ऑनलाइन सिस्टम इंडिया में सिर्फ वेदांतु के पास है। और यही वो कारण है, ये जो ग्राफ तुम्हारे सामने बेटा हम हर बार स्लाइड्स में दिखाते हैं ताकि तुम्हें इस बात का स्मरण रहे कि कितना क्वालिटी एजुकेशन वेदांतु इस कंट्री को दे रहा है। ये जो व्हाइट बॉक्सेस दिख रहे हैं ये हमारे कंट्री की सिलेक्शंस हैं, और जो येलो, ग्रीन, ऑरेंज बॉक्सेस हैं हमारे, वो हमारे वेदांतु की सिलेक्शंस हैं। आप सबको छोड़ दो, अगर आप यहाँ पे जेई एडवांस में देखो तो वेदांतु का सिलेक्शन परसेंटेज 8.25% है और पूरे इंडिया में 1.25% है, और बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट्स का भी देख लेना वहां पे 0.1% भी नहीं आता। तो आप सोचो वेदांतु 8.25% कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे आप CBSE के रिजल्ट्स देख लीजिए, चाहे आप CBSE 10th के देख लीजिए, वेदांतु ने मचा रखी है, ठीक है ना, मुद्दे की बात इतनी है। तो मेरे बच्चों
इसके अलावा अगर आप हमारे माइक्रो कोर्सेज, अगर आप हमारे मेंबर बनते हैं प्रो सब्सक्रिप्शन के, तो आपको बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज का फ्री एक्सेस मिल जाएगा। अभी अरविंद सर ने एक माइक्रो कोर्स लिया था, वो दो और लॉन्च करने वाले हैं, मुझे बता रहे थे, मैं भी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ विद इन अ मंथ, तो आपको सारे हमारे माइक्रो कोर्सेज का भी फ्री एक्सेस मिल जाएगा। तो आप ये लगाओ, अगर आपने हमारा मेंबरशिप ले लिया तो आपका लॉन्ग टर्म कोर्स जो है वो तो चलता रहेगा, बट उसके अलावा भी जो हमारे मॉड्यूलर कोर्सेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को यूनिट्स एंड डिमेंशन दोबारा पढ़ना है विनय सर से, या मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आया, वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, किसी और टीचर का आपको वो माइक्रो कोर्स लगाना है आप लगा लो। इसके अलावा आपको कोई बाद में जब प्रिपरेशन करनी होती है क्रैश कोर्स, वो सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो गाइज गो फॉर इट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, VS Pro इज द कूपन कोड। अब तो कूपन कोड भी नहीं बेटा लगाना पड़ता, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है, तो मैं क्विकली बता देता हूँ, एनोटेशन को हम कीप कर लेते हैं, ठीक है। तो लेना कैसे है मेरे टमाटरों, समय बर्बाद बिल्कुल मत करना, जल्दी ले लेना, ठीक है। आपको सॉरी ये वेदांतु के होम पेज पे नहीं जाना, हमें अभी यूट्यूब पे जाना है। तो लेना कैसे है, यूट्यूब पे जाओ, इसी वीडियो को ढूंढो, ठीक है। ये हमारे अरविंद भैया हैं, इनका सेशन भी शुरू होने वाला है, सर की वीडियो को लाइक भी कर देते हैं, वेदांतु जेई पे आ जाओ, ठीक है। और देखो ये विनय सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मेरे टमाटरों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यार आ जाना तुम लोग, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे प्रो का एक लिंक मिल रहा है, आप इसको लिंक पे क्लिक कर दो, 10% अपने आप ऑफ होगा, कूपन कोड लग जाएगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब जैसे तुम ले लोगे बेटा, आपको प्लान लेना है लाइट क्लासिक प्लस, ठीक है। देखो रेट थोड़े से रिवाइज हो गए हैं, मैं आपको ये बात बार बता रहा हूँ कि लेट मत करो, बिकॉज बहुत बच्चे वेदांतु पे जुड़ रहे हैं, तुम हमारे प्यारे बच्चे हो, तो जल्दी जल्दी इस फैसिलिटी को अवेल करो। अच्छा, ये जो फीस है ना 54,000, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये एक साल की फीस नहीं है, ये दो साल की फीस है, दो भी क्या तीन साल, जब तक आप पास आउट नहीं होते ना, पास आउट होते होते बच्चों को तीन साल लग जाते हैं, तो ये तीन साल की फीस है जो बच्चों से हमें लेनी पड़, मतलब लगभग तीन साल की फीस है 54,000। ऑफलाइन में तो सोचो बेटा, ये फीस अगर पीजी वीजी में मिला ली जाए तो 1.5-2 लाख एक साल की फीस होती है, तो सोचो ये कहां तक, ये कम से कम 10 लाख तक आपकी गेम चली जाती है। सो यू गाइज कैन सी इट दैट दिस इज जस्ट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, ठीक है। तीन मॉडल्स हैं बच्चों, मैं बता देता हूँ फटाफट, ज्यादा क्या है, लाइट है, क्लासिक है, प्लस है, ठीक है। लाइट पे आपको ये फीस देके खत्म, बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, टेल योर जेई एडवांस, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेदांतु की, सारे कोर्सेज आपके लिए फ्री। अगर आप ये लेते हो क्लासिक वाला मॉडल बच्चों, इसके अंदर बस एक फीचर और ऐड हो जाएगा, जो होगा डाउट ऐप का, बाकी सब सेम है ना, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, डाउट ऐप आपको मिल जाएगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाउट्स आपको पूरे साल आएंगे और आप अपने डाउट्स को सॉल्व करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डाउट ऐप। और एक बेटा मेंबरशिप होती है हमारी प्लस मेंबरशिप, है ना, तीन तरह की मेंबरशिप है, लाइट क्लासिक प्लस। अगर आप प्लस लेते हो तो एक फीचर और ऐड हो जाएगा, दैट इज द पर्सनल मेंटर। पर्सनल मेंटर का मतलब यह कि आपको एक ऐसा टीचर दे देंगे जो हर वक्त आपको अवेलेबल होगा, आप कभी भी उसे कॉल करना, आप डिप्रेशन में आप उसे बताना, वो आपको कॉल करेगा, आपके डाउट्स को एड्रेस करेगा, आपका शेड्यूल बनाएगा, आपको किसी टीचर से कनेक्ट करना होगा तो कनेक्ट करेगा, तो आपका पूरा ध्यान रखेगा, है ना। तो वो आपका बेसिकली अकेडमिक फादर है, उसका जिम्मेवारी है आपको पूरा ध्यान रखने की। तो अगर तो बच्चों आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है फैमिली में, तो आप इस प्लान के लिए जाएं, बिल्कुल मत थॉट दीजिएगा, इट इज द बेस्ट प्लान। एकेडमिक मेंटर होने से बच्चों की बहुत परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो फिर टेंशन मत लो, फिर आप ये प्लान लीजिए, कोई इशू नहीं है, आराम से इस प्लान के अंदर भी आप अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर लेना कैसे है। सर आपको एक महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, बट एक महीना मत लेना बच्चों, पूरा कोर्स लो, क्योंकि अगर आप एक महीना लोगे फिर आप सोचते रहोगे आप पढ़ाई शुरू ही नहीं कर पाओगे, अगले महीने फिर सोचोगे किसी और की ले लें, फिर किसी और की ले लें। तो अगर तो देखो मैं क्लियर आपको बता रहा हूं, अगर तो कहीं पर ले रखी है फिर वहां पर कंटिन्यू करो, यूट्यूब फ्री है, हमारे पास आते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं आपके लिए। अगर आपने मेंबरशिप कहीं पर नहीं ली, कहीं पर पैसे नहीं लिए, आंखें बंद करके ले लो, मैं 10 साल से सिस्टम के साथ जुड़ा हूं, इससे अच्छा सिस्टम इंडिया में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बस क्लिक करना है, क्लिक करके आपके सामने ये है, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो 54,000, अपने आप कूपन कोड लगता है, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दो, पेटीएम से कर दो, नेट बैंकिंग से कर दो, ईएमआई भी बना सकते हो, ईएमआई के मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो तुम्हें जो दिल करना है तुम कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप ले लो, अगर आपको कोई दिक्कत आती है मेरी आईडी आपके पास है vinay.chur@vedantu.com, आप मुझे कभी भी रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा आज लेट हो गया है, आपकी अगली भी क्लास है, तो मैं सेशन को थोड़ा सा लंबा नहीं करूंगा, हम इसको ऑलरेडी थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो अपन इसको अभी टाइमली क्लोज करते हैं, ताकि आप थोड़ी सी ब्रेक ले लो और अरविंद सर के नेक्स्ट सेशन में आप थोड़ा सा फ्रेश होकर 10 मिनट वॉक करके जा सको। तो मैं कोई डाउट आता है vinay.chur@vedantu.com पे भेज देना, सब्सक्रिप्शन ले लो, मैं बता रहा हूं इसके बिना नहीं होगा, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो जय माता दी, लव यू, बाय बाय, ओके।